अब बारी है टैली में टीडीएस सीखने की। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टैली में 1 to 12 चैप्टर का एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, वो आपने देखा ही होगा, जिसमें लगभग मैंने प्राइस लिस्ट तक कवर किया है। जो बुक मैंने आपको दिया है उसमें प्राइस लिस्ट चैप्टर तक हमने कवर किया, उसके बाद का जो चैप्टर आता है वो टीडीएस का चैप्टर है दोस्तों। और उसके बाद आता है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और पेरोल। ये तीनों चैप्टर आज के इस ट्यूटोरियल में कवर होने वाले हैं। जी हाँ, टीडीएस का डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जीएसटी का भी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जिसके अंदर आप सीखने वाले हो जीएसटी इनवाइसेस कैसे बनाते हैं, पीओएस इनवाइस क्या होता है, ये सारी चीज़ें जीएसटी के चैप्टर्स में एक्सप्लेन की जा रही है। और साथ ही में पेरोल यानी कि एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप हम टैली में कैसे बना सकते हैं, ये भी आप इसी चैप्टर में सीखने वाले हो दोस्तों। सो ये कंप्लीट पैकेज लगभग 2 से 2.5 घंटे का वीडियो है, लेकिन टैली में मास्टर बनना है तो आपको इतना टाइम तो स्पेंड करना ही पड़ेगा हमेशा की तरह। और ये वीडियो होगा बड़ा क्योंकि मैं जीएसटी का पूरा एक्सप्लेनेशन एक साथ देने वाला हूँ, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप कुछ मास्टर बनने की सोच रहे हो तो आपको पूरा तो देखना ही पड़ेगा, राइट? ये तो कॉमन बात है भाई। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि आप ये वीडियो पूरा देखें। इस वीडियो को साथ ही में लाइक भी कीजिए क्योंकि मैंने मेहनत ली है हमेशा की तरह। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं सतीश, टैली ट्यूटोरियल चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप नए हो टैली ट्यूटोरियल चैनल पे, तो आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन दिया है उस पर भी क्लिक कीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि आप टैली में मास्टर बनना चाहते हो ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, जल्दी से कीजिएगा। चलिए बढ़ते आज के टॉपिक की ओर। रेडी फॉर द टीडीएस इन टैली, ये है जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं टैली के अंदर टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बहुत सारे लोगों की ये गलत फहमी होती है कि टीडीएस एक टैक्स है। नहीं, टीडीएस ये टैक्स नहीं है, पहले मैं बता देता हूं। टीडीएस इट इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग इनकम टैक्स, ये पहले याद रखना है। यहां पे आपको डेफिनेशन भी दिया है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कलेक्टिंग इनकम टैक्स। यहाँ पे पहला सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है। सो इनडायरेक्ट मेथड क्यों बोला जाता है इसे, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं। मतलब प्रैक्टिकली तो हमें सीखना है टैली के अंदर टीडीएस कैसे करना है, लेकिन अगर आपको टीडीएस की इंफॉर्मेशन नहीं है तो भाई, अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि टीडीएस का मतलब मीनिंग बता दो या फिर टीडीएस के बारे में बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि टीडीएस एक मेथड होती है इनकम टैक्स कलेक्ट करने की, इनडायरेक्ट मेथड। अब इनकम टैक्स तो आपको पता है डायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे अगर किसी का इनकम के ऊपर डायरेक्टली गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आके रेट डाल के उसका इनकम चेक करता है और उसके ऊपर इनकम टैक्स लगा देता है। लेकिन वो अगर पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो भी बिजनेस है या बाकी सारे अर्निंग्स है, उसकी जो भी अर्निंग सोर्सेस है, उसका अगर वो टैक्स भर रहा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके ऊपर रेट नहीं डालेगा या फिर उसके ऊपर इनकम टैक्स लगने के चांसेस नहीं, क्योंकि वो टीडीएस पे कर रहा है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब इनकम टैक्स ही पे कर रहा है टीडीएस के थ्रू। अब ये होता क्या है, कैसे मैं आपको बताता हूं। आप एक कंपनी में इंप्लॉय हो और आपकी सैलरी लाइक अभी का जो स्लैब है 2000, यहां पे मैं दिखा देता हूं, यहां पे 2019-20 के स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स स्लैब्स टैक्स रेट इन इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2019-20, इसके हिसाब से ऐसा है कि आपकी सैलरी, एनुअल सैलरी 2,50,000 है तो आपको टैक्स नहीं चार्ज होगा, एनुअल सैलरी बोल रहा हूं मैं, 2,50,000 है तो आपको टैक्स नील, मतलब जीरो। अब आपकी सैलरी 2,50,000 से 1 रुपए ऊपर जाती है, उससे ऊपर मतलब 1 से, तो यहां पे 5 लाख तक अगर आपकी सैलरी है तो 5% ऑन टोटल इनकम एक्सीडिंग, लाइक यहां पे दिया है आपको कि 2,50,000 के ऊपर जितनी इनकम जा रही है आपकी, उसके ऊपर आपको 5% टैक्स लगेगा। ये पुराना था 10%, अभी ये 2019 और 20 में ये चेंज हो गया, तो हर साल इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहेंगे बजट डिक्लेयर होने के बाद। तो इसके लिए करना क्या है आपको, बस cleartax.in वेबसाइट विजिट कीजिए और उसके ऊपर आपको ये डिटेल्स मिलती रहेगी कि कौन सा इनकम टैक्स स्लैब कौन से ईयर में है। चलिए, ये तो आपको पता चला, और आगे देखते हैं। आगे जो है 5 लाख से लेकर 10 लाख तक जो स्लैब है, मतलब 5 लाख से 10 लाख, अगर 5 लाख से ज्यादा, 1 रुपए यहां से दिया है ना, तो 5 लाख से ज्यादा 10 लाख तक आपकी सैलरी है तो वहां पे आपको दिया है +12,500 +20%। अब ये 12,500 कहां से आए, ये मैं पहले बता देता हूं। ये 12,500 जो पहले 2.5 लाख है इसके, मतलब आपको 5 लाख से 10 लाख के ऊपर कितना लगने वाला है 20%, ये तो तय है। 5 लाख के ऊपर कितना है, 5 लाख के ऊपर जितनी भी सैलरी जा रही है आपकी, उसी के ऊपर
20%, मतलब आपकी सैलरी है 5,10,000, तो 10,000 के ऊपर 20%, ये याद रखना है, 10,000 के ऊपर ही 20%, क्योंकि आपकी सैलरी 5,10,000 है, 10,000 के ऊपर 20% हो गई, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनकम एक्सीडिंग 5 लाख, है ना, तो जो 5 लाख के ऊपर इनकम है उसी का ऊपर 20% चार्ज होगा, ये तो आपको समझा होगा। अब ये 12,500 क्यों, क्योंकि 5 लाख के नीचे उसकी सैलरी है 2.5 लाख, और 2.5 लाख पे 5% अगर आप निकालेंगे तो कितना होता है, 2.5 लाख पे 10% निकालो 25,000, 2.5 लाख पे 10% 25,000 होता है, क्योंकि एक जीरो कट कर दिया हमने, और अगर 2.5 लाख पे 10% 25,000 होता है तो उसका आधा 5% यानी कि 12,500। तो यहाँ पे 5 लाख से 10 लाख अगर आपकी सैलरी है तो आप पहले स्लैब के लिए तो कंपलसरी हो गए, मतलब आपको 12,500 तो ऐड करनी है और 20% इसके ऊपर जितनी सैलरी जा रही है आपकी, जैसे कि मैंने आपको बोला 10,000 के ऊपर 20%, अब 10,000 के ऊपर 10% होता है 1,000 रुपए और 20% हो जाएगा 2,000 रुपए, सिंपल है, तो आपका यहाँ पे 14,500 कट हो जाएगा अगर आपका 5,10,000 सैलरी है। तो एग्जाम्पल मैंने बताया कि स्लैब होता क्या है, आपको क्लियर हो चुका होगा। अब 10 लाख से ज्यादा है तो क्या है, आपको 1,12,500 ये तो कंपलसरी ऐड होगे, क्यों ऐड होंगे, क्योंकि 10 लाख के नीचे आपके दो स्लैब ऐड हो रही है, एक तो 5 लाख के ऊपर की सैलरी और एक है 2.5 लाख के ऊपर की सैलरी, तो 10 लाख के ऊपर की सैलरी यानी आपका एनुअल इनकम 11 लाख है, एग्जाम्पल ले लो 11 लाख, तो 1 लाख पे 30% लगने वाले है, दिखाई दे रहा है 30% ऑफ टोटल इनकम एक्सीडिंग अबाउट 10 लाख, ये समझ लो, यहां पे 10 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम है तो उसके ऊपर ही 30% चार्ज होगा, ये चार्ट में यहां पे क्लियर हो चुका होगा, और 10 लाख के नीचे मतलब क्या, 5 लाख का स्लैब आपको दिखाई दे रहा है यहां पे, 5 लाख के स्लैब के लिए कितना है, 5 लाख के स्लैब के लिए है 20%, तो यहां पे 5 लाख तो टैक्स में इंक्लूड होंगे ना आपके, 5 लाख के ऊपर 20%, तो 5 लाख के ऊपर 10% निकालो, एक जीरो कट करो 50,000, और 20% कितना हो जाएगा 1 लाख, और 1 लाख में ये 12,500 भी ऐड करो ना, जो 2 लाख बिटवीन 2 लाख टू 5 लाख है 5%, तो ये 12,500 प्लस 1,12,500 हो जाएंगे टोटल, ये दोनों मिला के, ये दोनों स्लैब के ऐड हो गए हैं यहाँ पे, यहाँ पे ये बात समझ लो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 1,12,500 आए कहां से, तो ये दोनों स्लैब के यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, इसके 12,500 जो ऑलरेडी इसमें ऐड हो चुके थे वो तो रहेंगे, क्योंकि आपकी सैलरी 10 लाख के ऊपर है, इसका मतलब 5 लाख का स्लैब आपको कंपलसरी लगेगा और 2 लाख 2.5 लाख का भी स्लैब आपको कंपलसरी रहेगा, पूरे 10 लाख के ऊपर आपको 30% नहीं है, 10 लाख के ऊपर जितनी जा रही है ये देखो एक्सीडिंग इनकम एक्सीडिंग 10 लाख, तो आपका 11 लाख सैलरी उसमें 1 लाख जो है उसके ऊपर 30% होगा, क्लियर, तो इस तरह से आपका यहाँ पे टैक्स डिडक्शन होता है, ये तो मैंने सैलरी के बारे में बताया, और ऐसे ही आपको इंटरेस्ट के ऊपर अलग अलग चार्ट मिलेंगे, आप ढूंढेंगे इसको डायरेक्टली गूगल पे सर्च करो कि इनकम टैक्स से रिलेटेड सॉरी इंटरेस्ट से रिलेटेड जो इनकम अपना इनकम टैक्स स्लैब है वो क्या रहेगा वगैरह वगैरह, वो आप चेक कर सकते हैं, या फिर टीडीएस रेट्स चार्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से टीडीएस रेट तो क्या रहेगा 2019 और 20 के लिए, हर साल के लिए अलग अलग सेक्शन में अलग अलग ये रहेगा, चेंजेस रहता है, तो यहाँ पे वो भी सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो हर एक के लिए यहाँ पे आ चुका है। चलो अभी हम लोग कुछ प्रैक्टिकली देखते हैं एग्जाम्पल टैली के अंदर, यहाँ पे मैंने टीडीएस का आपको चार्ट दिखाया, टीडीएस कैसे चार्ज होता है ये मैंने आपको बताया, अब टीडीएस किसके इसके ऊपर होता है यहाँ पे दिया है, टीडीएस कौन डिडक्ट करता है ये सारी चीजें हम समझ लेते हैं। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला उस कंपनी में आप काम के लिए हो इम्प्लॉय, तो इम्प्लॉय का जो सैलरी है अगर वो 2.5 लाख से ऊपर जाता है तो उस कंपनी का रोल है, मतलब कंपनी का रोल है, कंपनी क्या करेगी 2.5 लाख से ऊपर जितना भी जा रहा है उसके ऊपर 5% टैक्स डिडक्ट करेगी और वो गवर्नमेंट को पे करना है, यानी कि कंपनी आपका टैक्स आपकी सैलरी में से कट करेगी, तो गवर्नमेंट यहां पे आके आपको ट्रैक नहीं रख रही कि आपका इनकम कितना है, गवर्नमेंट आपकी कंपनी को बोल रही कि अगर आपके इंप्लॉय का सैलरी इतना आप दे रहे हो तो उसमें से 5% टैक्स आप डिडक्ट कीजिए, और वो किसको पे करना है, वो गवर्नमेंट को पे करना है, मतलब गवर्नमेंट खुद नहीं यहां पे डिडक्ट कर रही है, इसीलिए कंपनी डिडक्ट करे, इसलिए इसे इनडायरेक्ट मेथड बोला जाता है, टैक्स तो गवर्नमेंट के पास ही जाएगा लेकिन आपकी कंपनी आपसे डिडक्ट करेगी, या जो भी आपको पे करने वाला है, यहां पे एक नीचे सेंटेंस में मैंने दिया, द बायर्स कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट मेक पेमेंट सच एज अ सैलरी, वो सैलरी का पे कर रहा है, रेंट पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, ऑन सिक्योरिटीज डिविडेंड्स पे कर रहा है, इंश्योरेंस कमीशन, प्रोफेशनल फीस, कमीशन ऑन ब्रोकरेज, कमीशन ऑन लॉटरी टिकट्स, जो भी है ये अगर कोई पे कर रहा है यानी बायर्स, ये उसे हम डिडक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये डिडक्टर है, सॉरी ये
हाँ ये डायरेक्टर है और उसे हम डायरेक्टर बोलते हैं बायर्स को। और यहाँ पे भी दिया है, दिखाई दे रहा है बायर डायरेक्टर डिडक्ट्स द टैक्स फ्रॉम पेमेंट मेड टू द सेलर एंड डिडक्ट, यानी जिसका टैक्स डिडक्ट होता है, यानी कि इंप्लॉय या फिर जिसको भी आप पे कर रहे हो वो अमाउंट, वो सब क्या होंगे डिडक्ट होंगे। सपोज एग्जाम्पल ले लो, आप इंप्लॉय हो तो आपकी सैलरी में से टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो आप डिडक्ट हो जाएंगे, और जो डिडक्ट करने वाला है उसे डिडक्टर बोला जाता है। सो बायर्स इतने सारे पेमेंट पे टैक्स डिडक्ट करता है। यहाँ पे जो लिस्ट मैंने दी है अलग अलग पेमेंट, इसमें और भी ज्यादा है, मैंने कुछ लिस्ट दी है आपको समझने के लिए। तो जो भी पेमेंट से यहाँ पे ये किया जाता है उसका डिडक्शन टैक्स गवर्नमेंट को वो कंपनी या वो बायर सबमिट करेगा। तो आपकी कंपनी आपका टैक्स ले रही है तो आपके अगेंस्ट आपका इनकम टैक्स आपके पैन नंबर के अगेंस्ट वो गवर्नमेंट में सबमिट रहेगा। तो आप अगर टैक्स आपका प्रॉपरली डिडक्ट हो रहा है तो इसके बेनिफिट ये होते हैं, इनकम टैक्स अगर आपका डिडक्ट हो रहा है तो बेनिफिट है कि आप लोन के लिए क्वालिफाइड हो जाते हो। 3 साल आप अगर आप इनकम टैक्स भर रहे हो तो आप कोई भी बैंक लोन के लिए क्वालिफाई होते हो। अगर आप टैक्स नहीं भर रहे हो, आपकी सैलरी में से टैक्स नहीं डिडक्ट हो रहा है तो बैंक लोन के लिए आप क्वालिफाई नहीं होते। इनकम टैक्स रिटर्न के लिए वहां पे जरूरी है वो शो करना आपको लोन के लिए। तो ये जरूरी समझना कि टैक्स डिडक्टर एट सोर्स मतलब क्या, आपका जो सोर्स है इनकम का वहां पे ही टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। ये डेफिनेशन आपको क्लियर किया होगा, समझ में आया होगा। अभी देखो मैंने ये इसीलिए ये सारी चीजें बताई आपको, यहाँ पे बताया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सोर्स मतलब जहां पे इनकम का सोर्स है वहां पे टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। जैसे आप एक केबीसी शो में बैठे हो, वहां पे 1 करोड़ रुपए आप जीतते हो तो 1 करोड़ आपको मिलने वाले नहीं है, लगभग आपको 71 लाख समथिंग मिलेंगे। तो बाकी के अमाउंट किधर जाएगी, तो बाकी के अमाउंट टैक्स में कट हो जाएगी। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, लगभग 70 या 80 के दरमियान मतलब उतना मिल जाएगा आपको, बाकी के टैक्स में डिडक्ट होने वाला है। तो क्योंकि इनकम टैक्स का स्लैब है, 10 लाख के ऊपर 30% चार्ज होने वाला है दोस्तों, तो ये समझना बहुत जरूरी है आपको। तो यहाँ पे ये टैक्स की प्रोसेस कैसी रहती है टैली के अंदर हम समझते हैं। अभी मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूं। सबसे पहले टैली में चले जाते हैं, ये तो सब थियोरटिकल पार्ट था, अभी थियरी तो समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर मुश्किल है आपको टीडीएस समझना। यहाँ पे सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी में जाते हैं, कंपनी में हम नाम देते हैं इसको टीडीएस कंपनी नाम देते हैं, और कंपनी का टीडीएस नहीं, हम हमारा नाम देते हैं लर्न मोर, क्योंकि यहाँ पे हमें इसका फाइनली जब प्रिंट करना है तो आना चाहिए डिटेल्स। मैं एड्रेस वगैरह नहीं भर रहा हूँ ज्यादातर, मैं बस स्टेट ले रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब आपको एपिलियन प्रेस करना है, टैली का कंपनी क्रिएशन के बाद आपको यहाँ पे एपिलियन प्रेस करना है। एपिलियन क्यों, क्योंकि टीडीएस का जो फीचर है वो इनेबल करना पड़ेगा। अभी सभी कंपनी के लिए जरूरत नहीं रहता है इसका, जिसको जरूरत है वो अपना एपिलियन बटन प्रेस करके इनेबल कीजिए। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, इसमें आपको जाना है। चलिए मैंने एंटर कर दिया। इसके अंदर आपको राइट साइड में, फिलहाल हम जीएसटी वगैरह नहीं देखेंगे, राइट साइड में यहाँ पे आएंगे, राइट साइड में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा ऑप्शन इनेबल टीडीएस, ये यस कर रहा, और उसकी डिटेल्स भरनी आपको भरनी है। जी हाँ यस करो, उसके नीचे का भी ऑप्शन। टीडीएस डिटेल में कुछ चीजें रहती है जैसे टैन रजिस्ट्रेशन नंबर, जो टैक्स पेयर सपोज आप टैक्स डिडक्टर हो, आपकी कंपनी, आप अकाउंटेंट हो वहां पे, तो आपकी कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगा टैक्स, तभी आप एक प्रॉपर डिडक्टर हो जाएंगे। आप डायरेक्टली इंप्लॉय का टैक्स डिडक्ट नहीं कर सकते हैं। सो यू शुड हैव अथॉरिटीज टू डिडक्ट द टैक्स। कंपनी टीडीएस डिटेल्स यहाँ पे आपको भरनी रहेगी। टैन रजिस्ट्रेशन नंबर, जब आपने टैन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा समथिंग, मैं यहाँ पे बस कोई भी नंबर डाल रहा हूं अभी आपको एग्जांपल के लिए। टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, टैन नंबर आपको मिलता है अगर आप ऑथोराइज टैक्स डिडक्टर हो तो, रजिस्टर करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको टैन नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी आपकी कंपनी है या इंडिविजुअल हब है, आप मतलब इंडिविजुअल एक बिजनेस है तो आप कैसे डिडक्ट कर रहे हो, मेरी कंपनी है मैं कंपनी के अंदर ही इंप्लॉय का डिडक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे टैक्स, तो डिडक्टर ब्रांच आपकी कोई ब्रांच है तो आप यहाँ पे एड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सेट और अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सनल पर्सन रिस्पॉन्सिबल, अब ये जो है पर्सन यहाँ पे सॉरी, ये जो है पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके टैक्स डिटेल्स भरने के लिए, यानी कि जब भी आप यहाँ पे टाइम टू टाइम टैक्स रिटर्न्स करना रहता है, गवर्नमेंट को ये टैक्स सबमिट करना रहता है इनकम टैक्स का, तो वो जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है वो अकाउंटेंट हो सकता है, सीनियर अकाउंटेंट बिजनेस ओनर भी हो सकता है, उसका नाम यहाँ पे लिखना है आपको, पूरी डिटेल्स उसके लिखनी है ताकि गवर्नमेंट में ये चीजें गवर्नमेंट जब भी ये रहेगा तो उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल तय किया जाएगा आपकी कंपनी में, तो वो टैक्स का पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर डेट में क्यों नहीं भरा गया, ये सारी चीजों के लिए इसको इस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल माना, इसलिए इसे रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं। वो सब चीजें भरेगा प्रॉपरली, टाइम टू टाइम सारी चीजें उसे करनी है।
और चलो ये डिटेल्स में स्किप करा, यहाँ पे आप भर सकते हैं, भरना है नहीं भरना है। यहाँ पे एक चीज और है, रेट ऑफ टीडीएस पैन नॉट अवेलेबल। पैन नॉट अवेलेबल यानी कि पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आपको टीडीएस का रेट कितना रखना है। टीडीएस का रेट आपकी कंट्री में कितना है? मेरे कंट्री में मतलब इंडिया में, हमारी कंट्री में 20% है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो अभी पैन कार्ड किसके पास नहीं रहता है? तो पैन कार्ड जो सपोज 18 के बिलो है उनको तो नहीं रहता, लेकिन वो तो जॉब भी नहीं करते, तो 18 के अबोव रहता है। लेकिन जो नॉन ये है मतलब इंडिया का रेसिडेंशियल नहीं है, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, तो ऐसे लोगों के पास पैन कार्ड नहीं रहता है और उनको टैक्स जो लगने वाला है वो 20% लगने वाला है। यानी कि वो बाहर से, इंडिया के बाहर से आकर इंडिया में इनकम कर रहे, इंडिया में जॉब कर रहे, इंडिया में अर्निंग कर रहे, तो उनके लिए 20% टैक्स रहेगा। जहां पे 10 रहता है वहां पे 20 रह जाए। तो यहां पे इस तरह से रहेगा। इग्नोर आईटी एग्जम्पशन लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन। टीडीएस डिडक्शन के लिए आईटी एग्जम्पशन लिमिट जो है कुछ रखा गया है, इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट जैसे 2,50,000, उसे इग्नोर करना है नहीं करना है वो दिया है यहाँ पे। फिलहाल ये सारी चीजें आप यहाँ पे अभी एक्टिवेट नहीं करना है, एक्सेप्ट कर देना है। और यहाँ पे इनकम टैक्स नंबर वगैरह, पैन नंबर आप ऐड कर सकते हैं और CIN नंबर भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्पोरेट आइडेंटिफाई नंबर रहेगा। ये सारी चीजें करने के बाद आपको आना है अकाउंट इंफो के अंदर। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल अकाउंट इंफो के अंदर क्यों है, एक लेजर मुझे क्रिएट करना है, वो लेजर कौन सा मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हमारे नोट्स में चले जाते हैं। यहाँ पे नोट्स में आप देख सकते हैं मैंने दिया है एंट्री, हम मैं पढ़ लेता हूं, एक एंट्री दे लेते हैं। यहाँ पे देखिए एंट्री है मिस्टर साजिद, यहाँ पे इसे जूम कर देता हूं, मिस्टर साजिद खान है ना, ये है। तो ये एंट्री क्या है, ये एंट्री ऊपर ये सॉरी उसका लेजर डायरेक्टली यहाँ पे, कंपनी एक्स वाई जेड रिसीव्स एन इनवाइस ऑफ रुपीज 50,000 एज अ ट्रेनिंग फीस फ्रॉम मिस्टर साजिद खान, डिडक्ट डिटेल, डिडक्ट द टैक्स टीडीएस एंड पेड बैलेंस टू मिस्टर साजिद खान। तो यहां पे क्या बोला गया है कि कंपनी एक्स वाई जेड, हमारी कंपनी है, वो 50,000 रुपए का इनवाइस रिसीव हो चुका है, साजिद खान ने ट्रेनिंग फीस का बिल भेजा है, तो उसको पे करना है हमें अमाउंट 50,000। लेकिन उसके जो अमाउंट है 50,000 में से टीडीएस डिडक्ट करो और टीडीएस डिडक्ट करके बाकी का अमाउंट साजिद को पे करो। लेकिन ये टीडीएस डिडक्ट जो करना है उसके कौन सा टीडीएस है, वो देखो ट्रेनिंग फीस है। अब ट्रेनिंग फीस है ना क्या, एक टेक्निकल सर्विस, ट्रेनिंग टेक्निकल और प्रोफेशनल सर्विस में आता है। तो हम यहाँ पे जरा आ जाते हैं ये फाइल में, यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है, ये paisabazaar.com पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल रहा है प्रोफेशनल फीस के लिए जो सेक्शन है वो कौन सा है देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे स्क्रोल करके मैं आपको दिखाता हूँ प्रोफेशनल फीस का सेक्शन, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये रहा टेक्निकल एंड प्रोफेशनल फीस का सेक्शन। 10% टैक्स चार्ज होगा उसका, दिया है वहां पे 194J, ये एनुअल इनकम के हिसाब से वहां पे उन्होंने बोला है कि उसके प्रोफेशनल इनकम पे 10% टैक्स हमें अप्लाई कर देना है। एक्चुअली यहाँ पे हमने ये सेक्शन देखा, सेक्शन देख लिया है। सेक्शन देखने के लिए आपको बस ये सर्च करना है, सर्च क्या किया मैंने यहाँ पे देखिए टीडीएस रेट चार्ट, ये सर्च करके आप ये सेक्शन देख सकते हैं। पैसा बाजार पे लिंक मिल जाएगा ये आपको। तो यहाँ पे जो भी सेक्शन है वहां पे बहुत सारे सेक्शन है अलग अलग, वो आप चेक कर सकते हैं उस वेबसाइट पे, जरूर चेक कर लेना क्योंकि आपको इसके नॉलेज होने चाहिए। अगर आप जो टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं वो कौन सा है, कौन से कैटेगरी में आता है, वो सैलरी में आता है या फिर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना सैलरी में आता है, तो क्या होता है एज पर इनकम टैक्स स्लैब रेट जो सैलरी में रहता है, तो इनकम स्लैब, तो अलग अलग स्लैब यहाँ पे आपको मिलेंगे, उसके हिसाब से सेक्शन भी मिलेंगे, उसके हिसाब से टैक्स चार्ज होगा, वो आपको देखना जरूरी है। अभी हमने देख लिया वो भी, अब हम यहाँ पे वापस बुक में आ गए। तो हमारा ये चैप्टर जरा बड़ा रहेगा दोस्तों, ये टीडीएस पूरा एक ही चैप्टर में कवर कर रहा हूँ और आपने पुराने सारे चैप्टर कवर किए होंगे, प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि एक चैप्टर मुझे अपलोड करने के लिए बहुत टाइम लगता है फिलहाल, ये सब हेल्थ की वजह से चल रहा है थोड़ा सा, बट मैं रेगुलर करने की कोशिश करूंगा, बस दैट्स इट। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हमें इनवाइस जो है मिला है साजिद खान से, तो उसकी एंट्री हमें पास करनी है। तो सबसे पहले हमें लेजर की जरूरत पड़ेगी, एक तो प्रोफेशनल फीस का लेजर बनाना पड़ेगा, अंडर इनडायरेक्ट इनकम आएगा वो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा सॉरी, एक प्रोफेशनल फीस का लेजर जरूरी पड़ेगा, एक साजिद खान का लेजर जरूरी पड़ेगा और एक टीडीएस ऑन प्रोफेशनल, ये तीन लेजर। तो इसीलिए मैं अकाउंट इंफो में जा रहा हूँ, लेजर्स में जा रहा हूं और यहाँ पे मैं क्रिएट में जा रहा हूं। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले प्रोफेशनल फीस का लेजर बना रहा हूं, प्रोफेशनल फीस ये लेजर आपको पहले बना देना है। अभी आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑफकोर्स ये हमारे एक्सपेंसेस हो जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे और हम लोग यहाँ पे
टीडीएस अप्लीकेबल, इसे एप्लीकेबल करेंगे। इसे यहाँ पे जरा ध्यान से समझो, अप्लीकेबल के बाद राइट साइड में आएगा नेचर ऑफ पेमेंट्स, आ रहा है ना लिस्ट ऑफ, तो यहाँ पे हमें ले लेना है न्यू कैटेगरी, क्योंकि हमें यहाँ पे फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज का बनाना है। फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज का यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा आपको, एक नेचर ऑफ पेमेंट जो है आपका वो ऐड करना पड़ेगा, फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज। अब इन्होंने ऐसा क्यों रखा है, राइट, डायरेक्टली ये सब चीजें रेडीमेड क्यों नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे एवरी ईयर चेंजेस होता रहता है रेट में, इसलिए कस्टमाइज रखा है। पहले एक बार टैली में, मतलब मैंने पुराने टैली में काम किया तो उसमें डायरेक्टली रेट वगैरह अप्लाई होता था, ऑटोमेटिक आता था, लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पे उन्होंने नहीं रखी क्योंकि कस्टमाइज होता रहता है। सेक्शन यहाँ पे कौन सा है वो आप खुद टाइप करो, और जो टैक्स रेट है वो आपको खुद टाइप करना पड़ेगा। पेमेंट कोड 194 आएगा, यहाँ पे स्किप करना है, यहाँ पे आएगा 10%, मैंने बोला था वहां पे दिखाया आपको, और यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट आप डाल सकते हैं, 30,000 रुपीज था समथिंग वो एग्जम्पशन लिमिट, और यहाँ पे ऐड कर दो। अब ये ऐड करने के बाद एक्सेप्ट कर दो, ये लेजर बना दिया मैंने, क्या क्या चीजें ऐड करनी है वो समझ में आया। मिस्टर साजिद खान का हमारा दूसरा लेजर है, चलिए इसे बना देते हैं। ये देखिए क्या रहेगा, साजिद खान जो रहेगा सनरी, इसे प्रैक्टिकल तुरंत कर लो आप, एक काम करो वीडियो पॉज करो प्रैक्टिस कर लो। अब हाँ, एक और क्वेरी, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियोस आ रहे हैं हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे, एबी पेज पे डायरेक्टली हमें देखना पड़ रहा है, तो मेरे पास इसके वीडियोस के जो ऑफलाइन फाइल्स है वो बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि ये सभी फाइल को एक साथ मर्ज करूं और आपके लिए एक पर्टिकुलर ड्राइव पे या कोई लोकेशन पे डालो जहां से आप उसको लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जल्दी करूंगा, कोशिश जरूर करूंगा, जो आपकी रिक्वेस्ट डाउनलोडिंग की वो मैं जरूर करूंगा। यहाँ पे फिलहाल मिस्टर साजिद खान सनरी क्रिएटर्स आएगा, ये लेजर आपको बनाना है, और टीडीएस डिडक्टेबल यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। इसे कंपनी है, इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल अर्निंग है हमारा, सो यहाँ पे हम लोग कंपनी या कंपनी रेसिडेंस भी आप दे सकते हैं, जो भी एम्प्लॉयज रहेगा आपका, सपोज एम्प्लॉयज रेगुलर कंपनी रेसिडेंस का है वो, और इसके बारे में ज्यादा समझना है आपको तो टीडीएस की लॉ है, टीडीएस एक पर्टिकुलर, उसके गूगल पे आपको मिल जाएगा टीडीएस लॉ से रिलेटेड बाकी सारी चीजें, इसकी इन्फॉर्मेशन, तो वो आपको डिटेल में सीखनी पड़ेगी। एक सीए लेवल का इन्फॉर्मेशन आपको रहना चाहिए टीडीएस डिडक्शन के लिए, तो वो आपको थोड़ा सा थियोरेटिकल पढ़ना भी पड़ेगा क्योंकि वो लॉ है, स्पेशली मैं अभी बस टैली के अंदर बता रहा हूँ कि एंट्री कैसी करनी है। सो डिडक्ट टीडीएस इन द सेम वाउचर, नहीं ये नो करना है हमें, क्योंकि हम टीडीएस सेम वाउचर में यहाँ पे डिडक्ट नहीं करने वाले, हम अलग वाउचर में डिडक्ट करने वाले। अगर आप सेम वाउचर में करना चाहते, सपोज मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, चलिए सेम वाउचर में हम टीडीएस डिडक्शन रखते हैं, तो हमारा टीडीएस डिडक्शन तुरंत आ जाता है। अलग वाउचर सेपरेटली करना है तो कर सकते हैं, हम सेम वाउचर में करते हैं, अलग वाउचर की जरूरत नहीं, आपको दोनों भी समझ में आएगा कंसेप्ट। यहाँ पे एड्रेस वगैरह भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साजिद खान का पैन नंबर जरूरी है एंटर करना। चलिए यहाँ पे पैन नंबर अगर आप एंटर नहीं करते हैं तो उसको टैक्स जो है 20% चार्ज होगा, 10 की जगह, समझ में आपको, तो मैंने पहले ही बोला क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो कहलाया जाएगा और उसको टैक्स उतना रहेगा। तो यहाँ पे मेरे पास पैन नंबर है, डाल दिया, 10 डिजिट आपको डालने हैं बस, तो यहाँ पे डाल दो और एक्सेप्ट कर दो इसे। ओके, तो ये हो गया साजिद खान का लेजर। लास्ट लेजर हमें बनाना है टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस, और जो भी है आपका ट्रेनिंग फीस ऐसा बना सकते हैं आप। ये आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये आएगा टीडीएस, और ये यहाँ पे आएगा जो हमने क्रिएट किया था फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज, राइट, ये हमें यहाँ पे ऐड करना है जो हमने क्रिएट किया था। तो हमें वो नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करना ही है, और वो कैसे क्रिएट करना है मैंने बताया, उसका सेक्शन कहाँ पे देखना है वो गूगल पे मैंने, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझनी बहुत जरूरी है। तो तीन चीजें, तीन लेजर बनाने के बाद अभी बहुत काम इजी है, तीन लेजर होने के बाद तीन वाउचर एंट्रीज है और बस टीडीएस खत्म हो जाएगा। अब देखिए अकाउंटिंग वाउचर में आइए आप, तीन लेजर हमने जो बनाया है उसके अंदर अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद आपको सबसे पहले आना है जर्नल वाउचर के अंदर। तो मैं यहाँ पे जर्नल वाउचर के लिए F7 प्रेस कर रहा हूं, F7 प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमें प्रोफेशनल फीस का पेमेंट करना है 50,000 रुपए, राइट। अब यहाँ पे मैं मिस्टर साजिद खान ले रहा हूं, साजिद खान लेने के बाद ऑटोमेटिकली टीडीएस डिडक्ट हो रहा है क्योंकि मैंने डिडक्ट द टीडीएस ऑन इन द सेम वाउचर ये रखा था, यस रखना है यहाँ पे, तो ये डिडक्ट हो जाएगा। नहीं करेंगे तो आपको अलग से डिडक्शन के लिए फिर जर्नल पास करना पड़ेगा, इससे अच्छा आप सेम ही रखो। और यहाँ पे 45,000 देखो ऑटोमेटिकली 10% टैक्स 50,000 में से डिडक्ट हो गया। एंटर करते जाना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, एंटर एंटर एंटर, उसके बाद यहाँ पे टीडीएस का जो आपने लेजर बनाना है
बनाया है मतलब ऑलरेडी, नहीं बनाया तो आलसी करके बना सकते हैं यहाँ पे भी, फिलहाल बनाया है तो आप यहाँ से ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये हमने क्या किया। प्रोफेशनल फीस साजिद खान को हम 50,000 पे करने वाले, तो हमें दिखाना है कि साजिद खान को अभी यह पेमेंट नहीं कर रहे हम। साजिद खान ने बिल भेजा है हमें 50,000 का, लेकिन उसमें से साजिद का पेमेंट है 45,000 और 5,000 है टीडीएस कंप्लीट। तो 45,000 साजिद हमें क्रेडिट में दिखाना है, इसलिए कि हमें उसे पेमेंट करना है, तो उसका बिल आया है तो 45,000 उसका पेंडिंग अमाउंट है, क्रेडिट अमाउंट यानी पेंडिंग अमाउंट, तो ये हमारे लिए आउटस्टैंडिंग रहेगा अभी। तो साजिद खान को 45,000 हमें देनी है, क्रेडिट साइड में आ चुका है वो, और प्रोफेशनल फीस के अगेंस्ट देने हैं, इसीलिए प्रोफेशनल फीस डेबिट आएगा, साजिद खान क्रेडिट आएगा, और ये टीडीएस भी तो हमें पे करना है गवर्नमेंट को, तो ये भी तो क्रेडिट ही रहेगा, ये भी तो लाइबिलिटी रहेगा ना दोस्तों, तो ये लाइबिलिटीज में चला जाएगा, ये भी लाइबिलिटीज रहेगी का साजिद, और ये तो आपको पता है क्योंकि हमें प्रोफेशनल फीस पे करनी है। नरेशन डाल सकते हैं, नरेशन के बाद आप एक्सेप्ट कीजिए, नरेशन क्या रहेगा, बीइंग टीडीएस डिडक्टेड फ्रॉम साजिद पेमेंट, ऐसा टीडीएस डिडक्ट किया हमने उसमें। अब पहली एंट्री जर्नल के होने के बाद हम साजिद का पेमेंट कर लेते हैं, तो साजिद के पेमेंट के लिए हमारे पास कोई अकाउंट रहना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ये तो मेरी नई कंपनी, इसमें बैंक अकाउंट है ही नहीं है, आपके पास पहले से रहेगा अगर आप जॉब कर रहे हो, तो आपको रोज रोज बैंक अकाउंट तैयार करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे फिलहाल तैयार कर रहा हूँ साजिद को चेक देने के लिए ICICI बैंक, और बैंक अकाउंट जिसमें मेरे पास अभी मैं एग्जाम्पल करके डायरेक्टली अमाउंट लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से बैंक अकाउंट नहीं है, 5,00,000 रुपए मैंने बैंक में रख दिए है। आप जितना जितना रखो यार, आपकी बैंक है ओके, प्रैक्टिस के लिए आप जितना जितना रख सकते हैं। स्किप कीजिए, अकाउंट में ऐसा कुछ करना नहीं दोस्तों, हम जस्ट जोकिंग की, वही जितना चाहिए उतना रखना है। अकाउंटिंग वाउचर में अभी आपको पेमेंट वाउचर में जाना है, तो मैं यहाँ पे पेमेंट वाउचर में जा रहा हूँ। चलिए साजिद खान यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, मिस्टर साजिद खान, और इसका पेमेंट हमें डायरेक्टली कर देना है। तो साजिद खान को कितना पे करना है, यहाँ पे क्रेडिट में अमाउंट आ रहा है नीचे करंट बैलेंस में 45,000, और अगेंस्ट रेफरेंस में सिलेक्ट करना है, और पेंडिंग बिल बता रहा है वो यहाँ पे 1 अप्रैल ये पर्टिकुलर है अमाउंट, इतना पे करना है, ऑटोमेटिकली आ रहा है, और किससे पे करें हम, ICICI बैंक से पे करें, एंड दैट्स इट। ये एंट्री हो गई, साजिद का पेमेंट हो गया क्लियर। अब हमें टीडीएस भी पे करना है, और टीडीएस पे के लिए टैली के अंदर स्टेट्यूटरी पेमेंट का एक स्टेट पेमेंट का एक स्क्रीन रहता है, और उसे लाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्वेल करना है, और इस पेमेंट वाउचर को सिंगल एंट्री मोड में व्यू करना है। पेमेंट वाउचर जो क्रेडिट डेबिट मोड है वो हटा रहे हैं हम अभी, ध्यान से देखिए, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट वाउचर्स, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा मैं नहीं ले रहा हूं, फिलहाल ये यस करना है, ये बाद में आप नो करके रख सकते हैं अगर आपको रेगुलर कुछ क्रेडिट डेबिट में काम करना है पेमेंट रिसिप्ट और कॉन्ट्रा में, तो इसे नो कर देना बाद में, ये मैंने पहले भी समझा दिया एकदम स्टार्टिंग में आपको। अभी सिंगल एंट्री मोड की हमें जरूरत है क्योंकि हमें स्टैट पेमेंट करना है, तो स्टैट पेमेंट कैसे, स्टेट्यूटरी पेमेंट ये कैसे इनेबल करेंगे, यहाँ पे शॉर्टकट की दी है अल्टेस, बिल्कुल सही आपने देखा है वहां पे अल्टेस करेंगे, यहाँ पे आएगा टीडीएस, यहाँ पे आएगा कौन से ईयर का पर्टिकुलर, आप जो भी पीरियड का पे करो क्वार्टरली या फिर ईयरली पे करो वैसे आप यहाँ पे ले सकते हैं। सेक्शन लेना है, यहाँ पे डेट लेना है, फीस फॉर प्रोफेशनल लेना है, यहाँ पे आपको लेना है ऑल आइटम्स, और यहाँ पे जरा डेट में आप देख सकते हैं मैंने एक ही महीने का यहाँ पे लिया क्योंकि अभी सॉरी ये गलत हो जाएगा, 1 अप्रैल चाहिए हमें यहाँ पे क्योंकि हमारा 1 अप्रैल से है, 1 अप्रैल 2000 हाँ ये डेट रहेगी, और यहाँ पे आएगा 31/3/2020, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है राइट, ये डेट मुझे यहाँ पे चेंज करनी थी। और 194J फीस फॉर सेक्शन जो भी है कंपनी लेंगे यहाँ पे, रेसिडेंस नॉन रेसिडेंस, रेसिडेंस मैंने बोला था पहले स्टार्टिंग में, यहाँ पे ICICI लेना है हमें, तो ये सारी चीजें होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे टीडीएस ऑटोमेटिकली आ चुका है, एंटर करके आप इसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ये देखो 5,000 रुपीज है ना डायरेक्टली पे हो रहा है यहाँ पे, अमाउंट देख सकते हैं आप यहाँ पे डिडक्ट हो चुके हैं, 50,000 हो चुके हैं अभी क्योंकि 45,000 में साजिद को दे दिए और 5,000 यहाँ पे टीडीएस, टोटल 4,50,000 बाकी रह गया हमारे। अब हम यहाँ पे अल्ट पी करके दिखाते हैं आपको, अल्ट पी करना है यहाँ पे, अल्ट पी करने के बाद आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, यस करने के बाद यहाँ पे डालो डेट, सपोज ये 31 मार्च डाल रहे हैं हम लोग, और एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक टीडीएस टैक्स चालान फॉर्म आ चुका है, मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ, अल्ट जेड आप प्रेस कर सकते हैं जूमिंग के लिए, टीडीएस टैक्स चालान आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे इसका जो है अमाउंट भी आ रहा है, पार्टी का नाम भी आ रहा है, हमारा भी नाम आ रहा है, सारी चीजें आ रही है यहाँ पे, सब चीजें टैक्स फेयर काउंसिल हमारे सब टैक्स जो नंबर है वो सब आ रहा है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर एंड ऑल सारी चीजें यहाँ पे आती। ये जो टैक्स चालान का फॉर्म है टीडीएस का, आपको इसे
तीन प्रिंट करने के बाद इसको पहले बैंक में जाके सबमिट करना। बैंक यहां से आपके अकाउंट में से टैक्स डिडक्ट करेगी और गवर्नमेंट में टैक्स डिपार्टमेंट में पे करेगी, उसके ऊपर आपको सील देगी, एक उनके पास रहेगा, तीनों इसके ऊपर वो स्टैंप मारेगी बैंक, और एक एक आपके पास रहेगा। ये एक आप सबमिट करोगे जोनल एरिया ऑफिस, सिंगल कॉपी टू बी सेंड एट सेंड टू ZAO, जोनल एरिया ऑफिस। जो जोनल एरिया मतलब जोनल, आपके जोनल में जो टैक्स ऑफिस है वहां पे आपको एक सबमिट करना है, एक कॉपी, और एक आपके पास रखनी है। तीन कॉपी इसकी रखनी है, एक बैंक रखेगी, एक आपको, और एक ZAO वहां पे सबमिट करनी है। तो इस तरह से ये टैक्स कंप्लीट प्रोसीजर होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये टैक्स चालान का फॉर्म आपको कैसे प्रिंट करना है, कैसे क्या चीजें होती है, इसके बारे में मैंने टैली के अंदर जो चीजें रिक्वायर्ड होती वो मैंने आपको बताई। लेकिन टीडीएस इतनी ही चीज नहीं है, टीडीएस एक लॉ है, तो आपको उसको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, टीडीएस लॉ से रिलेटेड सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों, तभी आपको ये बाकी सारी चीजें समझ में आएगी, ये सेक्शन समझने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए पढ़ने के लिए, मैं बस टैली के अंदर टीडीएस की एंट्री कैसे पास करती है ये आपको बता रहा हूँ, बट बहुत सारी चीजें वहां पे रहती है, कब आपको क्वार्टरली कैसे पे करना है, कौन सी डेट रहती है, सारी चीजें आपको वहां पे मिलेगी, नेट के ऊपर है, और मुझे अगर लिंक मिली तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल ये जो टैली का बुक्स है बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, तो इसकी लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। चलिए जीएसटी शुरू करते हैं लेक्चर टैली का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता क्या है, कैसे हमें टैली के अंदर उसे एक्टिवेट करना है, इनवॉइसेस कैसे पास करना है, ये सारा इस वीडियो में होने वाला है। अब इसे इंडिया में इंप्लीमेंट कभी किया है ये सबको पता रहेगा, 1 जुलाई 2017 से ये अप्लाई हो चुका है, इफेक्ट में आ चुका है। अब हमें जीएसटी की जरूरत क्या थी, जीएसटी के कौन कौन से इंप्लीमेंटेशन होते हैं, टैक्स रेट क्या होता है, उसमें एचएसएन कोड क्या होता है, कौन जीएसटी पे करने वाला रहता है, ये सारी चीजें पहले समझते हैं, और फिर आगे जाकर यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप टैली का सीरीज, मतलब टैली का सीरीज मतलब टैली के अंदर जीएसटी इनवॉइसेस कैसे पास करते हैं, वो नीचे चालू हो जाएगा। दो चार पेजेस ऐसे कि जीएसटी की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे मेंशन की है इसके अंदर, तो आपको वो पढ़नी होगी, नहीं पढ़ रहे तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हिंदी में उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो जो चीजें मुझे बतानी चाहिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी देखिए जीएसटी के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे टैक्स को मर्ज किया गया है। वी हैव पे टू पे इंटरटेनमेंट टैक्स, वैल्यूएटेड टैक्स, एक्साइज टैक्स, इम्पोर्ट ड्यूटीज टैक्स, लक्जरीज टैक्स, सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, देन सर्विस टैक्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टैक्स हमें पे करने रहते थे। लेकिन इन सभी टैक्स को, मतलब कुछ स्टेट लेवल के टैक्स थे, कुछ सेंट्रल लेवल के, तो उन सभी टैक्स को मर्ज करके जीएसटी एक टैक्स डेवलप किया गया है। ये एक इंडायरेक्ट टैक्स है कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ऑफकोर्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो वो ही कलेक्ट करेगा। और यहाँ पे वन नेशन वन टैक्स, ये एक पॉलिसी लागू करनी थी, ये एक अप्लाई करना था पूरे राष्ट्र में, एक ही टैक्स का ये रहना चाहिए, कैटेगरी रहना चाहिए, इसीलिए उन्होंने जीएसटी इंप्लीमेंटेशन किया। कंट्रोवर्सी क्या थी, दो स्टेट के बीच में कंट्रोवर्सी थी। सपोज मैं एग्जांपल दूं आपको तो एकदम सिंपल, महाराष्ट्र और कर्नाटक ले लो, मैं एग्जांपल बता रहा हूं बस, ये कंट्रोवर्सी थी नहीं थी मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है जो मैंने उनका सेमिनार देखा जहां पे जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हो रहा था, तो उसके पहले जो अपने टैक्स की इंफॉर्मेशन देने वाले अलग अलग लॉ मेंबर थे उन्होंने बताया था कि भाई जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की जरूरत क्यों है, हमें जीएसटी क्यों लाना है। पहले तो दो स्टेट के बीच में बहुत कंट्रोवर्सी हो रही थी, और कंट्रोवर्सी ऐसी थी कि सपोज महाराष्ट्र में वैट है, कर्नाटक में भी वैट था, लेकिन महाराष्ट्र का वैट का परसेंटेज, जो गुड्स के परसेंटेज थे वो अलग थे और कर्नाटक के अलग थे, यानी कि कर्नाटक में टैक्स कम लग रहा था, तो महाराष्ट्र में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है या बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो रॉ मटेरियल कर्नाटक से मंगाती थी क्योंकि वहां पे टैक्स कम लग रहा है, तो ऐसे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही थी। तो कर्नाटक को ऑफकोर्स वहां पे टैक्स मिलने वाला है, महाराष्ट्र की कंपनीज वहां से गुड्स मंगा रही है, लेकिन महाराष्ट्र का क्या बेनिफिट हो रहा है, तो महाराष्ट्र वहां पे टैक्स रेट कम कर रहा है और उसकी वजह से उसके पास कुछ टैक्स का अमाउंट कलेक्ट नहीं हो रहा है और वो सेंट्रल के पास ग्रांट मांगने जा रहा है, तो ऐसी सारी चीजें वहां पे हो रही थी, इसीलिए पूरे स्टेट का ये सब टैक्स हटा के उनको करना था एक सेंट्रलाइज टैक्स, जो कि उन्होंने जीएसटी में इंप्लीमेंटेशन लाया, इसीलिए इसे वन नेशन वन टैक्स हम बोलते हैं। पूरे अलग अलग स्टेट के अलग अलग टैक्स जो भी है वो सब मर्ज कर दिए, सब हल्ला हटा दिए गए, जैसे कि वैट था वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज था, एंटरटेनमेंट टैक्स तो आपको पता रहेगा स्टेट लेवल पे, सपोज आप एक मूवी देखने जाते हैं तो वहां पे एंटरटेनमेंट टैक्स
चार्ज होता था स्टेट का, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सर्विस टैक्स चार्ज करता था। तो आपको सपोज एंटरटेनमेंट टैक्स 18% था और सर्विस टैक्स जो कि सेल्स टैक्स ऐड करके 15% था, जैसे कि उसमें कृषि कल्याण भी था और स्वच्छ भारत का भी था। तो ये स्वच्छ भारत 0.5, कृषि कल्याण 0.5 और सर्विस टैक्स 14% ऐसा मिला कि 15% सर्विस टैक्स टोटल होता था और एंटरटेनमेंट टैक्स 18%, टोटल 33% आपको एक मूवी के ऊपर टैक्स भरना पड़ता था, लेकिन उसको हटा के अभी 28% का डायरेक्ट जीएसटी लगा दिया। वही ये सब झंझट नहीं चाहिए, डिपार्टमेंट एक ही हो जाएगा, क्लीन रहेगा सब कुछ, एक ही सेंट्रलाइज होने के कारण सब एक ही के नीचे आएगा, पार्श यहाँ पे किसी के साथ पार्शलिटी नहीं होगी और वो क्या बोलते हैं हम करप्शन थोड़ा सा रोकने की यहाँ पे कोशिश हो जाएगी। करप्शन रोकना बहुत मुश्किल बात होती है, बट गवर्नमेंट कुछ ना कुछ नए कदम निकालते हैं, गवर्नमेंट के अंदर जो बैठे अच्छे अच्छे मेंबर्स है, सो देर आर सम पीपल्स दे आर रियली डूइंग गुड फॉर इंडिया। तो इसीलिए तो भाई हमारा इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड में नंबर 3 पे है, ये तो भी तो हमें सोचना है। हम हमेशा बुरी बातें करते रहेंगे हमारे देश के बारे में तो कैसे आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। देर आर सम पीपल्स दे आर थिंकिंग गुड अबाउट इंडिया, तो उन्होंने ही ऐसा कुछ सोचा और ये जीएसटी इंप्लीमेंटेशन लाया। जीएसटी के अंदर है कुछ चीजें जहां पे कुछ फायदा भी होगा का कुछ नुकसान भी होगा, कुछ चीजें ऐसे है कि आप कंज्यूमर को वहां पे टैक्स बढ़ने वाला है और कुछ चीजें पे उनको टैक्स कम होने वाला है, ऐसी सारी चीजें थी। अभी आपको ऑलरेडी न्यूज में ये सारी चीजें आपने सुनी होगी। एनीवे हम लोग अपना जीएसटी के बारे में आगे देखते हैं। ये तो मैंने बताया व्हाई वी नीड जीएसटी, और जीएसटी का 1 अप्रैल 2017 से ये हुआ एप्लीकेबल हुआ, लेकिन इसके पहले जीएसटी 2007 से लेकर पार्लियामेंट में उसके ऊपर चर्चा चल रही थी, अलग अलग मेंबर्स उसके ऊपर मतलब टीम बनाई थी कि ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें हुई थी। वो सब न्यूज की बातें हैं, हमें इतना आगे नहीं बढ़ना है, हमें बस देखना है कि हु विल पे जीएसटी, जीएसटी कौन पे पड़ेगा, जीएसटी कौन पे करेगा। अल्टीमेटली टैक्स बॉन्ड टू द कंज्यूमर, एवरीबडी नोज दैट, कंज्यूमर को ही भरना है भाई सब कुछ, टैक्स तो कंज्यूमर ही भरता है, जो एंड यूजर होता है उसी को भरना है, मतलब आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आपको ही टैक्स भरना है। बाकी एक सेल्स चेन रहती है उसमें से वो प्रोडक्ट गुजर के आता है, लेकिन यहाँ पे होता कैसे वो चेन वैट के अंदर कैसे था और इसके अंदर कैसे, मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में, हम इसे समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब यहाँ पे जीएसटी रेट लिव मैन्युफैक्चरर होलसेलर रिटेलर एंड कंज्यूमर, इन लोगों को देखिए, इन लोगों का कैसा होता है कि ये जो वर्कर सॉरी ये जो बिजनेस पर्सन है, मैन्युफैक्चरर ले लो होलसेलर या कंज्यूमर, इनके इनकम पे टर्नओवर पे जो भी इनकम टैक्स उनको चार्ज होने वाला है वो इनकम टैक्स वो भरेंगे, लेकिन उनको जीएसटी के बिल्स में जीएसटी मतलब अपने बिल्स में जीएसटी कंपलसरी ऐड करना रहेगा अगर वो जीएसटी के रजिस्टर्ड डीलर, और रजिस्टर कभी होना है। अब पहले तो स्टार्टिंग में 20 लाख के ऊपर था, अभी 40 लाख की कंडीशन कर दी, अगर आपका एनुअल टर्नओवर 40 लाख के ऊपर है तो यू शुड हैव जीएसटी रजिस्टर, एंड जीएसटी रजिस्टर नंबर आपको मिलता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है चलिए इसके ऊपर भी समझ लेते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा इस रजिस्ट्रेशन के लिए आप एक चैनल जरूर देखें, उनका नाम है कंसल्टीज, सॉरी अभी मैंने हाल ही में इंटरव्यू लिया शेफाली मैम, सीए शेफाली मैम कंसल्टीज, उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने दिया है किस वेबसाइट का नाम, यहाँ पे नीचे india filings.com पे नहीं, ये सॉरी ये जीएसटी रेट फाइंड करने के लिए है, और रजिस्ट्रेशन के लिए आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे वेबसाइट का नाम वगैरह मिलेगा, उसके ऊपर जाके आप अपना जीएसटी रजिस्टर कर सकते हैं, मतलब आपको वहां पे सारी डिटेल्स मिलने वाली है। यहाँ पे मिलेगा नीचे जीएसटी फाइंडर्स ही आ रहा है, जीएसटी के रेट्स वगैरह, जीएसटी का चैप्टर पढ़ा है टैली के अंदर के क्या क्या चीजें रहेंगी ये यहाँ पे एक्सप्लेन की मैंने। यहाँ पे रहा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रजिस्टर जीएसटी government.in, इधर रजिस्ट्रेशन की लिंक दी है, यहाँ पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन पेज पे जाओगे और यहाँ पे क्या क्या भरना रहता है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, क्या क्या चीजें रहती है, वो कंसल्टी चैनल पे है, कंसल्टिंग चैनल आप जरूर फॉलो कीजिए अगर आप जीएसटी के बारे में ज्यादा सीखना चाहते हो तो। मैं तो बस जीएसटी टैली के अंदर एंट्रीज कैसे पास करनी वो बताने वाला दोस्तों। अभी लॉ देखो मैं आपको एकदम फ्रैंकली बोल देता हूं, इसमें कोई घुमा फिराने की बात नहीं है, जैसे मैंने टीडीएस के बारे में बताया था वैसे यहाँ पे टैक्स के बारे में बता रहा हूं, मैं इसका लॉ नहीं जानता हूं, बस कुछ चीजें मैंने समझ लीजिए कि टैली के अंदर हमें जरूरी रहती है कि टैली के अंदर हम इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, और जीएसटी होता क्या, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसी कुछ चीजें मैंने पढ़ी है और वही चीजें मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूं। अगर आप ये सब चीजें जानते हो तो वीडियो स्किप कीजिए, नहीं जानते हो तो देखिए, ये मेरी सीधी सी बात हमेशा आपसे रहती है।
जीएसटी लॉ एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है और उसे सीए लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि वो लोग उसमें पढ़ाई करते हैं। और वो सीए शेफाली गैतवाल, जिनका नाम मैंने जिक्र किया आपके सामने, उनका इंटरव्यू मेरे चैनल पे मैंने लिया था हाल ही में, तो उन्होंने बताया कैसे सीखना है। उनके चैनल पे है जीएसटी से रिलेटेड डिटेल, जीएसटी लॉ आप वहां पे सीखोगे। जीएसटी के अंदर अलग अलग प्रोविजन होते हैं, उसका रिटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन सारी वहां से मिलेगी। यहाँ पे बस इनवाइस कैसे करना है टैली के अंदर क्रिएट करना, ये बता देता हूं मैं आपको। यहां पे मैंने कुछ कंसेप्ट निकाले आपको समझाने के लिए। मैन्युफैक्चर गुड्स सोल्ड करता है होलसेलर को, और होलसेलर किसे बेचता है? रिटेलर को। रिटेलर किसे बेचता है? कंज्यूमर को। पहले राइट में क्या होता था कि अगर आप इंटरेस्टेड या इंटरेस्टेड, जो भी इंटरेस्टेड सेलिंग होता था, इंटरस्टेट सॉरी इंटरस्टेट मतलब दो स्टेट के बीच में, महाराष्ट्र गुजरात, महाराष्ट्र कर्नाटक या महाराष्ट्र जो अपना राजस्थान सॉरी, तो ये इनके बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन्स हो रहा है तो वो इंटरस्टेट के टाइम पे सी फॉर्म इश्यू करते थे, और सी फॉर्म से ये पता चलता था कि वो टैक्स के रजिस्टर्ड डीलर है, तो उनको टैक्स वहां पे ऐड नहीं करना पड़ता था, टैक्स वो क्लेम नहीं करते थे। आगे वो रजिस्टर कंज्यूमर से कंज्यूमर से वो कलेक्ट करते थे और डायरेक्टली गवर्नमेंट के लिए रिटर्न भरते थे। अब यहां पे कैसा होता था मैं आपको बताता हूं। विदाउट जीएसटी अगर देखेंगे वैट में, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर मैन्युफैक्चर 10,000 का एक प्रोडक्ट बनाता है, 10,000 का सपोज फ्रिज ले लो मैन्युफैक्चर ने बनाया, तो 2,000 अपना प्रॉफिट ऐड किया, तो टोटल वो 12,000 रुपए उसकी प्राइस रखता था विदाउट जीएसटी यानी वैट, वैट के ऊपर। तभी उसके ऊपर एक्साइज भी लगता था, जब वैट था तो एक्साइज टैक्स था। तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो जब गुड्स सेल कर रहा था, 12% एक्साइज आ रहा था, एक्साइज 12% 12,000 के ऊपर ऐड किया तो 13,440 हो गया, टोटल वैल्यू हो गया, राइट। अब यहां पे वैट भी लगता था बाद में, और वैट होता था 13,440 पे, तो वो वैट आ गया 680, और फिर यहाँ पे जीएसटी नील रखा है मैंने क्योंकि ये वैट का है, और 15,000 टोटल ये कॉस्ट हो गई फाइनल बिल में, ऐसा होता था। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे देखिए 10,000 का प्रॉफिट तो 2,000 हो गया, 12,000 हो गया, वहां पे एक्साइज हटा दिया गया है, और फिर वहां पे डायरेक्टली जीएसटी आ गया 18%, फाइनल बिल 14,160। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक एग्जांपल दिखा है मैंने कि कौन सा प्रॉफिट में हो रहा है। यहाँ पे ज्यादा टैक्सेस आपको लगने वाले नहीं, 12% ये, फिर ये 12.5, अलग अलग नहीं है, तो फिर डायरेक्टली हो गया यहाँ पे 18%, ऐसा है। तो ऐसे ही होलसेलर टू रिटेलर आता था, ये दिखाई दे रहा है आपको, और रिटेलर टू फिर कंज्यूमर आता था। तो कंज्यूमर तक आते आते गुड्स की प्राइस 18,294 होती थी वैट के टाइम पे, और जीएसटी के टाइम पे इतनी हो रही है। एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कैसे कंज्यूमर को टैक्स भरना पड़ता था, अल्टीमेटली टैक्स बॉन्ड टू द कंज्यूमर जो मैंने बोला था वो यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, हाउ टू चेक जीएसटी रेट्स, अगर आपको जीएसटी रेट चेक करने हैं आपके गुड्स है कुछ भी, जीएसटी रेट गुड्स एंड सर्विसेस है, तो उसके ऊपर जीएसटी रेट कैसे चेक करना है, उसका एचएसएन कोड कैसे चेक करना है, और सैक कोड, व्हाट इज एचएसएन, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर कोड, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर कोड। ये एक मल्टी प्रोसेस इंटरनेशनल प्रोडक्ट नोमेनक्लेचर डेवलप वर्ल्ड कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन WCO ने इसे डेवलप किया गया है। WCO मतलब क्या दोस्तों, वर्ल्ड कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन सॉरी वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन नॉट कस्टमर, आई एम सॉरी फॉर दैट। कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन मींस जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेलिंग होता है वो ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक कस्टम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि यार सपोज एग्जांपल ले लो ना, इंडिया में बुक्स को हम किताब बोलते हैं, और इनवाइस में किताब लिखा गया है या बुक्स लिखा गया है, व्हाटएवर विल बी देयर, और जब उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट की बारी आती है, तो मैं चाइना भेज रहा हूं, तो चाइना में किताब को कुछ और ही नाम रह सकता है, चाओ चाओ चाइनीज ऐसा कुछ भी नाम रहेगा, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट वो अलग नाम हो सकता है, अलग कंट्री में अलग नाम अलग प्रोडक्ट का हो सकता है, तो नाम से उसका टैक्स रेट असाइन करना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए एक एचएसएन कोड असाइन किया कि आपकी कंट्री में उस प्रोडक्ट के लिए कौन सा एचएसएन कोड है, आप बिल में कंपलसरी मेंशन करो। जब वो प्रोडक्ट कस्टम्स में आएगा, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने के टाइम पे, वो एक्सपोर्ट करते समय वो वहां पे देखेंगे कि अरे हाँ इसका एचएसएन नंबर ये है, तो इसका टैक्स रेट ये है, तो उनको इजी हो जाएगा कि उनके कंट्रीज में क्या टैक्स है ये देखने के लिए। तो एचएसएन कोड समझ में आपको, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर होता है, एचएसएन कोड 8 डिजिट का एंटर करना होता है जब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जब होता है तो, और आपका 5 करोड़ का टर्नओवर तो आपको 4 डिजिट का एचएसएन कोड, पहले 4 डिजिट एंटर करने हैं, 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ है तो आई थिंक 2 डिजिट का एंटर करना है, और उसके नीचे तो एचएसएन कोड कंपलसरी नहीं है 1.5 करोड़ से नीचे। उसके ऐसे कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने चाहिए एचएसएन कोड के बारे में। और सैक सर्विस अकाउंटिंग कोड, ये भी वैसे इश्यू किया गया है कस्टम्स के लिए, और ये यहाँ पे सेक्शन भी दिया है उसका, और ये सैक कोड भी
सर्विस के ऊपर लगता है, जब आप कोई इंटरनेशनल लेवल पे सर्विस का एक्सचेंज करते हो तो उस टाइम पे होता है सैक कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड। जब गुड्स का एक्सचेंज होता है तो आपको एचएसएन लेना है, मतलब गुड्स बेचा जाता है या खरीदा जाता है आई मीन टू से, और सर्विस लिए जाती है या दी जाती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो सैक कोड यूज के होना है, क्योंकि उस कंट्री में उसके लिए कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होगा, क्या होगा, ये सब दिखाई देगा। गुड्स के रेट फाइंड आउट करने के लिए आप indiabix.com पे जा सकते हैं, जीएसटी रेट से रिलेटेड या जीएसटी रेट गुड्स के रेट फाइंड आउट करने, तो सारी इंडियाबिक्स indiafilings.com पे जा सकते हैं, और दूसरी वेबसाइट्स बहुत सारी है, cleartax.in वगैरह वगैरह, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ इंडिया फाइलिंग्स, ऑलरेडी मैंने लिंक दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन होगी, आई थिंक ये हाँ हो गया, चलिए ये थोड़ा सा स्लो चलता है, क्रोम में जल्दी फास्ट ओपन हो जाती है। यहाँ पे सर्विसेज और गुड्स ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे आपको गुड्स का टाइप करना है, आपका जो भी गुड्स है आप यहाँ पे टाइप कीजिए। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ, प्रिंटर रिबन, कंप्यूटर प्रिंटर रिबन, तो तुरंत आ रहा है जीएसटी रेट 18%, एचएसएन कोड क्या है उसका, ये आ रहा है 8 डिजिट एचएसएन कोड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। आप यहाँ पे नीचे चैप्टर वाइज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, चैप्टर पे क्लिक कीजिए, उसकी कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, उस कैटेगरी के अंदर और कैटेगरी रहेगी वो सिलेक्ट कीजिए, और फिर आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा, यहाँ पे नीचे भी और आइटम्स आ रहे हैं, नीचे कैटेगरी के अंदर आइटम्स आ रहे हैं उसे सिलेक्ट कीजिए, 12% एचएसएन कोड आ रहा है, जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करोगे उसका यहाँ पे टैक्स रेट मिल जाएगा। सर्विसेज का भी वैसे ही है, सर्विसेज आप ले लोगे और सर्विसेज टाइप करोगे, आप सपोज केबल ऑपरेटिंग सर्विसेज या कुछ भी ऐसा ले रहे हो केबल से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, चलिए CABLE केबल ऑपरेटर, नीचे आ रहा है बहुत सारे है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई भी एक सिलेक्ट कीजिए, चलो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर्विस टैक्स कितना है उसका और क्या क्या आ रहा है, सैक कोड कौन सा है, सैक कोड 6 डिजिट का रहता है, सॉरी दोस्तों। तो ये हो गया कंप्लीट प्रोसेस, आपको मैंने बता दिया कि कहाँ से हमें फाइंड आउट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारा बुक आ गया, ये रहा, ओके लुक एट, हमें बैक करना पड़ेगा, लिंक में आए थे हम लोग, ओके सॉरी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा अभी, आगे बढ़ते, ये रेट कैसे फाइंड आउट करना हमने देखा, जीएसटी रेट्स कौन कौन से होते हैं वो तो आपको वहां पे पता चलेंगे, 5% है, 12% है, 18 है, 28 है। अब जीएसटी के एडवांटेज क्या है ये आप पढ़ लोगे, क्योंकि इसको न्यूज के अंदर बहुत बार बताया था, हम प्रैक्टिकल टैली में देखते हैं कि टैली में जीएसटी कैसे होगा, और एक कंसेप्ट मैं आपको बाद में समझाऊंगा, मिसिंग ट्रेडर प्रॉब्लम क्या था, एक मैंने ऐसे कंसेप्ट रखा है, एक जगह पे मैंने एक सीएससी की वीडियो सुना था, मतलब एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था, तो मिसिंग ट्रेडर कंसेप्ट मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने एक जीएसटी के अंदर इंफॉर्मेशन के लिए रखा है आपको देने के लिए। यहां पे देखिए एक्टिवेशन ऑफ जीएसटी इन टैली, टैली के अंदर अगर जीएसटी एक्टिवेट करना है तो आपको F11 प्रेस करना है। चलिए टैली में बढ़ते हैं, और टैली में हमेशा की तरह हमारी कंपनी बना लेते हैं, यहाँ पे ये लिखे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा दोस्तों, और बट बड़ा है तो कुछ मतलब नॉलेज का भी रहेगा उसमें, एक कंपनी हम यहाँ पे बना देते हैं, कंपनी क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, लर्न मोर हमेशा की तरह, और आगे जीएसटी लिख देता हूँ, महाराष्ट्र स्टेट ले रहा हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन में आपको इंडिया और महाराष्ट्र यहाँ पे कंपल्सरी ऐड करना होगा। अच्छा ये कर दिया मैंने, और कंट्रोल ए बटन प्रेस कर दिया, टैली कंपनी क्रिएट हो रहा है, प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे आपको गेट ऑफ टैली दिख रहा है, इसमें सबसे पहले आप F11 प्रेस करोगे, हमेशा की तरह F11 इसलिए प्रेस करना है क्योंकि F11 में हमें फीचर्स मिलते हैं, फीचर्स में जाने के लिए मतलब नई कुछ चीजें सीखनी है तो हमें इस फीचर्स में से कुछ ना कुछ एक्टिवेट करना रहता है, जैसे कि हमें यहाँ पे टैक्सेशन फीचर्स चाहिए। टैक्सेशन फीचर्स के अंदर यहाँ पे जीएसटी देखिए ध्यान से, इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अभी मैं थोड़ा सा स्लोली एंड प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ, पहले तो थियोरेटिकल पार्ट था इसलिए मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए इनेबल जीएसटी करना है, यस किया, उसके अंदर भी यस करना है क्योंकि इसके अल्टर डिटेल्स भरनी है, इसके अंदर डिटेल्स आएगी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ऑल, तो यहाँ पे जैसे एंटर करोगे आपका स्टेट आ जाएगा, स्टेट तो मैंने महाराष्ट्र लिया है। इसके अंदर इंप्लीमेंटेशन के लिए देखिए टैक्स, जीएसटी के अंदर दो इंप्लीमेंटेशन है टैक्स के, एक तो आईजीएसटी और दूसरा है सीजीएसटी और एचजीएसटी। आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड टैक्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएगा, जब आपका स्टेट महाराष्ट्र और आप गुजरात से कुछ खरीद रहे हो, मतलब इंटर स्टेट सिंपल भाषा में बोला जाए तो दो अलग अलग स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, इंटर स्टेट हो रहा है, तो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन के लिए हम यहाँ पे जो जीएसटी में अप्लाई होगा वो आईजीएसटी होगा, आईजीएसटी टैक्स इंटीग्रेटेड टैक्स। और दूसरा है
एसजीएसटी स्टेट का जीएसटी एंड सीजीएसटी सेंट्रल का जीएसटी, ये दोनों एक साथ अप्लाई होंगे दोनों, मतलब आईजीएसटी का आधा आधा टैक्स होता है वो आपको इनवाइस में पता चलेगा। वो होगा इंट्रा स्टेट सेलिंग के लिए, परचेसिंग और सेलिंग के लिए। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट, अगर आप सपोज मुंबई से पुणे में गुड्स, पुणे से नागपुर, नागपुर से अहमदनगर, ये सब महाराष्ट्र के अंदर ही आ रहे हैं टोटल, तो एक डिस्ट्रिक्ट या दो सिटी के बीच में ट्रांजेक्शन महाराष्ट्र एक स्टेट के अंदर हो रहे हैं, तो वो हो गया इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन। इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट, इन कंसेप्ट को समझ लो अच्छे से, आगे चलकर यूज हो जाएगा। यहाँ पे आपको रेगुलर और कंपोजिशन दो रजिस्ट्रेशन मिलेंगे। गुड्स का रीसेल करने वाले को कंपोजिशन बोल सकते हैं, या फिर एग्जांपल ले लो ना, मैं कंपोजिशन के बारे में बताता हूँ, उनको बस अपने टर्नओवर पर 1% टैक्स पे करना रहता है। वो जीएसटी के अंदर दायरे में कैसे रहता है मैं आपको सिंपल, आप अगर कंपोजिशन रजिस्टर हो तो आप क्या करोगे, सपोज आप गुजरात से, आपका एक स्मॉल हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है, या फिर आपका कोई छोटा सा टेक्सटाइल्स का है, कुछ भी है, कपड़े का शॉप है वगैरह, तो क्या करोगे आप गुजरात से सपोज कुछ गुड्स आप मंगा रहे हो महाराष्ट्र में, या जो भी है आप महाराष्ट्र से सपोज नागपुर से गुड्स मंगा रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, वहां पे आप टैक्स पेड करके गुड्स खरीदोगे, पूरे के पूरे गुड्स आप टैक्स पेड करके खरीदोगे, फिर आपके हिसाब से आपका उसका रेट आप डिसाइड करोगे। आप टैक्स पेड करके गुड्स खरीदने के बाद उस गुड्स के ऊपर दोबारा टैक्स नहीं लगने वाला, क्योंकि गवर्नमेंट को उस गुड्स का टैक्स चाहिए, बस एक बार टैक्स मिल गया आप उसके गुड्स के रेट खुद डिसाइड कर सकते हैं, तो वो कंपोजिशन में आ जाते हैं और आपके टर्नओवर पे आपको 1% टैक्स भरना रहता है। और रेगुलर में मतलब जो रेगुलर परचेस करते हैं और उसके ऊपर हर एक बिल के अंदर वो जीएसटी इनवाइसेस के अंदर ऐड करेंगे, वो रेगुलर डीलर में आ जाएंगे। हम फिलहाल रेगुलर ले रहे, रेगुलर के अंदर जीएसटी आईएन नंबर लेना है आपको, जीएसटी आईएन नंबर, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक यूनिक नंबर आपको मिलेगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है जीएसटी का, जो रजिस्टर करने के बाद आपको मिल जाएगा। फिलहाल हमारे पास है नहीं, हम स्किप कर रहे हैं। हमारी जीएसटी कब से एप्लीकेबल हो रही है और हम मंथली रिटर्न करने वाले, क्वार्टरली 3 महीने के बाद या मंथली करने वाले, ये आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। जीएसटी आर वन कभी रिटर्न होगा आपका, वो आपकी इनवाइसेस के ऊपर डिपेंड रहेगा, आपकी इनवाइसेस ज्यादा है तो आप मंथली करोगे, कम है तो आप क्वार्टरली रिटर्न करोगे, ऐसा कुछ है। ई वे बिल एप्लीकेबल, ई वे बिल जब आपका 50,000 के ऊपर ट्रांसपोर्ट रहता है तो आपको ई वे बिल, थ्रेशोल्ड लिमिट उसका 50,000 दिया है, तो ट्रांसपोर्ट के टाइम पे ई वे बिल आपको कंपलसरी जनरेट करके देना है, और ई वे बिल के लिए भी रजिस्टर करना पड़ता है। ई वे बिल का भी एक लिंक है जो मैंने पेज के ऊपर दिया है नीचे बुक के अंदर, और वो भी आप देख सकते हैं। ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी रहता है आपके ट्रांसपोर्ट के साथ, वो ई वे बिल रहना चाहिए, नहीं रहेगा तो वो फिर आपके ऊपर फाइन, ई वे बिल की मिस्टेक्स या आपको ई वे बिल नहीं तो फाइन लगने वाला है, तो आपका जो ट्रांसपोर्टर है जैसे कार आपकी जो भी ट्रक है वगैरह उसके साथ वो आपका ई वे बिल रहेगा। आप ट्रांसपोर्ट करने के पहले आपके गुड्स एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में जाने के पहले आपको ई वे बिल जनरेट करके उस ट्रक वाले के पास या ट्रांसपोर्टर के पास देना होगा। ये सारी चीजें याद रखनी है, ई वे बिल वगैरह। फिलहाल ई वे बिल हम नहीं जनरेट कर रहे हैं, वो 50,000 के ऊपर गुड जनरेट हो रहे तो ई वे बिल जनरेट। यहाँ पे इनेबल टैक्स लाइबिलिटी इन एडवांस रिसीप्ट, टैक्स लाइबिलिटी के लिए एडवांस रिसीप्ट की जरूरत नहीं, फिलहाल ये सारे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं करना हमें। जीएसटी रेट डिटेल्स ये हमें यस करना है, यहाँ पे हमें देखना है इनवाइसेस के अंदर ये रेट डिटेल्स भरना है। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, देखिए यहाँ पे इस तरह से आ रहा है टैक्सेबल, यहाँ पे हमें टैक्सेबल लेना है, लेकिन यहाँ पे जीएसटी का पूरा डिटेल्स ही नहीं आ रहा, तो इसलिए F12 बटन प्रेस कीजिए। यहाँ पे F12 मतलब इसका फीचर्स हमें ऑन करना होगा, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ F12 एंड नाउ व्हाट यू विल गेट। F12 करने के बाद यहाँ पे मिलेगा HSN डिटेल्स वगैरह भरनी है, तो आप यहाँ पे यस कीजिए, और यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन यस करना है आपको, शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप्स, जीएसटी ऑल टैक्स, जीएसटी टैक्स टाइप्स, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे उसका डिस्क्रिप्शन, HSN सैक कोड भी आ रहा है, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि 1.5 से मतलब 1.5 करोड़ के टर्नओवर से आपका टर्नओवर कम है तो यहाँ पे HSN कोड जरूरी नहीं है आपको, आपका यहाँ पे टैक्सेबल लिखना है, 18% आपको लेना है, आप 18% मतलब मैं प्रिंटर रिबन लिया था ना मैंने, कंप्यूटर प्रिंटर रिबन, तो अगर उसी का इनवाइस में पास कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं 18% लूंगा उससे रिलेटेड गुड्स है, तो कंप्यूटर से जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है उस पर ज्यादातर 18% है, लेकिन कुछ गुड्स पे अलग है तो आपको टैक्स रेट चेंज चेक करना होगा। गुड्स वाइज अगर आपको अलग, आपके पास गुड्स अलग अलग है तो गुड्स वाइज भी आप इंडिविजुअल टैक्स अप्लाई कर सकते हैं आगे चलकर। ये मैंने ओवरऑल जीएसटी के अंदर टैक्स रेट यहाँ पे डाल दिया है, मतलब मेरे पास कंप्यूटर रिबन का डील हो रहा है, एक ही हो रहा है, एक ही सर्विस में फ्रॉड कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं सर्विस टैक्स का भी वैसे ऐड करूंगा।
तो टैक्स रेट यहाँ पे ऐड कर दो, बाकी कुछ करना नहीं है इसमें, एक्सेप्ट कर दो। अब मुझे बताना क्या है, यहाँ पे समझ लो कि जैसे गुड्स आपके अलग अलग है, अलग अलग टैक्स कैटेगरीज है, कुछ 12% के गुड्स है, कुछ 18 है, कुछ 28 में जा रहे हैं। तो ऐसे समय में आप जब गुड्स क्रिएट कर रहे हो ना, मतलब स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हो, तभी भी आप टैक्स के रेट डिफाइन कर सकते हो हर एक गुड्स के लिए अलग अलग। मैं आपको दिखाऊंगा स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय। सबसे पहले हमने एक्टिवेट कर लिया है ये, अब बुक के अंदर चले जाते हैं। एक्टिवेशन मैंने यहाँ पे बता दिया है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है जीएसटी एक्टिवेशन, जीएसटी एचएसएन नंबर। एचएसएन नंबर के बारे में, अपना जीएसटीएन नंबर के बारे में बताना भूल गया मैं। ये 15 डिजिट का नंबर रहता है, और 15 डिजिट में पहले दो डिजिट जो रहता है आपका स्टेट कोड रहता है, बाकी की ये 10 डिजिट जो दिख रहा है आपका पैन कार्ड, जब आप रजिस्टर कर रहे हो उसका पैन कार्ड आपका डालते हो तो पैन कार्ड नंबर आएगा, और लास्ट के 3 डिजिट जोनल एरिया कोड रहेगा। ऐसे टोटल 50 डिजिट का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 15 डिजिट का ये टोटल ये रहता है। जोनल एरिया कोड यहाँ पे दिया भी है, तो एंटिटी नंबर और जोनल एरिया कोड उसे बोलते हैं लास्ट में। तो टोटल 15 डिजिट का एचएसएन कोड रहता है ये, अपना जीएसटीएन नंबर रहता है ये, याद रखना है आपको। और आगे बस ये मैंने बताया आपको कैसे एप्लीकेबल करना है। अब हमें क्या करना है, जीएसटी डिटेल्स तो हमने देख ली, ये डिटेल्स भर दी। अब हमें क्या करना है, लेजर क्रिएट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, परचेज 50 लैपटॉप्स, लैपटॉप खरीद लिए और इसका टैक्स रेट कितना है, 18% ही है इसका भी। तो लैपटॉप हमने खरीदे और डेल कर्नाटक कंपनी से। अभी देखो ये मैं महाराष्ट्र की कंपनी और कर्नाटक से मैं गुड्स खरीद रहा हूँ, 1 जुलाई 2017 को खरीदे, हम दूसरी डेट डाल सकते हैं कोई भी। और इसकी एंट्री पास करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल कंपनी का लेजर बनाना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है परचेस किया डेल से, तो परचेस इनवाइस आज सीख लेते हैं पहले हम लोग। तो सबसे पहले हम अकाउंट इन्फो में जाकर लेजर क्रिएट करेंगे। एवरीबॉडी नोज दैट हाउ टू क्रिएट द लेजर, क्योंकि मैंने बताया है डेल, डेल क्या, डेल, डेल कंप्यूटर्स, व्हाटएवर यू कैन राइट इट। और यहां पे आएगा सन्ड्री, परचेस करें ना सन्ड्री क्रिएटर्स, एंड यहाँ पे आपको जीएसटी के लिए जो इंफॉर्मेशन भरनी है, एड्रेस वगैरह वो सब भरना है, कर्नाटक स्टेट कंपलसरी भरना है, और उसका एचएसएन कोड, जीएसटी उसका जीएसटी कोड वगैरह जो भी रहेगा वो यहाँ पे डाल देना है, और इसे एक्सेप्ट कर देना है आपको। यहाँ पे जीएसटी की डिटेल्स नहीं आ रही है, एक मिनट, F12 बटन में प्रेस करता हूँ। यहाँ पे F12 बटन अगर आप प्रेस करते हो तो और डिटेल्स आपको मिलने वाली है, यहाँ पे सारी डिटेल्स अवेलेबल रहती है, मतलब एड्रेस डिटेल्स या बाकी सारी डिटेल्स यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है एड्रेस वगैरह है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, एड्रेस तो ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे उसका डिटेल्स मैंने भर दिया है, बाकी पैन नंबर वगैरह आईडी नंबर वगैरह आप डालेंगे, आप आगे कंटिन्यू भरेंगे बनाएंगे इस तरह से लेजर। यहाँ पे इस लेजर में जरा देखिए, यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स भी आ रही है अल्टर करके, यहाँ पे हमारे इसमें नहीं आ रही। एक सेकेंड, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए यहाँ पे जीएसटी का, यहाँ पे कैसे आ रहा है, और हमारे इसमें आना है सेट अल्टर्ड जीएसटी डिटेल्स ऑफ पार्टी। लेट मी चेक अबाउट दिस गाइड्स, 30 डेज एप्लीकेबल प्राइसिंग सिंडिकेटर्स एंड एवरीथिंग इज ओके, डेल कंपनी कर्नाटक कैलकुलेटिंग जीएसटी ड्यूरिंग वाउचर एंट्री एप्लीकेबल सिंडिकेटर्स एनीवे बट एवरीथिंग इज प्रॉपर। ये टेलीकॉन सा है 6.5, ये लेटेस्ट है, वो थोड़ा सा पुराना था, उसके अंदर का टेलीकॉन सा था, स्क्रीनशॉट में पता चलेगा शायद। लेट मी चेक अबाउट इट, वी हैव टू चेक ऑल दिस डिटेल्स एंड देन वी गो थ्रू द फर्दर। आप ये वीडियो आगे बढ़ा देना फटाक से, मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ, नहीं दिख रहा है, स्क्रीनशॉट मैंने नहीं मारा, ये पुराना है थोड़ा सा टैली, इसमें शायद वो चीजें आती थी, इसमें नहीं आ रही। बट एनीवे इसमें कुछ भी रहेगा तो मैं तो आपके साथ शेयर करने वाला, वो चीजें यहाँ पे नहीं आ रही। एनीवे चलिए, मैंने ये कंपनी का लेजर क्रिएट मतलब कर दिया, उस पार्टी का लेजर तैयार। अब इसके साथ मुझे एक और लेजर तैयार करना है, जो कि अकाउंट इंफो में लेजर होगा, परचेस का लेजर हमें तैयार करना होगा। सो परचेस यहाँ पे लेजर अब किस तरह से तैयार करेंगे वो दिखाई दे रहा है। डेल कंपनी हमने बनाया और यहाँ पे परचेस इंटरेस्ट रेट है, हमारा इंटरेस्ट रेट सेलिंग परचेस है, तो यहाँ पे मैं परचेस इंटरेस्ट रेट का लेजर बना रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट नहीं है, परचेस इंटरेस्ट रेट है, और आएगा ये परचेस अकाउंट राइट। और यहाँ पे देयर इज समथिंग मिस्टेक्स, हमें जीएसटी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं मिल रहा है। अगेन लेट मी चेक इट आउट, हमने जब F11 किया था वो एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है वो पता नहीं है यार। F11 स्टेट्यूट एंड टैक्सेशन, ओ गॉड, ये मैंने एक्सेप्ट ही नहीं हुआ मेरा, ये एस्केप हो गया लगता है, ये मैंने यस किया बराबर,
ये भी मैंने यस किया, ये आप गलती ना करना, ये मैंने सब चीजें यहाँ पे भरी थी और वो एक्सेप्ट नहीं किए, और इसी की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अभी सारी चीजें यहाँ पे आप भर दो, और यहाँ पे जीएसटीएन एचएसएन नंबर कुछ भी डाल दो, ऐसे एग्जाम्पल तौर पर डाल दिया मैंने 15 डिजिट, और जीएसटी रेट भी मैंने डाल दिया था यहाँ पे, एचएसएन कोड तो नहीं डाला था, 1819 इस तरह से। ओके, ये आपको याद रखना है, ये यहाँ पे डिटेल्स भरनी है, टैक्सेबल लिया आपने यहाँ पे है, और एक्सेप्ट नहीं हुआ यहाँ से, इसे कंट्रोल ए करना चाहिए था, मैंने एस्केप कर दिया, एंड इसी की वजह से वहां पे लेजर में प्रॉब्लम। मैं वहां पे वही सोच रहा था कि डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है, लेजर्स में जाइए एंड देन मूव टू द अल्टर, नाउ यू गॉट इट, कि आपको डेल कंप्यूटर्स में भी यहाँ पे जीएसटी की डिटेल्स भरने मिल जाएगी। ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट गाइज, मैंने वो देखा नहीं और अप्लाई नहीं किया, यहाँ पे जीएसटी अगर आप भर सकते हैं उसका, और परचेस का अकाउंट अभी क्रिएट करेंगे, जो दूसरा लेजर है हमारा यहाँ पे, लेजर में क्रिएट में इसे हमने नहीं बनाया था क्योंकि वहां पे नहीं आ रहा था सारी चीजें, इंटर स्टेट, तो यहाँ पे आएगा परचेस अकाउंट, नाउ यू विल गेट इट, कि यहाँ पे आ रहा है जीएसटी एप्लीकेबल, यस करना है यहाँ पे, और यस करने के बाद यहाँ पे इंटर स्टेट आ रहा है, तो आपको इंटर स्टेट परचेस लेना है, ये रहा इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल, राइट साइड की लिस्ट में से आपको लेना है इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल, खाली आपका विदिन स्टेट रहेगा तो आगे मैं बताऊंगा कैसे लेना है। 18% डाल दिया मैंने, एंटर एंटर, और यहाँ पे गुड्स के ऊपर टैक्स है, गुड्स लीजिए, क्लियर, ये एंट्री मैंने कर दी। देखिए ध्यान रखना है, परचेस इंटर स्टेट, परचेस अकाउंट एप्लीकेबल, यस, गुड्स एक्सेप्टेड। ओके, ये दो लेजर तैयार कर दिए, स्टॉक आइटम की जरूरी है लेकिन स्टॉक आइटम हम अंदर ही बनाएंगे, और एक लेजर हमें बनाना है जो कि होगा इंटरस्टेट का, वो भी हम क्रिएट करेंगे वाउचर के अंदर ही। चलिए मैं F9 प्रेस करता हूँ वाउचर के अंदर, बाकी सारे लेजर हम बनाते हैं, और यहाँ पे सप्लायर इनवाइस नंबर जो डेल है उसने सप्लायर जो भी इन्वाइस भेजा था वो नंबर डाल दिया मैंने, DE1 रहेगा, डेल कंप्यूटर्स आएगा सप्लायर में, उसके बाद आएगा परचेस इंटरस्टेट, उसके बाद अल्ट सी लैपटॉप, लैपी आएगा यहाँ पे, ये प्रोडक्ट हमें लेना है, लैपटॉप प्राइमरी अंडर ग्रुप नहीं लेना है मुझे, अल्ट सी अंडर ग्रुप वगैरह सब अभी छोड़ दो, नंबर्स यहाँ पे भी आ रहा है कोड, कौन सा यूनिट है वो ले लो, डेसिमल प्लेस 0, कितने लैपटॉप यहाँ पे देखिए, जीएसटी रेट यहाँ पे एप्लीकेबल करके यहाँ पे यस करके उस गुड्स के लिए आप इंडिविजुअल टैक्स रेट भी डिफाइन कर सकते हैं, फिलहाल करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने अंदर किए है 18%। यहाँ पे मैंने खरीदी इसकी 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, जो भी है रेट है, एक का 25,000 आप डालो जो भी रेट डालना है, और इसके बाद यहाँ पे लाइन दिख रहे ना आपको, ये टोटल आ चुकी है, उसके नीचे आना है और एक एंटर कीजिए, स्टॉक आइटम के बाहर आ गए। अब आप आई सी प्रेस करके एक और लेजर तैयार करेंगे, एक नया लेजर आईजीएसटी, आईजीएसटी का जो लेजर होगा वो इंटरस्टेट आईजीएसटी रहेगा, इंटरस्टेट लिखने की जरूरत नहीं, आईजीएसटी ही यहाँ पे आएगा, इंटरस्टेट उसका मीनिंग ही होता है, और यहाँ पे आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे आएगा जीएसटी, और ये आएगा यहाँ पे अंडर ग्रुप में इंटीग्रेटेड टैक्स, जो कि मैंने बताया था इंटीग्रेटेड टैक्स आएगा 18%, कितना परसेंटेज है 18, टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हुए दिखाई देगा यहाँ पे दोस्तों, इंटरेस्टिंग है ना। ये इनवाइस जो आपने यहाँ पे बनाया ना, ये ऑलरेडी आपके पास प्रिंट में रहेगा, मतलब पार्टी ने इसका प्रिंट ही आपके पास भेजा रहेगा, फिर भी मैं अल्ट पी कर रहा हूँ, यस कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपको दिख रहा हूँ इस तरह से बिल आपके पास आया रहेगा पार्टी से, ऐसा बिल रहता ना जैसे इनवाइस, ये देखो डेल कंप्यूटर्स, हम आएंगे कंसाइन में क्योंकि हमें मिल रहा है, लर्न मोर जीएसटी यहाँ पे दिख रहा है, लैपटॉप, और यहाँ पे जीएसटी के साथ ये इनवाइस बन चुका है, ऐसा इनवाइस पार्टी आपको भेजेगी और आपको वो हार्ड कॉपी रहेगी ऑलरेडी आपके पास, और इस तरह से आपको उसका टैली के अंदर परचेस इनवाइस पास करना है। इस कंटिन्यू देख रहे हो तो देखा ही होगा आपने लेक्चर जिसमें हमने जीएसटी का पार्ट वन कवर किया था, 30 मिनट्स का लगभग वो लेक्चर हो गया था जिसमें मैंने परचेस इनवाइस जीएसटी के अंदर कैसे बनाया जाता है उसके बारे में मैंने बताया था। यहाँ पे ऑलरेडी वो इनवाइस स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है और मैं इसे फिलहाल एक्सेप्ट कर देता हूँ। फिलहाल मैंने ये नई एंट्री पास कर दी, मेरा जो पुराना कंपनी था टैली का वो क्लोज हो गया था, और क्लोज मतलब आई मीन वो मैंने टैली जरा डिलीट कर दिया था तो उसकी वजह से नहीं था वो कंपनी, फिर से दोबारा मैंने एक कंपनी बनाई और इनवाइस यहाँ पे बना के रखा है ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूँ लेक्चर नंबर 22 को। चलिए एक परचेस इनवाइस हो गया, जरा हमारे नोट्स में चले जाते हैं, वेयर इट इज, मैंने यहाँ पे नोट्स अभी ओपन करके रखे थे एंड हियर इट इज टैली नोट्स। ओके, सो इसमें क्या है देखते हैं आगे, मुझे जीएसटी का यहाँ पे चैप्टर ओपन करना पड़ेगा एंड हियर यहाँ पे आ गए हम जीएसटी के अंदर। अच्छा, सो यहाँ पे हमने परचेस तो सीख लिया, यहाँ पे परचेस का किस तरह से जीएसटी परचेस इनवाइस डेल कंपनी लेजर कैसे बनाना है, ये बुक मैंने दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक, फ्री में डाउनलोड कर लो भैया, इसका कोई पे नहीं करना है आपको।
और डिस्क्रिप्शन में लेक्चर नंबर 3 के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। मैं कोशिश करूंगा हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, लेकिन आपने पहले डाउनलोड किया होगा अगर आप सीरीज स्टार्टिंग से देख रहे हो तो। फिलहाल यहाँ पे देखिए 110 लैपटॉप्स रुपीज 25,000 ईच ऑफ मल्होत्रा एंड सन्स वाशी दिया है। हमारी कंपनी जो है महाराष्ट्र में लोकेटेड है और ये मुंबई वाशी नवी मुंबई से बोलते हैं, तो ये नवी मुंबई की पार्टी है और उससे हमने क्रेडिट बेसिस पे कुछ गुड्स बेचे हैं 1 जुलाई 2017 को। अभी ये डेट ऐसा दिया है, डेट को तो अभी स्कीप ही करो आप, डेट यहाँ पे देखनी नहीं क्योंकि हमारे टैली एजुकेशनल टैली और एजुकेशनल टैली में डेट एंट्री नहीं होती है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। 110 लैपटॉप्स बेचना है मुझे 25,000 में, खरीदे हमने 25,000 में थे, बेचे के 25,000, ओ इट्स रॉन्ग। यहाँ पे परचेस एंट्री में हमने 25,000 दिए थे, प्राइस दिया था। चलिए हम यहाँ पे 27 या 28 लेते हैं, इट्स अप टू यू कि कौन सा यहाँ पे लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं 25,000 हमने ऑलरेडी लिया था, है ना। सो व्हाट आई डू, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, 110 लैपटॉप्स ऑफ 25,000 जो है मैं 25,000 की जगह 27 लेता हूँ। किसको बेचा है? मल्होत्रा एंड सन्स। तो मुझे मल्होत्रा एंड सन्स का एक लेजर बनाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सारी चीजें दी है। अगर आपको मैं वीडियो में तो वैसे बता रहा हूँ, लेकिन नहीं समझे तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी है, देख सकते हैं आप। ओके चलिए हम टैली में देख लेते हैं ये सारी चीजें जो यहाँ पे दी है, वैसे टैली में कैसे करना है। सबसे पहले तो सप्लायर इनवाइस नंबर आएगा। सो सप्लायर इनवाइस नंबर क्या रहेगा, यू शुड रिमेम्बर कि मैंने एक टेली के अंदर जो वीडियो बनाया था कि इनवाइस नंबर, मतलब लर्न मोर चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि इनवाइस नंबर हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं सेल्स में, और सेल्स में कस्टमाइज करना जरूरी होता है क्योंकि सेल्स में यहाँ पे सप्लायर इनवाइस नंबर नहीं आएगा। आई एम सॉरी, मैंने सेल्स भी लिया नहीं पहले, एफेट यहाँ पे आएगा रेफरेंस नंबर, आई एम सॉरी फॉर दैट। सप्लायर इनवाइस नंबर जो रहता है परचेस में आता है दोस्तों, और परचेस में तो वो बिल के ऊपर प्रिंट रहता है, पार्टी ने अपने सप्लायर इनवाइस नंबर भेजा रहता है तो वही आपको एंटर करना रहता है। लेकिन व्हाट अबाउट सेल्स, सेल्स में जो बिल नंबर हम प्रिंट करेंगे वो कस्टमाइज हमें ही करना होगा या हमें ही उसे सीरियली रखना पड़ेगा, मतलब हमें जैसे 01001 या ऐसे सीरियली चाहिए तो हम यहाँ पे पहला 1001 टाइप करेंगे और आगे कंटिन्यू बढ़ेंगे। लेकिन 001 या 002 ऐसे सीरियली आगे बढ़ते रहे और उसमें बीच में इस तरह से भी आए 001/ या फिर पहले ऐसा लिखना है जनवरी का बिल है तो January/001/2019 या 1920 ऐसा आपको चाहिए तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और ये सीरियली बीच का बिल नंबर है ना ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा, आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सेल्स बिल कैसे जनरेट करना है उसका एक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको कि कस्टमाइज सेल्स बिल कैसे हम जनरेट कर सकते हैं सेल्स वाउचर के अंदर। फिलहाल यहाँ पे वो नहीं बता रहा हूँ, हम यहाँ पे सेल्स वाउचर डायरेक्टली सीख रहे हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जरूर देखना, वो आपको यूजफुल रहेगा कि सेल्स बिल ऑटोमेटिक कस्टमाइज कैसे होगा, मंथ का नाम ऐड करना या जिसे हम प्रीफिक्स और सफिक्स बोलते हैं, बिल के पहले और बिल के बाद में कुछ कंटेंट ऐड करना कैसे रहता है, जो ऑटोमेटिकली बिल ऑटोमेटिक अपडेट होते जाएगा, नेक्स्ट टेक आते जाएगा जब नेक्स्ट वाउचर हम पास करेंगे, लेकिन बस जो प्रीफिक्स और सफिक्स वो फिक्स रहेगा, कैसे रहेगा वो देखेंगे हम उस वीडियो के अंदर, देख लीजिए। फिलहाल यहाँ पे मैं नंबर डाल रहा हूँ कुछ भी 001 वगैरह। सेल्स इनवाइस तो सीरियली आएंगे क्योंकि हम ही प्रिंट कर रहे हैं और हमें प्रिंट करना है, यहाँ पे हमें जनरेट करना है, तो ये बिल नंबर सीरियली रहेंगे। यहाँ पे सबसे पूछा, पहले पूछा गया है पार्टी अकाउंट नेम, इसके लिए हमें लेजर बनाना पड़ेगा, मैंने लेजर नहीं बनाने हैं पार्टी के, तो इसके लिए मैं अल्ट सी बटन यहाँ पे प्रेस करूंगा और अल्ट सी से आपको पता है यहाँ पे लेजर बनाने के लिए आता है मल्होत्रा एंड सन्स। ओके सो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा मल्होत्रा एंड सन्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्होत्रा एंड ये टाइप किया मैंने, सो व्हाट आई हैव टू डू योर मल्होत्रा एंड सन्स, हाँ एंड सन्स, ओके इस तरह से। चलिए यहाँ पे पार्टी का नाम ले आ मैंने और उसका अंडर ग्रुप भी हमें लेना है, अगर ये हमारा कस्टमर है सो क्या रहेगा कस्टमर, सन्ड्री डेटर्स, मैंने बताया क्रेडिट कस्टमर्स रहेंगे तो सन्ड्री डेटर्स, ये सारी चीजें मैंने बता दी है, आप रेगुलर व्यूअर हो ये समझकर ही मैं ये आगे कंटिन्यू बढ़ रहा हूं, बाकी सब चीजें आप यहाँ पे बढ़ सकते हैं। पार्टी ये महाराष्ट्र स्टेट की है, यहाँ पे जो टैक्स यहाँ पे आने वाला, टैक्स का इंप्लीमेंटेशन आपको पता रहेगा जीएसटी में, अगर आप इंटर लेवल पे मतलब इंटर स्टेट परचेस या सेल्स करते हो तो दो स्टेट के बीच में, तो वहां पे आएगा इंटर स्टेट टैक्स यानी कि आईजीएसटी, और इंट्रा स्टेट होता है विद इन महाराष्ट्र, अगर विद इन स्टेट आपका स्टेट जो भी आपका उत्तर प्रदेश है या फिर आपका मध्य प्रदेश है राजस्थान है व्हाटएवर विल बी देयर, सो आपको करना क्या है आपके स्टेट में रहेगा, सपोज आपके स्टेट के दो सिटी के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आप इंट्रा स्टेट लोगे। फिलहाल ये वैसे ही है, ये मैं मेरी कंपनी मुंबई में लोकेटेड है और मैं नवी मुंबई में सेल्स कर रहा हूँ, जो मल्होत्रा एंड सन्स सेल मल्होत्रा एंड सन्स ये कंपनी नवी मुंबई की है। सो व्हाट आई विल डू हियर, सेल्स
यहाँ पे लेना है, और सेल्स के अंदर इंट्रास्टेट हम मेंशन करेंगे। इंट्रास्टेट और इंट्रास्टेट ऐसे दो अलग अलग कंसेप्ट रहेंगे। परचेस के टाइम पे हमने देखा था वो अलग पार्टी थी, तो इसीलिए वहां पे मैंने इंट्रास्टेट लिया था क्योंकि वो अलग स्टेट से बिलोंग करती थी पार्टी। ये जो है परचेस, सॉरी ये सेल्स है, सेल्स अकाउंट रहेगा अंडर ग्रुप, और यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। जीएसटी रेट डिटेल्स अल्टर रहेगा, यस ऑफकोर्स रहेगा। और यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल क्या लेना है, सेल्स टैक्सेबल, ओके गॉट इट। सेल्स टैक्सेबल क्यों लेना है, क्योंकि ये इंट्रास्टेट है, इंट्रास्टेट नहीं है, इंट्रास्टेट सेल्स टैक्सेबल नहीं आएगा। यहाँ पे टैक्स के रेट जो कि ऑलरेडी वही प्रोडक्ट है 18% और गुड्स आता है, यहाँ पे एक्सेप्ट कीजिए। अब करना क्या है, प्रोडक्ट का नाम सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी लेना है, कितनी क्वांटिटी बेची है, 8, 10, 5, 6, जितना अपने मर्जी से ले लो यहाँ पे, बस आपको प्रैक्टिस करना है यहाँ पे। और 27,000 रेट डिसाइड किया सेलिंग का, वो एंटर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंग, यहाँ पे टोटल के नीचे आना है, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो टोटल का कर्सर आ रहा है ना, यहाँ पे उसके नीचे आना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे सेल्स इंट्रास्टेट आईजीएसटी वगैरह वगैरह ऑप्शन दिखाई दे रहा है। नाउ यू कैन सेलेक्ट इट, क्या सिलेक्ट करना है यहाँ पे, फिलहाल आपको सेल्स इंट्रास्टेड नहीं करना है ना आईजीएसटी करना है, हमें चाहिए सीजीएसटी और एचजीएसटी, राइट। तो यहाँ पे कैसे लाएंगे उसे, हमें बनाना पड़ेगा, अल्ट सी बटन प्रेस करेंगे, सीजीएसटी, देखिए मैं यहाँ पे सीजीएसटी का ले जाता है, कहो सीजीएसटी अंडर क्या रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सीजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, और लुक एट हियर नाउ, यहाँ पे आ रहा है सेंट्रल टैक्स, ओके 9% आएगा, जो 18% है वो इक्वली यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो दूसरा रहेगा अल्ट सी बटन अगेन प्रेस कीजिए, यहाँ पे आएगा एस जी एस टी ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, और यहाँ पे आएगा स्टेट टैक्स, राइट, एस जी एस टी 9%, गॉट इट। और इसे एक्सेप्ट कीजिए, कंट्रोल बटन प्रेस कर सकते हैं, बाद में ज्यादा इंटर करना नहीं है आपको। तो यहाँ पे ये सेल्स जीएसटी का जो है ना एंट्री पास हो गया है। अब आप इसे अल्ट पी करके देख सकते हैं इनवाइस कैसे प्रिंट होगा, अल्ट पी, लेकिन अल्ट पी के दौरान यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर नीचे देखेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आना चाहिए क्या, विद प्रिंट प्री आना चाहिए, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो उसके लिए अल्ट आई बटन अगर आप प्रेस करते हो, अल्ट आई, तो आप देख सकते हैं विद प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है वहां पे, अल्ट आई कीजिएगा, दैट्स इट, यस कीजिए। अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे ये प्रीव्यू भी आ चुका है, प्रीव्यू चाहिए था हमें, इसलिए मुझे प्रिंट नहीं करना है, प्रिंट आउट निकाल के थोड़ी दिखा दूं आपको मैं अभी, ओके मैं आपको डायरेक्टली प्रीव्यू दिखाना चाहता था, यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आपकी सिग्नेचर वगैरह आप डाल सकते हैं, और ये सारी चीजें यहाँ पे सेल्स बिल में आपको दिख रही है, हमारी कंपनी है, बायर का नाम आ रहा है, सारी चीजें जो जो हमने एड की थी वो सारी चीजें सेल्स बिल में आ चुकी है। फिलहाल मैं इस प्रिंट प्रीव्यू को कैंसिल करता हूँ, इस वाउचर को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन कंट्रोल ए कर देता हूँ, फिलहाल कर्सर ऊपर है, बार बार एंटर करने से अच्छा कंट्रोल ए कीजिए। तो आपको ये समझ में आया कि किस तरह से हमने सेल्स बिल यहाँ पे जीएसटी के अंदर पास किया है, ये विद इनवाइसेस कैसे आया है। अब यहाँ पे जरा बुक में देखते हैं आगे क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा सेल्स बिल यहाँ पे हो गया, अब अल्ट पी करके यहाँ पे हम सेल्स बिल देख सकते हैं, इस तरह से प्रिंट होने वाला है, और यहाँ पे आएगा जीएसटी इनवाइसेस फॉर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है, अब वो हम देखेंगे। राजेश कुरियर सर्विस है जो कि कुरियर सर्विस प्रोवाइड करती है अपने एरिया में, और फिर कुरियर सर्विस जो राजेश कुरियर सर्विस, तो उनका यहाँ पे जो रहेगा सर्विस प्रोवाइडर रहेगा, सर्विस प्रोवाइडर हो तो वो जीएसटी कैसे आएगा क्या आएगा, ये सारी चीजें अभी हम देखते हैं इसमें। सो यहाँ पे चलिए इसे मैं आपको समझाने के लिए एक नई कंपनी मुझे बनानी पड़ेगी राजेश कुरियर सर्विस की, तो इस कंपनी को कहते हैं टाटा, टाटा यानी बाय बाय दोस्तों। तो इसके लिए मैं इसे अल्ट पहले एस्केप कीजिए, एस्केप कीजिए, सेल्स वाउचर तो एक्सेप्ट हो चुका है, अल्ट F1 कीजिए, ये बंद हो गया। अब मैं आपको सेल्स सर्विस इनवाइस बनाना है, इसलिए सर्विस टैक्स वगैरह कैसे उसके ऊपर अप्लाई होगा, इसके लिए मैं एक नई कंपनी बना रहा हूँ, राजेश कुरियर सर्विस CS शॉर्टकट लिख देता हूँ, एंड इट इज फ्रॉम महाराष्ट्र अगेन, और बाकी सारी डिटेल्स में नहीं भर रहा हूँ, हमेशा की तरह कंट्रोल ए बटन प्रेस करो अभी। सो ये हो गया अभी कंट्रोल ए बटन, और यहाँ पे आपको दिख रहा है राजेश CS कंपनी है, गेट ऑफ टैली आ चुका है, लेकिन ये जो कंपनी है इसमें इन्वेंट्री इम्पो क्या काम का है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना इन्वेंट्री इम्पो, आई शो यू हियर, इन्वेंट्री इम्पो जो है वो हमें बिल्कुल काम का नहीं है। व्हाई इट इज लाइक दैट, बिकॉज
हम अकाउंटिंग में काम कर रहे हैं और हमारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, जब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे कोई गुड्स नहीं होते हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स नहीं होते, यानी कि सर्विस अमाउंट तो डीलिंग होता है लेकिन सर्विस का होता है। जैसे मेरे क्लासेस में मैं स्टूडेंट से फीस चार्ज करता हूँ तो मैं उनको कुछ बेच तो नहीं रहा हूँ ना यार, मैं बस उनको मतलब ट्यूशन दे रहा हूँ, क्लासेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब होता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे कुछ सर्विस ली जाती है उसके अगेंस्ट पैसे लिए जाते हैं, सर्विस दी जाती है उसके अगेंस्ट पैसे लिए जाते हैं। तो उसके लिए करना क्या है आपको, यहाँ पे एप्लीकेशन बटन प्रेस करना है। चलिए मैं यहाँ पे एप्लीकेशन बटन प्रेस करता हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर आपको अकाउंटिंग फीचर्स दिखाई दे रहा है, एंटर कीजिए। अकाउंटिंग फीचर्स में सबसे पहला ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है उसी पे आइए, मेंटेन्स अकाउंट ओनली, और इसे मैं करता हूँ यस। ये नो रहता पहले से, मैंने नो क्या, जैसे मैं नो करूंगा सेकंड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंटेग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी, ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है। मतलब अकाउंट एंड इन्वेंटरी या इन्वेंटरी से रिलेटेड जितने भी, जैसे ये कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग, वो भी डिसेबल हो जाता है। इन्वेंटरी से रिलेटेड सारी चीजें डिसेबल हो जाएंगी, इन्वेंट्री ऑप्शन सारे बंद होने वाले हैं। देखते हैं जरा प्रैक्टिकली, कंट्रोल ए कीजिए। जैसे आप कंट्रोल ए करेंगे अब आपको पता चलेगा कि एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जब हम अकाउंटिंग करते हैं आपको क्या ध्यान में रखना रहता है कि उसमें इन्वेंटरी की जरूरत नहीं है, तो हमें मास्टर्स में इन्वेंटरी गायब करना होगा, ट्रांजेक्शन से इन्वेंटरी वाउचर्स भी गायब हो गए हैं और रिपोर्ट से स्टॉक डिटेल्स गायब हो गई है। वाओ, इंटरेस्टिंग है ना, ये समझ में आया होगा आपको अभी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है, मैंने ये कर लिया, अब हमें करना क्या है, एंट्री डायरेक्टली पास करनी है, हमें सीखना है। पहले तो हमें जीएसटी पहले इनेबल करना पड़ेगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अच्छा, ये जो रेगुलर और कंपोजिशन है इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो जरूर बनाऊंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में कि रेगुलर के लिए क्या रूल्स रखे गए हैं जीएसटी के अंदर और कंपोजिशन के लिए क्या रूल्स रखे हैं। थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं उसमें, कितना अमाउंट, कितना टर्नओवर पे कंपोजिशन पे कितना परसेंटेज टैक्स भरना है, ये सारी चीजों का एक वीडियो जरूर चाहिए और वो डिटेल में एफबी पेज पे बनाऊंगा। अच्छा, एफबी पेज पे साथ में मैं ये चीज भी अपलोड करने वाला हूँ, वीबीए के जो ट्यूटोरियल्स है वो भी अपलोड करने वाला हूँ दोस्तों। वीबीए एक्सेल वीबीए में अगर आप लवर्स हो तो वो भी ट्यूटोरियल्स एफबी पेज पे कंटिन्यू आते रहेंगे, क्योंकि वहां पे ज्यादा मैं एडिट नहीं करता, डायरेक्टली जो है वो है, सीधी बात बोल देता हूँ, एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्टली वीडियो रिकॉर्ड और डायरेक्ट अपलोड। तो जल्दी से जल्दी वीडियो आपको मिलने मतलब देने की मैं कोशिश करूंगा। यहाँ पे बड़े वीडियो भी मैं बना सकता हूँ, क्योंकि बड़े वीडियो जब मैं बनाता हूँ तो उसमें एडिटिंग के लिए बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ एफबी पेज के अंदर। ठीक है, फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पे राजेश कुरियर सर्विस के लिए जीएसटी इनेबल करते हैं, कैसे करना है वो देखते हैं और उसके बाद उसकी एंट्री भी देखते हैं क्या है। सो पहले एफिलियन किया था हमने, वैसे ही एफिलियन दोबारा करेंगे। एफिलियन के अंदर हम पहले किसके लिए गए थे, पहले हम एफिलियन के अंदर गए थे बस अकाउंटिंग फीचर्स ऑन करने के लिए, अकाउंटिंग ऑप्शंस। अब जाएंगे हम टैक्सेशन फीचर्स ऑन करने के लिए, और टैक्सेशन फीचर्स के अंदर इनेबल गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स जीएसटी यस, और उसके बाद सेट स्लैश अल्ट्रा डिटेल्स जीएसटी डिटेल्स, इसके लिए भी हम यस करेंगे। वाओ, इंटरेस्टिंग। तो दो चीजें हमने यहाँ पे यस कर दी है, कौन कौन सी यस करनी है आपको समझ में आया होगा। अब जीएसटी के अंदर पहले ही हमने देखा क्या क्या ऑन करना है, यहाँ पे रेगुलर रखेंगे हम लोग, और यहाँ पे एसएससी अदर टेरिटरी नो रहेगा, और जीएसटीएन वगैरह, जीएसटीएन नंबर 15 डिजिट का रहता है, पहले दो डिजिट स्टेट कोड, बाद में 10 डिजिट आपका पैन कार्ड नंबर, लास्ट की 3 डिजिट जोनल एरिया कोड, ये मैंने बताया था शायद। तो यहाँ पे मंथली या क्वार्टरली रिटर्न होगा जीएसटी, और वन क्या होता है, मंथली रिटर्न किसके लिए ज्यादा होता है, क्वार्टरली रिटर्न क्या होता है, ये सारी चीजें एक रेगुलर कंपोजिशन जो वीडियो में बनाने वाला हूँ उसके अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वो जरूर एक इन्फॉर्मेशन रहेगा, बस इन्फॉर्मेशन भरा वीडियो रहेगा जिसमें बस जानेंगे, प्रैक्टिकल कुछ चीजें नहीं रहेगी, बस जानेंगे हम इनके बारे में ज्यादा डिटेल्स में, या लाइबिलिटी फॉर एडवांस रिसिप्ट क्या होता है, ये सारी चीजें एक साथ कंबाइन करके मैं बताऊंगा आपको वहां पे। फिलहाल यहाँ पे देखिए, इसको मैं यस कर रहा हूँ डिटेल्स को, बाकी सारी चीजों को नो रख के यहाँ पे टैक्सेबल में आ रहा हूँ। और टैक्सेबल पहले अभी रेट क्या डिसाइड करना है, हमारी जो सर्विस है वो कुरियर की है, सो कुरियर सर्विस से रिलेटेड हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है टैक्स क्या है, जो कुरियर ट्रांसपोर्ट होता है कुरियर से रिलेटेड जो भी है। सो व्हाट आई विल डू, मैं सिंपली जाऊंगा कहाँ पे, यहाँ पे तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं मैंने फाइंड आउट कर दिया, मैंने आपको वेबसाइट भी बताई है indiafilings.com, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वो फाइंड आउट भी कर दिया मैंने, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लेटर्स एंड पार्सल्स एंड अदर गुड्स जीएसटी रेट आपको दिख रहा है, वेबसाइट का नाम भी यहाँ पे दिया है gstforyou.in, नो सॉरी जीएसटी फॉर यू नो, इसमें सेक्शन वगैरह पता चलता है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर है indiafilings.in, ये जो है indiafilings.in ये वेबसाइट है, इस पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली लिंक पे तो लिंक अवेलेबल है, ये लिंक डायरेक्टली आपको वहां पे जीएसटी फाइंडर पे लेके जाएगी, जहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सर्विसेस रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे रखना है कुरियर
COURIER कुरियर सर्विसेज, या फिर आप यहाँ पे पार्सल्स वगैरह ऐसा डाल सकते हैं। जीएसटी रेट वहां पे आ रहा है और सैक कोड भी आ रहा है। सर्विस अकाउंटिंग कोड, सैक कोड और जीएसटी कोड क्या होता है, इसके बारे में मैंने ब्लॉग लिखा है और वो लिंक मैंने वेब पेज पे दिया था, एक पोस्ट किया था। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन सैक एंड जीएसटी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी एंड सैक, एंड किसने इन्वेंट किया है, क्यों इन्वेंट किया है, क्यों जरूरत है इसे, और कितना डिजिट का डालना चाहिए, सारी चीजें है वहां पे बार बार बताने से क्या होता है कि भैया अभी टाइम जाता है। फिलहाल मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे 18% ऐड कर रहा हूँ और इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जो कि हमने देख लिया इसे 18% ऐड करना था तो हमने कर दिया और एक्सेप्ट किया और यहाँ पे ये एक्सेप्ट हो चुका है। चलिए ये होने के बाद पूरा एक्सेप्ट करो, बाकी की सारी चीजें डिटेल भर के हमें जो जरूरी चीजें थी यहाँ पे कर ली। और हमें दोबारा जाना है हमारे बुक्स के अंदर और रोल करके मैं आपको दिखा देता हूँ एंट्री क्या है। वी टुक अ ट्रांसपोर्ट सर्विस, इट शुड बी टुक अ ट्रांसपोर्ट सर्विस फ्रॉम संजय ट्रांसपोर्ट पुणे, पुणे की पार्टी है, और उसे 15,000 का मैंने ट्रांसपोर्ट सर्विस लिया है, परचेस किया है, सर्विस परचेस किया है। संजय ट्रांसपोर्ट आएगा सिंडिकेटर्स और वो लेजर्स कैसे रहेंगे, ट्रांसपोर्ट अंडर इंट्रा स्टेट और ट्रांसपोर्ट रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ये सारी चीजें यहाँ पे आएगी और उसका भी 18% रहेगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज सभी आ जाते हैं 18% के अंदर। और यहाँ पे जीएसटी और एजीएसटी रहेगा क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है। तो यहाँ पे पहले परचेस की एंट्री पास करेंगे, सर्विस हमने खरीदा है, सर्विस लिया है और वो संजय संजय ट्रांसपोर्ट से लिया है। सो आई डू वन थिंग, डायरेक्टली मैं अकाउंटिंग वाउचर में जाता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ पे परचेस वाउचर ले लेता हूँ। परचेस वाउचर के लिए आपको करना है बस F9, परचेस इनवाइस सप्लायर इनवाइस नंबर टाइप कीजिए और यहाँ पे पार्टी का नाम है संजय, अल्ट सी संजय ट्रांसपोर्ट पुणे से है। सो सन्ड्री यहाँ पे पहले तो इसको लेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर ये सप्लायर है हमारा और पुणे से है तो महाराष्ट्र पुणे वगैरह सारी चीजें यहाँ पे भर देंगे। तो यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करने के बाद कुछ चीजें है, एड्रेस वगैरह वो तो नहीं करना है, एंटर कीजिए आगे आइए और यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ रहा है। सो पर्टिकुलर्स यानी आपकी सर्विस, तो अल्ट सी बटन प्रेस कीजिए, जो आपने सर्विस खरीदी है ट्रांसपोर्ट सर्विस है, तो मैंने ट्रांसपोर्ट ले लिया, ट्रांसपोर्ट रहेगा कौन सी सर्विस है, ये इंट्रा स्टेट है। सो इंट्रा स्टेट यहाँ पे हम लेते हैं इंट्रा स्टेट एंड इट विल बी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पे आएगा कुछ डिस्काउंट वगैरह नहीं है, एप्लीकेबल करेंगे यहाँ पे जीएसटी को और यस करेंगे, ये है इंट्रा स्टेट। तो यहाँ पे आएगा बस परचेस टैक्सेबल में जो रेट है वो ऐड करेंगे सर्विस के जो भी रेट रहेंगे, और ये गुड्स नहीं रहेगा, ये सर्विसेस रहेगा, सर्विसेस मिलेंगे। सो यहाँ पे ये होने के बाद यहाँ पे सर्विसेस का जो रेट है वो डायरेक्टली मतलब टोटल अमाउंट यहाँ पे टाइप करना है, कितने की थे सर्विस में भूल गया, आई हैव टू गो इन अ बुक्स एंड लेट चेक इट आउट। 15,000 के लिए हमने दोस्तों 15,000 की अमाउंट चेक की, मैंने एंटर किया और एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें और लेजर बनाने पड़ेंगे जो कि अल्ट सी प्रेस करके रहेंगे, सीजीएसटी और एजीएसटी। सो सीजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, और यहाँ पे क्या आएगा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आ रहा है पहले सीजीएसटी लिया है तो सेंट्रल आएगा ऑफकोर्स, यहाँ पे 9%, और एचजीएसटी लिया है तो यहाँ पे आएगा फिर से अल्ट सी एचजीएसटी, और यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, और यहाँ पे आएगा स्टेट टैक्स। अच्छा ये हो गया, स्टेट टैक्स सिलेक्ट नहीं किया मैंने, ओके सिलेक्ट नहीं हो रहा है, नाउ इट इज सिलेक्टेड 9%, दैट्स इट। ओके सो एंटर कीजिए और यहाँ पे देखिए यू आर गेटिंग आंसर। नाउ अल्ट पी करके देख सकते हैं आप इसे, यहाँ पे यस करके देख सकते हैं, यहाँ पे ये सेल्स इनवाइस का जो है सर्विस और सर्विस इनवाइस मतलब तैयार हो गया है, जो भी आपने सर्विस खरीदा था उसका बिल आपने बना दिया है यहाँ पे, जो पार्टी ने आपको यह बिल भेजा रहेगा वैसे भी आपको मिला रहेगा ऐसा बिल, और आपने ये परचेस इनवाइस पास कर दिया, सेल्स नहीं सर्विस इनवाइस में, परचेस इनवाइस ही है। सो ये एंट्री हो गई है प्रॉपर कंप्लीट मैंने कर दी है, आपने देखा है किस तरह से करना है, इसे क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे ऐड करनी ये समझ में आया होगा, डेफिनेटली समझ में आएगा दोस्तों। और इसमें एक बात याद रखना है, अगर आपका कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं आ रहा है 9% और आगे कुछ कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, कुछ भी एरर आता है सपोज ऐसे, तो आपको ध्यान रखना है जो अंडर ग्रुप्स वगैरह मैंने दिए थे वो प्रॉपर वैसे आपने किए हैं कि नहीं किए, थोड़ा सा रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिए समझ में आएगा। में हम देखने वाले हैं कि POS इनवॉइस जीएसटी के अंदर कैसे बनाते हैं, POS को समझते हैं। यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको POS के बारे में। POS स्टैंड्स फॉर पॉइंट ऑफ सेल, देखो POS ये दूसरा भी मीनिंग होता है, मैंने स्टार्टिंग में जीएसटी जब एक्सप्लेनेशन दिया था जीएसटी का तभी बताया था, POS यानी प्लेस ऑफ सप्लाई। जीएसटी के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे कि आप
मैंने आपको बताया भी था ये, जैसे कि आप सेम स्टेट में परचेस करते हो, सेल्स करते हो, तो वो होता है इंट्रा स्टेट, और अदर स्टेट में होते हो परचेस और सेल्स करते हो तो वो आएगा इंटर स्टेट। तो ये पीओएस अलग होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। फिलहाल जो पीओएस सीख रहे हैं ये टैली का फीचर्स है, ये अकाउंट का नहीं, जीएसटी का नहीं, टैली का फीचर्स है। और टैली के अंदर एक पीओएस इनवाइस कैसे बनाते हैं वो देखने वाले। होता क्या है, जब आपके पास कस्टमर की लाइन लगी रहती है, आपके पास शॉपर्स टैली ये सॉफ्टवेयर नहीं है, शॉपर्स टैली एक अलग सॉफ्टवेयर रहता है, जो इंट्रो पार्ट में मैंने बताया था टैली के अलग अलग चार सॉफ्टवेयर रहते हैं, लेकिन शॉपर्स टैली में बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है, डायरेक्टली कस्टमर को बिल दिया जाए। लेकिन आपके अकाउंट सॉफ्टवेयर में ही, जो आपका अकाउंट सॉफ्टवेयर है, ये अकाउंट सॉफ्टवेयर है हमारा टैली का, और इसी में हम लोग क्या करना चाहते हैं कि बिल तैयार करना चाहते हैं क्विकली कस्टमर्स के लिए, कैश कस्टमर्स के लिए क्विक बिल तैयार करने के लिए ये पीओएस इनवॉइस यहाँ पे हम तैयार करेंगे। ये बनाने के लिए आपको करना क्या है, अकाउंट इंफो वाउचर टाइप्स एंड क्रिएट, और नया वाउचर हमें तैयार करना है पीओएस इनवॉइस जो कि है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे इस तरह से वाउचर रहेगा। फिलहाल चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं इसके हमें क्या क्या जरूरत है। टैली के अंदर एक नई कंपनी के साथ हम शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह। यहाँ पे इसका नाम मैं दे रहा हूँ कंपनी का, पीओएस इनवॉइस यही नाम दे देते चलिए। और आप यहाँ पे कंपनी में स्टेट वगैरह बाकी सब चीजें भर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे स्टेट यहाँ पे मुंबई टाइप कर देता हूँ, एंड हियर इट इज इंडिया, महाराष्ट्र एंड इनअप। कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और आगे आइए। यहाँ पे सबसे पहले आपको जीएसटी से इनेबल करना पड़ेगा, और उसके बाद पीओएस इनवॉइस क्रिएट करना पड़ेगा। सो जीएसटी इनेबल करने के लिए एप 11 हमेशा की तरह स्टेट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाकर इसे यस कीजिए और इसे भी यस कीजिए, सेकेंड ऑप्शन। ओके, ये आपको पता ही होगा ऑलरेडी, जीएसटी के आपने वीडियो देखे रहेंगे, मैंने रेगुलर रजिस्टर रखा है, जीएसटी नंबर आप फिल कर सकते हैं, कुछ भी फिलहाल तो हमारे पास नहीं है। मंथली रिटर्न है या क्वार्टरली ईवे बिल है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। और फिलहाल ये ईवे बिल वगैरह मैं नहीं रख रहा हूँ। जीएसटी रेट डिटेल जरूर मैं ऐड करूंगा, यस। ये टैक्सेबल गुड्स आएंगे और इसका 18% मैं रख देता हूँ। चलिए मैंने एक्सेप्ट कर दिया और इसे एक्सेप्ट कर दो। अभी ये हो गया जीएसटी एक्टिवेट। आप उसके बाद करना क्या है, अब उसके बाद आपको करना है अकाउंट इंफो में वाउचर टाइप्स क्रिएट। वाउचर टाइप्स में जाइएगा और यहाँ पे आपको वाउचर टाइप्स क्रिएट करना है, नया वाउचर क्रिएट करना है। सो पीओएस इनवाइस नाम दे दो या पीओएस दे दो, डायरेक्टली पीओएस दिया तो भी चलेगा, लेकिन पॉइंट ऑफ सेल ये सेल्स का वाउचर है इसलिए इसे हम सेल्स ही लेंगे। पीओएस यहाँ पे एब्रीवेशन में लिख देंगे और बिलिंग ऑटोमेटिक रख देंगे, फिलहाल तो ऑटोमेटिक ही रख दो। ऑटोमेटिक और मैन्युअली क्या होता है इसका मैंने ऑलरेडी लर्न मोर चैनल पे वीडियो डाला था कि बिल नंबर हम कैसे कस्टमाइज करेंगे, काफी सारे लोगों ने उसे देखा है, लगभग 1 लाख 1.5 लाख लोगों ने देखा है उसे, कि बीओएस सॉरी वाउचर नंबरिंग हम कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं सेल्स बिल बनाने के पहले। फिलहाल तो वाउचर नंबर हम कस्टमाइज नहीं कर रहे, ये ऑटो कॉम्प्लिकेशन ही रहने देते, तो इसे नो कर देते हैं, यस नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल जो पीओएस इनवॉइस बनाना है उसके लिए यहाँ पे प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, क्योंकि हमें ये प्रिंट करके तुरंत कस्टमर को देना है इसलिए ये कर दिया। यूज पीओएस इनवॉइस ये भी हमें यस करना होगा। मैसेज टू प्रिंट, अभी जैसे बिल प्रिंट होगा तो क्या थैंक यू विजिट अगेन, आपने देखा होगा ना ये छोटे बिल जब आप लेते हो होटल से वगैरह या कोई शॉप से, बिग बाजार में गए वहां पे बिल आ जाता है तो थैंक यू विजिट अगेन ये नीचे लिखा रहता है, आप कैश कस्टमर रहेंगे तो भी। एंड इनवॉइस का टाइटल कुछ और रहेगा, सपोज हमारी कंपनी का इनवॉइस का टाइटल दे दें, एंड लर्न मोर इनवॉइस या कुछ भी दे सकते हैं आप। और यहाँ पे डिक्लेरेशंस भी, गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी रिटर्न, ऐसा कुछ भी डिक्लेरेशन आप दे सकते हैं। फिलहाल तो वी डिक्लेयर दैट इनवॉइस शोज एक्चुअल प्राइस वगैरह ये आ चुका है, ये डिक्लेरेशन आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं और यस करेंगे तो यहाँ पे वो यही परमानेंट, मतलब जो पहले वाला है डिक्लेरेशन आ चुका है, इसे एक्सेप्ट कीजिए। नेम ऑफ क्लास क्या होता है आगे देखने वाले हम लोग, क्लास कैसे बना के हम इजिली वाउचर्स वहां पे ऐड करेंगे। यहाँ पे पहले मैं एस्केप कर लेता हूँ, और एस्केप करने के बाद अकाउंटिंग वाउचर्स में यहाँ पे आइए। अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर एफएट बटन प्रेस करके जरा देखिए क्या होता है। एफएट बटन में आप देख पाएंगे एफएट करना है मुझे, F9 हो गया, सेल्स वाउचर आ चुका है। सेल्स वाउचर देखिए पीओएस और सेल्स, ऐसे दो ऑप्शन आ चुके हैं। पहले तो सेल्स हम सिलेक्ट करते थे, इस बार हम पीओएस करेंगे, देखिए वाओ। ओके, पीओएस इनवॉइस यहाँ पे आ चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पे टैली में हम स्टेप्स देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन में वो सारे स्टेप्स बता दिए कि पीओएस वाउचर्स कैसे तैयार करना है, ऊपर आप देख सकते हैं है ना, यहाँ पे ये स्क्रीन है, अगर कुछ नहीं समझा तो भी वैसे भी वीडियो आपके साथ है, आप पॉज करके बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।
उसके बाद हमें यहाँ पे गोडाउन भी आया है मेन लोकेशन इस वाउचर में, लेकिन हमारे इसमें नहीं आया है क्योंकि हमने गोडाउन इनेबल नहीं किया। तो गोडाउन को अगर इनेबल या एक्टिवेट जिसे हम बोलते हैं उसे करने के लिए आपको F11 प्रेस करना है और F11 के अंदर F2 प्रेस करना है, क्योंकि गोडाउन की सेटिंग्स यहाँ पे F2 इन्वेंट्री फीचर्स में, यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री F2 प्रेस करना है और यहाँ पे इनेबल मल्टीपल गोडाउन यानी मेंटेन मल्टीपल गोडाउन अगर यस करते तो वहां पे गोडाउन भी आ जाएगा। फिर आप गोडाउन में मेन लोकेशन लीजिए या कुछ और दीजिए, जैसे यहाँ पे आपको गोडाउन दिखाई दे रहा है। सो कैश अकाउंट लेंगे, सेल्स लेंगे हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट और प्रोडक्ट हमारा नीचे ले लेंगे। सो कैश अकाउंट के लिए अल्ट सी कैश कस्टमर्स लेते हैं हम लोग, कैश कस्टमर, और कैश अकाउंट के लिए कैश कस्टमर्स यहाँ पे कैश इन हैंड ही डाल देते हैं हम लोग। सो यहाँ पे आएगा अल्ट सी अगेन एंड सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट और सेल्स कौन सा रहेगा, ये इंटरेस्ट रेट ही है हमारा। यहाँ पे हम सेल्स के लिए डायरेक्टली सेल्स इंटरेस्ट रेट लिखेंगे तो भी चलेगा, जो भी परसेंटेज आ गया वो भी लिखेंगे तो भी चलेगा, सेल्स इंटरेस्ट रेट। ओके, एंड यहाँ पे आएगा सेल्स अकाउंट, यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा, यहाँ पे यस रहेगा, यहाँ पे सेल्स इंटरेस्ट रेट है तो बस सेल्स टैक्सेबल सेल्स आएगा। इस तरह से आपको वहां पे इंटरेस्ट रेट रहेगा तो ही इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, जो भी रेट हमने डिसाइड किया तो वो लीजिए। गुड्स के ऊपर रेट है वो भी लेना है, या अपने अगर पार्ट 21 और 22 की वीडियो देखे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब फाइनली हम वही प्रोडक्ट लेते हैं, चलिए 3 लैपटॉप हमें लेना है या 4 लैपटॉप लीजिए, लैपटॉप और यहाँ पे ये सब रख दो, ऐसी अल्ट सी करो, नंबर्स जरूर ले लो, नंबर्स नहीं लोगे यूनिट तो भैया क्वांटिटी ऐड नहीं कर सकते हम, ऐसा है। सो नो नंबर्स, और यहाँ पे NOS नंबर्स मैंने लिया, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मैंने रख दिया 0 एंड एक्सेप्ट इट। सो ये मैंने कर दिया और क्वांटिटी यहाँ पे अभी मैं दे रहा हूँ सपोज 20 एंड 20 नहीं 5 क्वांटिटी दे देता हूँ, इतना नहीं लेना है। कैश कस्टमर्स यहाँ पे सपोज 25,000 रेट ले लिया मैंने। ओके, यहाँ पे इसे एंटर करना है, यहाँ पे फिर से यहाँ पे और एक स्टॉक ऐड करना है तो आप अल्ट सी करके ऐड कर सकते हैं, फिलहाल नहीं करना है तो अल्ट सी नीचे कीजिए एंटर करके, और यहाँ पे CGST और SGST जो कि इंटरेस्ट रेट आता है तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा, GST आएगा और व्हाट विल बी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल टैक्स आएगा वहाँ पे, एंड देन क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है इसलिए मेरे मुंह से निकल गया सेंट्रल गवर्नमेंट। अगेन अल्ट सी कीजिए नीचे और SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये सारी चीजें हो गई पार्ट वन और पार्ट 21 और 22 में, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसे यहाँ पे स्पीड अप कर रहा हूँ दोस्तों। ये स्टेट टैक्स आएगा और एक्सेप्ट, क्योंकि ये बेसिक चीजें अभी आपको पता रहेगी और मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इधर आ गया मैं अभी, तो यहाँ पे कंट्रोल पी ऑप्शंस मिलेगा आपको, कंट्रोल पी प्रेस करने के बाद मल्टी मोड पेमेंट, गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, चेक, कैश, ये सारी चीजें यहाँ पे आएगी, दिखाई दे रहा है आपको। ये कंट्रोल पी बटन से मल्टी मोड पेमेंट इनेबल और डिसेबल होता है। होता क्या है कि अगर आपने इस गुड्स को जो कस्टमर खरीद रहा है उसके पास आपने पहले से गिफ्ट कार्ड इशू किए और गिफ्ट वाउचर से यहाँ पे अमाउंट डिडक्ट करना है तो आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से, या चेक पेमेंट कर रहा है कस्टमर, या वो बस कैश कर रहा है तो कैश ही लीजिए। और कैश कितना पे कर रहा है, 1,47,500, लेकिन उसने कितना दिया आपको, 1.5 लाख दे दिया, उसके बाद चेंज नहीं था, उसने डायरेक्टली राउंड फिगर 1.5 लाख, तो उसको पैसे वापिस कितने देने हैं, उसने कैश टेंडर कितना दिया है 1.5 लाख, हमारा बिल हो गया 1,45,500, तो तुरंत हमारा जितना रिमेनिंग उसको वापस देना है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम बोलते हैं ना चेंज वापस देना है तो ये यहाँ पे आ जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक क्विक बिल बनाना है आपको, कस्टमर लाइन में खड़े आपको बिल फटाफट फटाफट रिकॉर्ड करना है, एक्सेप्ट करना है और इसे एक्सेप्ट करना है। फिलहाल ये इतना क्विक तो नहीं हुआ, इसमें हम क्लास बनाएंगे तो और भी क्विकली हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी का लेजर बनाओ, एसजीएसटी का लेजर बनाओ, एक ही बार बनाना पड़ेगा हमें ये लेजर, और मैं आपको दिखाऊंगा जब हम इसका क्लास बनाएंगे तो और क्विक हो जाएगा। फिलहाल हम लोग POS देख रहे हैं, देखिए जैसे मैं इसे एस करूंगा यहाँ पे प्रिंट के लिए आ जाएगा, आपको अल्ट पी प्रेस करने की जरूरत नहीं है, वो पूछ रहा है प्रिंट करना है, मतलब सेव भी हो जाएगा और प्रिंट भी। अल्ट जेड कीजिए जूमिंग के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल आ रहा है, थैंक यू विजिट अगेन नीचे लिख के आ रहा है, गुड्स डिक्लेरेशन आ रहा है, लर्न मोर इनवाइस टाइटल आ रहा है, एक छोटा सा बिल आ रहा है आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रिंट कैसे आएगा। ये कैश कस्टमर्स के अगेनिस्ट हमने बनाया है, इसे हम स्किप कर देते हैं, एंट्री सेव हो जाती है, जैसे आप पहले सेव हो जाती है प्रिंट के लिए बाद में आ जाती है। सो इस तरह से POS इनवाइस आप तैयार कर सकते हैं, ये था लेक्चर नंबर 23, मैंने कोशिश की इसे समझाने की, तो 24 में हम POS इनवाइस का ही क्लास कैसे क्रिएट करते हैं देखते हैं, क्लास क्रिएट करने से हमारा टाइम और सेव हो जाता है और प्रैक्टिकली हम देखेंगे। और एक बात, यहाँ पे गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट डेबिट कार्ड, इन सब के लिए आपको लेजर बनाने की जरूरत पड़ेगी, अल्सी करके उसे लेजर आपको क्रिएट करने पड़ेंगे।
मैंने बताया था कि POS invoice कैसे बनाते हैं, वो आपने देखा ही होगा दोस्तों। अब POS invoice के अंदर मैं आपको बताऊं कि अगर आप क्लास बनाना चाहते तो कैसे बना पाएंगे। अभी क्लास होता क्या है आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो इस क्लास का मीनिंग तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल क्लास बनाने के लिए हमें जाना कहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अकाउंट इन्फो में हमें जाना है। अकाउंट इन्फो के अंदर वाउचर टाइप, जहां पे हमने POS वाउचर क्रिएट किया था वहां पे जाएंगे हम, और यहाँ पे वाउचर टाइप को हम अल्टर करेंगे। अच्छा मैं बताऊं कि POS वाउचर के अलावा आप किसी का भी क्लास बना सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे सभी वाउचर्स, जो वाउचर्स का क्लास बनाना चाहिए उसका क्लास आप बना सकते हैं। क्लास से काम कैसे आसान होगा वो आपको एंडिंग में दिखाई देगा। फिलहाल अल्ट्रा ऑप्शन लेना है वाउचर टाइप्स के अंदर, और यहाँ पे मैंने जो POS इनवॉइस लेक्चर नंबर 23 में क्रिएट किया था वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। चलो ठीक है, सो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट। POS इनवॉइस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे एंटर करूंगा और यहाँ पे डायरेक्टली एंटर करके राइट साइड में आ जाऊंगा नेम ऑफ क्लास के अंदर, और नेम ऑफ क्लास के अंदर यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, जैसे POS ये जो है सेल्स के लिए हम बना रहे, सेल्स के लिए इनवाइस होता है, वैसे भी POS सेल्स 18% वाला ये क्लास है, ये GST का जो 18% रेट इसके ऊपर है इसलिए। अब गिफ्ट वाउचर पेमेंट इसमें इनेबल रखना है नहीं रखना है वो सारी चीजें आएगी यहाँ पे, और उसका लेजर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपको अल्ट सी प्रेस करना है अगर इसे इनेबल रखना है, और आप नहीं चाहते तो इसके लिए नो रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्लास में बना रहा हूं उसके लिए डिफॉल्ट चीजें हमें सेट करनी रहती है, ये चीजें हमने सेट की तो वाउचर के अंदर ही ऑटोमेटिकली वहां पे ऐड हो जाता है। तो POS गिफ्ट वाउचर के लिए जो लेजर रहेगा वो आप यहाँ पे अल्टी करके तैयार कर सकते हैं, और गिफ्ट वाउचर अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा। तो वैसे ही आप क्रेडिट डेबिट कार्ड का पेमेंट का भी अल्टी करके यहाँ पे कर सकते हैं, यस रखेंगे तो। फिलहाल इसके लिए मैं यहाँ पे नो रख देता हूँ, मल्टी मोड पेमेंट मैं नहीं ले रहा हूँ। ये मैंने 23 में बताया था मल्टी मोड पेमेंट होता क्या, मैं कैश ले रहा हूँ और कैश के लिए ऑलरेडी मेरे पास कैश अकाउंट रहता है इसलिए कैश के अंदर कैश रहेगा। अच्छा यहाँ पे सेल्स इंट्रास्टेट है हमारा, ये विद इन स्टेट हो रहा है इसलिए इंट्रास्टेट है, और ये लेजर मैंने ऑलरेडी बनाया था जो POS का जब 23 लेक्चर में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, तो सेल्स इंटरेस्टेड वहां पे है। और यहाँ पे आएगा और लेजर जो कि हम नीचे GST और CGST जो भी रहेगा, CGST और HGST वो टैक्स हम डिडक्शन करने वाले, तो वो टैक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो क्लास में मैंने क्या किया, डिफॉल्ट चीजें ऐड की जो कि मुझे इनवाइसेस में ऐड करनी है, इसके बाद के जो इनवाइसेस में बनाऊंगा इस वाउचर के लिए POS इनवाइस के लिए, तो ये सारी चीजें मैंने डिफॉल्ट ऐड की। क्या क्या है आपको सामने दिखाई दे रहा है, ऐसा अगर करते हो आप और इसे एक्सेप्ट करते हो कंट्रोल या एंटर बटन प्रेस करके एक्सेप्ट कीजिए। सो अब एस्केप करना है एंड आपको यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर आना है। अब आपको यहाँ पे सेल्स वाउचर ही लेना है, मतलब F8 बटन जो हमने यूज किया था सेल्स वाउचर के लिए वही लेंगे, लेकिन सेल्स के अंदर हम यहाँ पे लेंगे POS इनवाइस, राइट। POS इनवाइस चल रहा है हमारा, और POS के अंदर क्लास पूछा जा रहा है, क्लास अगर नहीं रहेगा तो हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे, और क्लास लेना है तो ये लीजिए। अभी इसका बेनिफिट देखिए क्या होगा, अगर मैं ये क्लास लेता हूं तो कुछ चेंजेस आपको नजर आएंगे, जैसे कि यहाँ पे कैश पेमेंट बाय डिफॉल्ट आ रहा है, यहाँ पे आपको CGST और HGST बाय डिफॉल्ट आ रहा है, आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये जो है सपोज मैं गोडाउन ले लेता हूँ, यहाँ पे मेन लोकेशन यहाँ पे ले लेता हूँ, कुछ भी पार्टी का नाम वगैरह, या फिर नॉट एप्लीकेबल कैश कस्टमर लेंगे तो भी चलेगा। फिलहाल यहाँ पे आपको मुझे दिखाना ये है कि मैं अगर लैपटॉप ले लेता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट हो चुका है, नीचे CGST और HGST अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी है मुझे। तो यही तो मुझे बताना है यहाँ पे, क्लास का बेनिफिट यही होता है। आप सेल्स वाउचर के लिए, परचेस वाउचर के लिए, सबके लिए ऐसा क्लास ऐड करके रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आएगा, टाइम आपका सेव हो जाएगा। इस क्लास के अंदर और कुछ लेजर ऐड करके आप एक्सपेंसिस भी ऐड कर सकते हैं, जो भी चीजें ऐड करनी है वहां पर आप ऐड कर सकते हैं जब आप क्लास बनाते हो तो। सो यहाँ पे हमारा 29,000 बिल हो गया, कस्टमर ने हमें 30,000 रुपए दिए तो 500 रुपए उसको रिटर्न देने हैं। सो इस तरह से ये POS हो गया, और जैसे आप इसे एंटर करेंगे एक्सेप्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली प्रिंट भी हो जाता है और सेव भी हो जाता है। पहले सेव हो गया पीछे, और यहाँ पे प्रिंट के लिए भी आ चुका है, Alt Z करके जूमिंग करके आप देख सकते हैं। वैसे टैली की सारी शॉर्टकट की इसका एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, और एक्सेल की सारी शॉर्टकट की इसका वीडियो मैंने लर्न मोर चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसमें 101 एक्सेल की शॉर्टकट कीज मैंने एक्सप्लेन की। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा रहेगा, अच्छा लगा होगा, वहां पे कमेंट भी किया होगा, यहाँ पे भी कमेंट कीजिए आज का वीडियो कैसा था। अगर आपके बॉस ने आपसे कहा कि एक्सेल के अंदर जो सैलरी स्लिप बनाते हैं वैसे टैली में बना के दिखाओ, तो ऐसा अगर आप सोच रहे हो और इसका जवाब आपको पता नहीं है, तो आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि टैली के अंदर हम सैलरी स्लिप कैसे जनरेट कर सकते हैं। कंप्लीट पेरोल सेक्शन टैली के अंदर हम सीखने वाले
टैली के अंदर एक पेरोल का फीचर्स रहता है, अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो पूरा देखिए, पता है तो स्किप कीजिए, सीधी सी बात हमेशा बोल देता हूँ दोस्तों। तो जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा कि हम टैली के अंदर पेरोल सेक्शन का कंप्लीट काम करने वाले हैं, तो सामने आपको दिखाई दे रहा है टैली सॉफ्टवेयर जो कि मैंने स्टार्ट किया मेरे लैपटॉप की पर। अब मैं सबसे पहले तो एजुकेशनल मोड में जाऊंगा, वर्क इन एजुकेशनल मोड। आपको पता है मैं टैली स्टूडेंट लेवल पे यूज़ कर रहा हूँ, स्टूडेंट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ मतलब, तो वर्क इन एजुकेशनल मोड। यहाँ पे एक पहले से कंपनी आई है लर्न मोर जीएसटी, और ये दरअसल मैंने जीएसटी लेक्चर के लिए बनाया था, लेकिन फिलहाल मैं अभी एक नई कंपनी बनाऊंगा जिसमें हम पेरोल सीखने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं इसे बंद कर दूंगा। इस कंपनी को बंद करने के लिए शॉर्टकट की तो पता रहेगी दोस्तों, अगर शॉर्टकट की नहीं पता है तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला है और उसकी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। टैली की बेसिक और एडवांस शॉर्टकट की ऐसे दो वीडियोज़ मैंने अपलोड किए थे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल देखिए अल्ट F1 कंपनी में शट कर रहा हूँ। जैसे मैंने कंपनी शट कर दी, यहाँ पे आ रहा है कंपनी इंपो, राइट साइड में दिखाई दे रहा है। सो आई क्रिएट द कंपनी, ये तो बेसिक चीज़ें आपको पता रहेगी। फिलहाल मैं आपको बस एकदम बेसिक से पेरोल पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए कंपनी क्रिएशन से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लर्न मोर नाम दे रहा हूँ कंपनी का, लर्न मोर पेरोल भी दे सकते हैं आप, और जो भी नाम देना है दीजिए, बाकी एड्रेस वगैरह डिटेल्स आप भर सकते हैं। फिलहाल मैं सारी चीज़ें स्कीप कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए कंट्रोल ए बटन प्रेस करो। बाकी चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एजुकेशनल मोड पे टैली यूज़ कर रहे हैं और प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, कंपनी कोई एक्चुअल कंपनी है नहीं है। अच्छा, तो कंपनी क्रिएशन के बाद आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं मेरी कंपनी का नाम आ चुका है, राइट साइड में गेट वे ऑफ टैली आ चुका है। अब गेट वे ऑफ टैली में पेरोल का सेक्शन नाम का कोई सेक्शन है ही नहीं, मतलब पेरोल नाम का कोई फीचर्स यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, तो पेरोल का फीचर्स एक्टिवेट सबसे पहले करना है टैली के अंदर। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले आपको करना है F11 प्रेस। टैली के अंदर जैसे आप F11 प्रेस करते हो तो कंपनी फीचर्स आ जाता है, आपको पता रहेगा ये छोटा सा नन्ना सा डायलॉग बॉक्स, आई मीन छोटा सा ही है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री और स्टैट्यूटरी टैक्सेशन फीचर्स। तो फिलहाल मुझे अकाउंटिंग फीचर्स से काम है तो मैं इसमें एंटर करूँगा, सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। एंटर करते ही आपके सामने दूसरी स्क्रीन या दूसरा डायलॉग बॉक्स बोल सकते हैं आप इसे, इस फीचर्स में आपको जाना है डायरेक्टली, बाकी सब नहीं कुछ करना है, यहाँ पे एज इट इज़ रहने देना है सभी फीचर्स। फिलहाल तो हमें इस फीचर्स के बारे में जानना है क्योंकि बाकी सारे फीचर्स का अलग अलग वीडियो मैंने बनाया, शायद आपने देखे होंगे, मेरे चैनल पे बहुत सारे टैली के वीडियोस है। तो फिलहाल मेंटेन पेरोल के लिए हम यहाँ पे करेंगे यस, जी हाँ पेरोल हमें मेंटेन करना है, एंड मेंटेन मोर देन वन पेरोल। ये कॉस्ट कैटेगरी वर्ड जो है हमने ऑलरेडी सीखा है, कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट कैटेगरी, तभी हमने इसे यस किया था। और जब मैं कॉस्ट कैटेगरी पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि पेरोल जब मैं पढ़ाऊंगा तब इसका मीनिंग बताऊंगा, तो आज उसका मीनिंग ही देख रहे हैं हम। मेंटेन मोर देन वन पेरोल, एक से ज़्यादा पेरोल मेंटेन करने हैं, जी हाँ करने हैं, इसे भी मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ। तो मैंने कौन सी चीज़ें यस की, एक्टिवेट की, इनेबल की, वो आपको समझ में आया होगा। तो मैंने इसे एक्टिवेट करने के बाद में एंटर करते आप जा सकते हो यहाँ पे, या फिर कंट्रोल ए बटन याद रखना है, एक्सेप्ट इट, शॉर्टकट की है ना दोस्तों, तो शॉर्टकट की से काम फास्ट होता है, सेव भी हो जाएगा, जो चेंजेस हमने किए वो एक्सेप्ट भी हो जाएंगे। स्क्रीन एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए शॉर्टकट की याद रखना है। फिलहाल तो एस्केप कीजिए एंड नाउ लुक ओवर हियर, क्या दिख रहा है आपको गेट ऑफ टैली के अंदर, पेरोल इंफो दिखाई दे रहा है यस, और यहाँ पे पेरोल वाउचर्स भी दिखाई दे रहा है। ये दो चीज़ें नई ऐड हो चुकी है जो कि गेट ऑफ टैली में आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो चुकी है। अब पेरोल इंफो में सबसे पहले हमें काम करना है, और जो जो स्टेप्स मैं बताऊँगा वो सब आप एक नोटबुक लेके नोट डाउन करेंगे तो वेल एंड गुड, क्योंकि शायद आप ये वीडियो फिर से, शायद इसमें से कुछ चीज़ें भूलने के चांसेस है, तो नोट डाउन कीजिए, या फिर इस वीडियो को साथ में आप प्रैक्टिस कीजिए, मोबाइल में वीडियो चलाइए और लैपटॉप पे प्रैक्टिस कीजिए। पेरोल इंफो में जाने के बाद हमें करना क्या है, ये सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है, इसमें हमें क्या क्या करना है, क्रिएट, हमें कैटेगरी क्रिएट करनी है, ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, एम्प्लॉयज़ क्रिएट करने हैं, एम्प्लॉयज़ यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डिटेल्स भरनी है, क्रिएट करना है इन द सेंस, यूनिट्स वर्क यूनिट तैयार करना है, अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप्स करना है, पे हेड्स बनाने हैं, सैलरी डिटेल्स भरनी है, और ये सारी चीज़ें वाउचर टाइप्स को बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है। तो ये सारी चीज़ें भरने के बाद हम अटेंडेंस करेंगे, और अटेंडेंस रिकॉर्ड के बाद हम डायरेक्टली हमारा पेरोल वाउचर क्रिएट करेंगे। कैसे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे अभी। तो सबसे पहले कैटेगरी बनाते हैं, कैटेगरी के अंदर यहाँ पे क्रिएट डिस्प्ले अल्टर ऑप्शन आ रहा है, जैसे हम लेजर बनाते हैं उसी तरह यहाँ पे बनाना है, एक छोटा सा कैटेगरी यहाँ पे बनाना है। जो लोगों ने मेरा कॉस्ट सेंटर का वीडियो देखा है, कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट कैटेगरी का वीडियो मैंने बनाया था, वो अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूँ, वो भी काफ़ी यूज़फुल है, टैली का एक बेस्ट फीचर्स है। तो उसमें जैसे हमने कॉस्ट सेंटर्स और
कॉस्ट कैटेगरी बनाई थी, वैसे कुछ यहाँ पे इम्प्लॉय कैटेगरी क्रिएशन करना है। तो यहाँ पे जैसे क्रिएशन में आ जाते हैं, आपके सामने आ रहा है एक और डायलॉग बॉक्स जो कि है छोटा सा, नन्हा सा और प्यारा सा। यहाँ पे हमें करना है नाम टाइप उस कैटेगरी का। चलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ हमारे इम्प्लॉय जो है हेड ऑफिस के, ये कैटेगरी हम डिसाइड करेंगे हेड ऑफिस के है नहीं है फिलहाल। इसे रिवेन्यू आइटम्स वगैरह कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ रहने देना और इसे ऐड कर देना है। ये ऐड होने के बाद और भी कैटेगरी तैयार कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक ही हेड ऑफिस के ही हम लोग इम्प्लॉयज़ ऐड कर रहे हैं। तो कैटेगरी मैंने एक ही बनाई, इम्प्लॉय ग्रुप्स हम बनाते हैं, इम्प्लॉय ग्रुप्स क्रिएट। अब इसमें हेड ऑफिस में यहाँ पे राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय कैटेगरीज हेड ऑफिस आ चुका है जो कि मैंने क्रिएट किया। नहीं क्रिएट किया होगा तो आप यहाँ पे भी कैटेगरी के अंदर अल्ट सी प्रेस करके क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो देखे रहेंगे मेरे, तो मैंने बताया लेजर क्रिएशन, ग्रुप क्रिएशन, कॉस्ट क्रिएशन, सबके लिए अल्ट सी एक शॉर्टकट की रहती है जो ऑन द स्पॉट वाउचर के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल तो आपको पता रहेगा, हेड ऑफिस में जाते हैं हम, यहाँ पे हेड ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए, यानी कि ग्रुप हम डिपार्टमेंट लेते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ऐसा आप ले सकते हैं। यहाँ पे डिफाइन सैलरी डिटेल्स वगैरह नो रखना, क्योंकि सैलरी डिटेल्स आगे हम डिफाइन करेंगे। सेल्स है, अकाउंट है, एडमिन है, यू कैन टेक डाउन लाइक दिस। ओके, सो नाउ हेड ऑफिस तो मैंने बता दिया आपको कि कैसे क्रिएट करना है, हेड ऑफिस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट कैसे क्रिएट करने हैं, यानी कि ग्रुप्स, ये भी हमने सीख लिया, इंटरेस्टिंग। अब हमें इम्प्लॉयज़ की तरफ जाना है। इम्प्लॉयज़ में हमें करना क्या है, देखिए मैं इम्प्लॉयज़ में एंटर कर रहा हूँ। इम्प्लॉयज़ में एंटर करने के बाद क्रिएट, क्रिएट करने के बाद आपके सामने फिर से एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है, एंड हियर इट इज़ इन दिस डायलॉग बॉक्स आई विल प्रेस बैक स्पेस। पहले बैक स्पेस प्रेस कीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कैटेगरी आ रही है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, और मैंने लिया है हेड ऑफिस कैटेगरी, ऑलरेडी मेरा हेड ऑफिस है, और इसके लिए मैं यहाँ पे हेड ऑफिस बैक स्पेस करके सिलेक्ट कर लूँगा। पहले बैक स्पेस, ऊपर कर्सर आने के बाद एच टाइप कीजिए, हेड ऑफिस मिल जाएगा, बस दैट्स इट। अभी यहाँ पे करना क्या है, नेम ऐड करना है इम्प्लॉय का। अभी इम्प्लॉय का नाम ले लेते हैं राजेश सिंह लेते हैं, चलो राजेश सिंह ये हमारा इम्प्लॉय है। अलाइज नेम है तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, फिलहाल तो नहीं है। अंडर यहाँ पे हमें लेना है अकाउंट, कौन सा अंडर लेंगे, परचेस, सेल्स, राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ राइट साइड में। ओके, लुक एट हियर, अकाउंट, परचेस एंड सेल्स। तो यहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट से इम्प्लॉयज है वो हमें ऐड करना है। मैं परचेस ऐड कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है डिपार्टमेंट ऐड कर दिया मैंने। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको ऐड करनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कभी का है वो आप रख सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल तो मैंने स्किप कर दिया क्योंकि हमारा एजुकेशनल टैली है, तो मैं डेट को इतना सीरियसली नहीं लूँगा क्योंकि डेट यहाँ पे एक्टिवेट नहीं रहती है एजुकेशनल टैली में, एक तारीख दो तारीख की एक्टिवेट रहती है, आपको पता ही रहेगा दोस्तों। डिफाइन सैलरी डिटेल्स, यहाँ पे भी नो ही रहेगा सैलरी डिटेल्स, सैलरी डिटेल्स अभी ऐड नहीं करनी है, बाद में करनी है, तो इसे नो ही रहने दो। और एम्प्लॉय नंबर ऐड कर सकते हैं आप, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर हम एम्प्लॉय 01 देते हैं। डेजिग्नेशन इसका क्या है देते हैं, ये है परचेज डिपार्टमेंट में मैनेजर। फंक्शन क्या है इसका, मैनेजमेंट। लोकेशन आई विल पुट डाउन लाइक मुंबई घाटकोपर जो भी है। यहाँ पे मेल फीमेल ऐड करो आप, जेंडर वगैरह। डेट ऑफ बर्थ भर सकते हैं, ब्लड ग्रुप भर सकते हैं, जो भी आपको देना है। फिलहाल तो आप जो भी है उसका नेगेटिव पॉजिटिव आई सेलेक्ट पॉजिटिव ओनली। ओके, और यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम है, स्पाउस नेम, अभी यहाँ पे उसकी वाइफ का नाम आएगा, फिर एड्रेस आएगा, फिर फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और बाकी सारी चीज़ें आ जाएगी। फिलहाल ये डिटेल्स मैं नहीं भर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है। पैन कार्ड नंबर भी आएगा, आधार नंबर भी आएगा, और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, पीएफ अकाउंट नंबर है, सारी चीज़ें यहाँ पे भरनी होगी आपको, जो कि सैलरी स्लिप में ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड रहती है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे एम्प्लॉय के डिटेल्स में आपको कंपलसरी भरनी है। फिलहाल तो हमारे पास ये डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसे स्किप करते जा रहा हूँ, बट ये सारी नंबर, सारी डिटेल्स आप भरने के बाद इसे एक्सेप्ट कर देना, आपको सेव करना है। बैकस्पेस कीजिए, एक ही एम्प्लॉय बनाएंगे नहीं हम, और एक एम्प्लॉय बनाएंगे हेड ऑफिस, और एक एम्प्लॉय देते हैं, यहाँ पे दो एम्प्लॉय लेते हैं एग्जांपल के तौर पे हम। तो पहला एम्प्लॉय तो हमने बना दिया था राजेश सिंह, अभी यहाँ पे लेते हैं संजय वर्मा। ओके, चलिए संजय वर्मा लिया मैंने, और यहाँ पे इसको भी परचेस डिपार्टमेंट से लेते हैं, अलग डिपार्टमेंट से तो ले सकते हैं। एम्प्लॉय 02 परचेस डिपार्टमेंट, ये है सुपरवाइजर, और इसका काम है सुपरविजन। लोकेशन ओके, तो जेंडर ले लो, जेंडर मेल है भैया, फीमेल तो ही नहीं है, ना ही ट्रांसजेंडर है। ओके, डेट ऑफ बर्थ, एंड यहाँ पे लेना है ब्लड ग्रुप, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, सब चीज़ें आप भर सकते हैं। फिलहाल तो मैं स्किप कर रहा हूँ, एंटर करते जाओ या कंट्रोल ए करो, एक्सेप्ट करो। इस तरह से हमने यहाँ पे एम्प्लॉय क्रिएट किया, एस्केप करेंगे, एम्प्लॉय क्रिएशन से बाहर आ जाएंगे।
तो एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप्स और एम्प्लॉयज, ये तीन चीज़ें हमने बनाई, करेक्ट। अब यहाँ पे आपके जितने भी इंप्लॉयज़ हैं वो सारी इंप्लॉयज़ की लिस्ट इस ग्रुप में आएगी, जितने भी डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे आएंगे और हेड डिपार्टमेंट यहाँ पे आएगा। तो ये तीन चीज़ें आपको करनी है, सबसे पहले पेरोल इंफो के अंदर, उसके बाद आप यूनिट्स वर्क में चले आओगे, यूनिट वर्क्स में एंटर कर कीजिएगा, क्रिएट कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको एक यूनिट्स क्रिएशन का विंडो आ जाएगा, आपके सामने दिखाई दे रहा है यूनिट क्रिएशन विंडो। यहाँ पे सिंपल यूनिट पहले बनाना है, फिर कॉम्प्लेक्स। अभी सिंपल यूनिट मतलब वर्क यूनिट में क्या रहेगा, हमें ओवर टाइम अगर देना है किसी को, सो इट विल बी बेस्ड ऑन हावर एंड मिनट्स। सो यहाँ पे हम लेंगे हॉर्स, HRS हॉर्स एंड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आई पुट डाउन 0, यहाँ पे ज़रूरी नहीं इसके लिए, फिलहाल एक्सेप्ट कीजिए इसे। और उसके बाद MIN मिनट्स और मिनट्स नंबर ऑफ 0 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे हॉर्स और मिनट्स में राउंड फिगर लेने वाले डेसिमल प्लेसेस की ज़रूरत नहीं है। और दो यूनिट बनाने के बाद देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, बैकस्पेस, यहाँ पे सिंपल की जगह, अब तक आपने नहीं सीखा होगा तो इसे सीख लीजिए, कंपाउंड यूनिट बनाते हैं। सो व्हाट इज़ कंपाउंड यूनिट? कंपाउंड यूनिट सिंपली डेफिनेशन ये है कि रिलेशन बिटवीन टू सिंपल यूनिट्स इज नोन एज कंपाउंड यूनिट। तो कंपाउंड यूनिट की डेफिनेशन याद रखो, सिंपल है बहुत। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि दो सिंपल यूनिट का रिलेशन है, तो दो सिंपल यूनिट पहले बनाओ, और ऑलरेडी बनाए हमने। सो हॉर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, यू नो दैट हॉर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, एवरीबडी नोज दैट। तो ये रिलेशन यहाँ पे मेंशन कर देना, आपको यहाँ पे 60 टाइप करना है, सिंपल यूनिट बनाया है तो यहाँ पे वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में ऊपर दिख रहा है kgs ऑफ 1000 kgs, एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पे ये बना दिया मैंने और इसे एक्सेप्ट कर दो आप। सो ये बनाने के बाद मैंने एक्सेप्ट किया और इसे मैंने एक एस्केप बटन प्रेस करके यहाँ से वर्क यूनिट से हम बाहर आ गए। अब हमें अटेंडेंस / प्रोडक्शन टाइप्स में जाना है, यहाँ पे क्या क्या बनाना है चलिए देखते हैं। एंटर कीजिए, यहाँ पे क्रिएट कीजिए, और क्रिएट करने के बाद लुक एट हियर, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप के लिए आई है स्क्रीन। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले पेड लीव बनाते हैं, मतलब एम्प्लॉय अगर कोई लीव लेता है और वो हम पेड लीव एलोकेट करते हैं, तो पेड लीव है तो इसे हम यहाँ पे प्राइमरी रखेंगे। और अटेंडेंस टाइप पूछा गया आपको, अटेंडेंस टाइप, अटेंडेंस टाइप मतलब क्या रहेगा, लीव विद पे, लीव विदाउट पे, कैसा रहेगा? ये पेड लीव है तो लीव विद पे रहेगा, आपको मिल रही है लीव फिर पेमेंट भी मिल रहा है, तो इसे हम लीव विद पे ही बोलेंगे। क्या लिया है मैंने, देखिए अटेंडेंस लीव विद पे, यानी कि आप लीव पे हो फिर भी पेमेंट मिल रहा है, उसे हम लीव विद पे बोलते हैं। अब ये ऐसा कब होता है, जब पेड लीव कुछ अवेलेबल रहती है ना एम्प्लॉय की, जैसे एक कंपनी के अंदर एनुअली 40 to 48 लीव्स अवेलेबल रहती हर एक एम्प्लॉय के लिए, तो वो पेड लीव पे है तो उसका पेमेंट तो मिल जाएगा, उसको पेड लीव मिलती है ना उसको, तो उसने 4 पेड लीव डाली है तो पेड लीव, अगर पेड लीव नहीं है तो उसका अपसेंटी लग जाएगा। और अपसेंटी आगे मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं हम, जब पेड बनाएंगे तो अपसेंटी आ ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये एक्सेप्ट कर दिया। और एक अटेंडेंस टाइप यहाँ पे बनाना है, वो है ओवर टाइम। ओवर टाइम क्या रहेगा, ओवर टाइम एंटर कीजिए एंड लुक एट हियर, ओवर टाइम क्या ले रहा हूँ मैं, प्रोडक्शन के ऊपर रहेगा ओवर टाइम, मतलब 1 आवर का ओवर टाइम किया, लेकिन खाली एम्प्लॉय बैठा है कंपनी में तो ओवर टाइम नहीं चलेगा, उसने कितना प्रोडक्शन किया वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन हार्स एंड मिनट्स। सो इसलिए मैंने ये वर्क यूनिट पहले से बनाया है, जो कि यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, अभी ये आ चुका है। सो एक्सेप्ट कीजिए। अब ये सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको सभी चीज़ें बनानी यहाँ पे कंपलसरी है, नहीं तो आपने क्या यूनिट्स नहीं बनाया तो आप ओवर टाइम नहीं क्रिएट कर सकते। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं और ये सिंपल चीज़ें को समझना है बस, यहाँ पे क्रिएट करना है। मैं बस यहाँ पे आपको अलर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई एक भी चीज़ मिस मत करो, नहीं तो फिर आपका डेटा मिस हो जाएगा और रिजल्ट नहीं आएगा। फिलहाल तो पे हेड्स देखना है और इसे ध्यान से देखना है दोस्तों, पे हेड्स कैसे बनाना है इसे भी नोट डाउन कर लेना है आप, जैसे पे हेड्स पूरा बन जाएगा तो उसका स्क्रीनशॉट मार के रखिएगा। देखिए कैसे करना है क्रिएट, पे हेड्स क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। पे हेड में दो टाइप के पे हेड रहते हैं पेरोल में, एक रहता है अर्निंग और एक रहता है डिडक्शन। अर्निंग यानी एम्प्लॉय को मिलने वाली सैलरी, और डिडक्शन यानी कि एम्प्लॉय के सैलरी में से कट होने वाले अमाउंट यानी डिडक्शन। तो चलिए अर्निंग पे हेड बनाते हैं, सबसे पहले हम बेसिक लेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है बेसिक सैलरी, में टाइप करो बेसिक सैलरी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़। यहाँ पे देखिए पे हेड का टाइप आया है, कौन सा पे हेड, ये डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, मतलब कोई टैक्स का है, या एम्प्लॉयर्स पे कर रहा है उसको तो एम्प्लॉयर्स का आ रहा है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का आ रहा है, एम्प्लॉय ग्रेजुटी मिल रहा है, लोन एंड एडवांसेस मिल रहा है, और रीइम्बर्समेंट। चलिए ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ नॉलेज के लिए आप सबको। यहाँ पे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ यानी एम्प्लॉय की सैलरी से जैसे डिडक्ट होता है उसे हम डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ बोलते हैं। जैसे
यहाँ पे आपको बताया जाए तो पीएफ, पीएफ एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होता है, उसे हम डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज बोलेंगे। प्रोविडेंट फंड आगे है आपको वो कंसेप्ट। यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज मतलब जैसे कि बेसिक सैलरी, एचआरए, ट्रैवलिंग अलाउंसेस और डीए, जो कंपाउंड में अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वैसे भी मैंने इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है मेरे एक्सेल के एक वीडियो में, जिसमें लगभग 1 आवर का मैंने पेरोल का वीडियो बनाया कि एक्सेल के अंदर सैलरी स्लिप स्ट्रक्चर कैसे बनाते। पूरा वो वीडियो देख लेना आप, अगर टाइम है तो देख लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ कि एक्सेल के अंदर सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं, अटेंडेंस रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे देखिए, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज यानी कि जो जो एम्प्लॉय को मिलता है बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस ऑल। उसके बाद एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शन यानी कि एम्प्लॉयज़ के टैक्स डिडक्शन, एम्प्लॉयज से पीटी प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट किया जाता है, वो सब स्टैट्यूटरी डिडक्शन में आता है। हम इसे स्टैट्यूटरी भी बोलते हैं और स्टैट्यूटरी भी बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है अलग अलग कंट्रीज में। फिलहाल यहाँ पे एम्प्लॉयर्स स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए, ये एम्प्लॉयर्स का रहता है, एम्प्लॉयर्स का यानी कि ओनर, ओनर इसे कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। ओनर यहाँ पे कुछ पीएफ वगैरह भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है, आपको पता रहेगा, या फिर कुछ टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन भी उसका रहता है। तो यहाँ पे आगे है ग्रेजुटी यानी कि 5 साल अगर एक एम्प्लॉय कंपनी में काम कराएगी तो उसे कंपनी की तरफ से ग्रेजुटी अमाउंट मिलता है और वो यहाँ पे आता है कैलकुलेशन में। लोन एंड एडवांसेस भी आता है यहाँ पे, लोन अगर कंपनी एम्प्लॉय को देती है या लोन एम्प्लॉय कंपनी से लेता है और एडवांस सैलरी अगर लेता है तो ये अंडर ग्रुप वहाँ पे रहेगा। एंड रीइंबर्समेंट मतलब पहले एम्प्लॉय खर्चा करता है, सपोज एक फैमिली पिकनिक कंपनी की तरफ से अवेलेबल है और एम्प्लॉय पहले खुद खर्चा कर रहा है फिर कंपनी उसके उतने बिल्स पे कर रही है, तो उसको रीइंबर्समेंट बोलते हैं। ऐसा ट्रैवलिंग में भी हो सकता है, कई जगह पे आप ब्रांच विजिट करने जाते हैं तो आपको पहले खर्चा करना है और फिर कंपनी आपको पे करती है, तो ये सारी चीज़ें होती है। फिलहाल तो हम अर्निंग की बात कर रहे हैं, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज है ये। यहाँ पे अंडर ग्रुप पूछा गया आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या क्या है, ये कंपनी के लिए क्या है, ये कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, मैंने उस सिलेक्ट किया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो फिलहाल यहाँ पे मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया और एंटर किया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने के बाद एंटर, उसके बाद बेसिक सैलरी इसका नाम रखना है और कैलकुलेशन ग्रेजुटी नहीं है, ग्रेजुटी नहीं मिल रही है तो ग्रेजुटी मिल रही है तो वहाँ पे यस कीजिए, नहीं है तो नहीं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप में बेसिक सैलरी के लिए हम कैलकुलेशन लेंगे ऑन अटेंडेंस, क्योंकि बेसिक सैलरी ऑन अटेंडेंस पे कैलकुलेट होगी। और जैसे मैं ऑन अटेंडेंस लूँगा, यहाँ पे दो और ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, अटेंडेंस लीव विद पे एंड लीव विदाउट पे। अब अटेंडेंस लीव विद पे में तो पेड लीव आता है, मतलब पेड लीव लेना है, लेकिन उसका बेसिक सैलरी के ऊपर कुछ कैलकुलेशन नहीं होता है। पेड लीव कितना भी लो आप, बेसिक सैलरी में कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो पेड लीव अगर एम्प्लॉय 5 लेता है या 10 लेता है तो हमें कैलकुलेशन टाइप में लेना ही नहीं, उसको पेड लीव नहीं लेना है क्योंकि बेसिक सैलरी के ऊपर इफेक्ट नहीं होता उसका। लेकिन लीव विदाउट पे, अगर उसने लीव लिया है लेकिन उसका पेमेंट नहीं मिल रहा है तो बेसिक सैलरी तो कम होने वाली है। सपोज 30 दिन की उसको सैलरी मिलती है और 2 दिन उसने अब्सेंट रहा है यानी कि लीव विदाउट पे पे है तो पेमेंट नहीं मिलेगा, तो 2 दिन की सैलरी बेसिक सैलरी कम होने वाली है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें कैलकुलेशन टाइप में ऊपर तो नॉट एप्लीकेबल रखना है क्योंकि पेड लीव का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल है ना, पेड लीव उसने 10 ली तो भी बेसिक सैलरी कम नहीं होने वाली, उसको पेड लीव उतनी पेड लीव अवेलेबल है जितनी उसकी अवेलेबल है पूरे साल की। उसने अगर उसमें से 10 पेड लीव एक साथ ली है तो उसको पेमेंट तो मिलने वाला है, तो पेड लीव का बेसिक सैलरी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए नॉट एप्लीकेबल। लेकिन लीव विदाउट पे यानी एब्सेंटी, तो इसीलिए अल्ट सी प्रेस कीजिए। और यहाँ पे हमें और एक प्रोडक्शन टाइप बनाना है जो कि हमने वहाँ पे नहीं बनाया था, यहाँ पे अल्ट सी करके हम बना रहे हैं एब्सेंटी। तो अब्सेंट यहाँ पे इसलिए ये अब्सेंट ही लिख सकते हैं आप, ये इसलिए यहाँ पे बना रहा हूँ क्योंकि वो लीव विदाउट पे आता है और ये लीव विदाउट पे होगा कैलकुलेशन बेसिक सैलरी का। देखिए यहाँ पे, और कैलकुलेशन कैसे लेना है हमें, मंथली लेनी है, डेली लेनी है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मंथली लेने के बाद वो कैलकुलेशन पीरियड मंथली यहाँ पे दिखाई देगा और एज पर कैलेंडर पीरियड भी पूछा जा रहा है, एज पर कैलेंडर पीरियड ही रखेंगे हम 1 तारीख से 31 तारीख तक। तो इसे एक्सेप्ट कीजिए, इस तरह से ये बेसिक सैलरी का पेहेड बनाते हैं। अब बढ़ते अगले पेड की तरफ। अब मैं दूसरा पेड बना रहा हूँ, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। एचआरए को मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड इट, कि यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस इसका मीनिंग है, घर के भाड़े का जो अलाउंस मिलता है वो यहाँ पे आएगा। सो एचआरए हाउस रेंट अलाउंस जो है इसके लिए मैं यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज रखूंगा। फिक्स यहाँ पे आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दोबारा यहाँ पे एक्सेप्ट एज यूजर डिफाइंड नहीं आएगा, यहाँ पे हम कंप्यूटर्ड वैल्यू लेंगे क्योंकि हम जो बेसिक सैलरी उसके ऊपर इसे कैलकुलेट करेंगे। कंप्यूटर्ड वैल्यू लेने के बाद अगर आप एंटर करते हो तो राइट साइड में यहाँ पे कुछ आपको दिखाई दे रहा है, कंप्यूटेशन इंफॉर्मेशन। सो कंप्यूटेशन इंफॉर्मेशन क्या है, एंटर कीजिए। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ऑन करंट अर्निंग टोटल, जो अपनी टोटल है जो सैलरी बेसिक, उसके ऊपर यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे। अगर सैलरी 30,000 तक है या 20,000 तक है, जो भी है,
20,000 तक है, तो हम कुछ परसेंटेज में या वैल्यू में दे सकते हैं एचआरए। तो यहाँ पे परसेंटेज रूल क्या रहता है, गवर्नमेंट का रूल ये है कि 5% से लेकर 70% तक आप कुछ भी एचआरए दे सकते हैं आपके इम्प्लॉयज़ को, 5% से लेकर 70% ऑन बेसिक। ये मैंने एक्सप्लेन पहले ही किया है, लेकिन अभी फिर भी ये पेरोल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अभी आपके 30,000 के ऊपर इम्प्लॉय को आपने डिसाइड किया कि भाई इनको देना है मुझे 20%। ओके, 30,000 से जो 50,000 तक है, यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अमाउंट ग्रेटर दैन, ऊपर कॉलम में दिख रहा है आपको ग्रेटर दैन एंड अमाउंट अप टू, कॉलम की हेडिंग देखिए अमाउंट अप टू, अगर इतनी अमाउंट है, बेसिक सैलरी इतनी है, तो हम लोग परसेंटेज देंगे एचआरए का 30, मतलब उस बेसिक पे 30%। एंड इफ इट इज़ ग्रेटर दैन 50,000 परसेंटेज विल बी 40 और 50%। तो 70% तक एचआरए आप दे सकते हैं, जितनी ज़्यादा सैलरी उतना ज़्यादा एचआरए यहाँ पे वैसे कैलकुलेट होते जाएगा उसके बेसिक के ऊपर, वो आपको कैलकुलेशन में दिखाई देगा प्रॉपरली। और इन सारे कंसेप्ट को मैंने पहले ही बोला, इन सारे कंसेप्ट को मैंने ऑलरेडी एक्सेल में फॉर्मूला के साथ समझा दिया है, वो वीडियो ज़रूर देख लेना आप, जिसका पेरोल सेक्शन का कंप्लीट वर्क मैंने एक्सेल के अंदर कैसे किया था। फिलहाल यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट कीजिए इसे, क्या करना है एक्सेप्ट एचआरए, ये हमारा दूसरा पेड कंपाउंड जो अर्निंग था। अब आगे बढ़ते हैं जिसमें हमें देखना है कौन सा है नेक्स्ट अर्निंग कंपाउंड। हम यहाँ पे डेडनेस अलाउंसेस लेते हैं, महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता अर्निंग फॉर इम्प्लॉयज रहता है, यहाँ पे हम महंगाई भी कंप्यूटर वैल्यू ले रहे हैं, कंप्यूटर वैल्यू के बाद नीचे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे आपको दिखा दे रहा है कंप्यूटेशंस इंफॉर्मेशन। तो इसमें हमें लेना क्या है, ऑन करंट अर्निंग ही लेनी है, करंट अर्निंग यानी बेसिक सैलरी के ऊपर रहेगा ये। ये कैसा रहेगा, अगर आपकी सैलरी जो है अमाउंट अप टू 30,000, वही ले रहा हूँ मैं, 30,000 तो हमने कुछ परसेंटेज यहाँ पे रखे है, 30,000 तो है यहाँ पे, 6% हम दे रहे हैं यहाँ पे डेडनेस अलाउंसेस, 30,000 से यहाँ पे 50,000 मैं ले रहा हूँ यहाँ पे परसेंटेज ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 7%, और 50,000 के ऊपर वालों को महंगाई भत्ता यहाँ पे मिलेगा 8%, महंगाई बढ़ने के ऊपर ये अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से परसेंटेज ले लिए और इसे एक्सेप्ट कर दिया। सो नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट, यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंसेस बाकी है हमारा अर्निंग के अंदर, तो मैं यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंसेस ले रहा हूँ। ट्रैवलिंग अलाउंसेस लेने के बाद अर्निंग फॉर इम्प्लॉयज़ ही है, यहाँ पे फिक्स, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखेंगे, यहाँ पे भूलना नहीं है, और यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। शायद मैंने डेडनेस अलाउंसेस का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिया है, वो हमें अल्टर करना पड़ेगा, मैं चेक कर लेता हूँ वैसे, मुझे थोड़ा सा डाउट है वहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे याद रखना है कि इसे लेना है, फिर से कंप्यूटर वैल्यू भी ले सकते हैं। अच्छा, इसे फ्लैट रेट लेते हैं हम लोग। अब ये फ्लैट रेट क्या होता है, आई लेट यू नो कि फ्लैट रेट हम यहाँ पे डायरेक्टली लमसम अमाउंट डाल सकते हैं इसके अंदर, कैसे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो इसे फ्लैट रेट मंथली हम डिसाइड करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन पीरियड आ जाएगा अगर आप फ्लैट रेट लेते हो तो, मंथली कर रहे या फिर डेली कर रहे, वीकली कर रहे, फ्लैट रेट कैसा पे कर रहे उसे आप। ट्रैवलिंग अलाउंसेस के बाद यहाँ पे और एक अर्निंग रहेगा, अर्निंग पे हेड जो हमें क्रिएट करना है, ओवर टाइम, ओवर टाइम भी अर्निंग पे हेड रहता है दोस्तों, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ फिक्स रहेगा। एंड यहाँ पे लेना है हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर अर्निंग है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ओवर टाइम, और यहाँ पे यूज़र डिफाइन नहीं लेंगे हम, यहाँ पे लेंगे हम ओवर टाइम, ओवर टाइम लेंगे हम यहाँ पे ऑन प्रोडक्शन के ऊपर, क्योंकि जैसे प्रोडक्शन रहेगा वैसे ओवर टाइम, तो ओवर टाइम ऑन प्रोडक्शन के ऊपर लेंगे, और यहाँ पे हमें करना है यहाँ पे ओवर टाइम सेलेक्ट, प्रोडक्शन टाइप ओवर टाइम रहेगा। चलिए मैं इसे अभी एक्सेप्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये सारे अर्निंग पेड मैंने बनाए, लेकिन एक पेड में मैंने गलती की थी, जो थी डेडनेस अलाउंसेस, हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना था, वहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रह गया, मैंने एंटर कर दिया, मैंने दिखाया नहीं आपको। तो चलिए उसे अल्टर अगर करना है, अगर कोई भी पेड में चेंजेस करने हैं तो अल्टर ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे उस पेड को सिलेक्ट कीजिए जो हमारा पेड है, जो आपको सामने दिख रहा है डीए है। एंड लुक एट हियर, डीए में मैंने कुछ चेंजेस यहाँ पे मुझे करना है, जैसे कि आपको पता है मैंने इनडायरेक्ट नहीं लिया, यहाँ पे डायरेक्ट ले लिया, और वो अभी मैंने चेंजेस कर लिए। तो कैसे चेंज करना है ये भी आपको समझ में आया, चेंज करने के बाद कंट्रोल ए बटन प्रेस कीजिए, एक्सेप्ट हो जाएगा। ये इस तरह से आप अल्टर भी कर सकते हैं, तो कोई भी पेड में आप अल्टर करना चाहते हो तो आप अल्टर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पेड बना दिया मैंने, 5 अर्निंग पेड बना दिए, लेकिन डिडक्शन बाकी है, तो दोबारा क्रिएट में जाइए, क्योंकि हम अल्टर में बाहर आए थे, अभी क्रिएट में दोबारा जाते हैं। डिडक्शन वाले पेड हमें बनाना है, जो कि है पीएफ और पीटी। पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय के सेविंग में से पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट होता है, और वो पर्टिकुलर अमाउंट एम्प्लॉय के ही अकाउंट में सेव होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, ताकि एम्प्लॉय उसे एक पर्टिकुलर डेज के बाद, 6 महीने के बाद है, 180 डेज, 6 महीने के बाद कभी वो निकाल सकता है इमरजेंसी बताकर। हाँ, उसने अगर वो सेव किया तो उसके ऊपर एनुअली 8% इंटरेस्ट रेट भी गवर्नमेंट उसे देता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊँ कि ये जो पीएफ है आपको सेव हो रहा है आपका,
तो वो कैसे सेव हो रहा है, कैसा कैलकुलेशन होता है वो देखते हैं। पीएफ प्रोविडेंट फंड टाइप कीजिए आप यहाँ पे। उसके बाद ये रहेगा डिडक्शन, आपके सैलरी में से डिडक्शन हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा डिडक्शन फ्रॉम इम्प्लॉयज। चलिए मैंने ले लिया। अब ये क्या रहेगा आपके लिए, करंट लाइबिलिटीज, यानी आप कंपनी के लिए, आपके जो इम्प्लॉयज है इम्प्लॉयज के लिए ये डिडक्शन होगा, लेकिन कंपनी के लिए जैसे पहले वाली चीज़ें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थी, यहाँ पे अभी ये करंट लाइबिलिटीज रहेगी। ये सिंपल चीज़ याद रखना है आपको, ये पे करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के सेविंग डिपार्टमेंट में, जो आप इम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट कर रहे हो, यानी कि आप एक अकाउंटेंट हो, आपकी इम्प्लॉय से आप पीएफ डिडक्ट कर रहे हो, तो आपके अकाउंट में जमा नहीं रहेगा, आपके लिए करंट लाइबिलिटीज रहेगा। ओके, सो अफेक्ट नेट सैलरी, यस नेट सैलरी के ऊपर इसका इफेक्ट होने वाला है, ये ज़रूरी है, यहाँ पे यस रखो, एफेक्ट ऑन नेट सैलरी, क्योंकि क्रॉस सैलरी में से माइनस होकर नेट सैलरी आ जाता है, इसीलिए वहाँ पे वैसे रखेंगे। पीएफ आता है एंड पीएफ नाम वही रखेंगे। उसके बाद पीएफ का कैलकुलेशन हम लेंगे यहाँ पे कंप्यूटेड वैल्यू। सो कंप्यूटेड वैल्यू लेने के बाद पता है आपको एक स्क्रीन आने वाली है, कैलकुलेशन की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे देनी है ऑन करंट अर्निंग टोटल, और उसके ऊपर हम लोग इस तरह से लेंगे। अगर यहाँ पे जो रूल है उसके हिसाब से हम लेते हैं, 15,000 के नीचे अमाउंट ऑफ टू 15,000, 15,000 के नीचे सैलरी है तो उसे कितना परसेंटेज होगा, 15,000 से नीचे तो उसे 12% जो होता है पीएफ डिडक्ट होता है उसकी सैलरी में से। 15,000 से ऊपर है तो वैल्यू में कैलकुलेट किया जाता है, और वह है 1,800 रुपये। 15,000 से ऊपर वालों को 1,800 रुपये कंपलसरी वहाँ पे उनके सैलरी में से डिडक्ट किया जाएगा, और 15,000 से नीचे 12% रहेगा। तो ये एक पीएफ का रूल है जो एक्ट में कहा गया है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कैलकुलेशन। आप ये नेट पे भी चेक कर सकते हैं, और जो भी कैलकुलेशंस अगर आगे चलकर बदलते हैं पीएफ रूल में तो आप यहाँ से बदल सकते हैं उसे। प्रॉपरली आपको बताया कि कैलकुलेशन परसेंटेज में और वैल्यू में कैसे लेते हैं, तो मुझे ये बताना है कि स्ट्रक्चर पेरोल का होगा कैसे, रूल्स बदल गए पेरोल के वगैरह, तो आप वहाँ पे लाइक जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें वो अपडेट कर सकते हैं। अभी पीटी प्रोफेशनल टैक्स, प्रोविडेंट फंड होने के बाद प्रोफेशनल टैक्स भी एक एम्प्लॉय का डिडक्शन रहता है, एम्प्लॉय की सैलरी में से माइनस किया जाता है। सो यहाँ पे लिख के आ रहा है एम्प्लॉय डिडक्शंस वगैरह सब, तो ये टैक्स डिडक्शन है, इसलिए एम्प्लॉय स्टेटूटरी डिडक्शन हम ले रहे हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, इसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस डाल सकते हैं आप, इसे करंट लाइबिलिटीज डालेंगे तो भी वही आएगा। तो यहाँ पे मैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस ले रहा हूँ, करंट लाइबिलिटीज ही अंडर ग्रुप उसका मेनली ड्यूटीज एंड टैक्सेस का रहता है दोस्तों। अफेक्ट नेट सैलरी, यस होगा, ये यहाँ पे कैलकुलेशन एज पर कंप्यूटेड ही आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस का, और एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आएंगे आगे अमाउंट अप टू। अमाउंट अप टू इसका इस तरह से रहेगा, 7,500 तक अमाउंट है तो उसका जो वैल्यू है 7,500 तक, वैल्यू में जीरो टैक्स है। 7,500 से लेकर 10,000 तक अगर है जिसका भी सैलरी, तो उस सैलरी के ऊपर उसको जो टैक्स है वो है 175 रुपीज़, एंड 10,000 के ऊपर है तो वैल्यू है 200 रुपीज़ टैक्स। लेकिन याद रखिए ये है, ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया, आई विल मेक इट जूम योर, इस कैलकुलेशंस में फेब्रुआरी मंथ में बस 300 रुपये रहते हैं 200 की जगह, क्योंकि 28 दिन का काम करके इंप्लॉय 30 दिन की सैलरी लेता है, इसलिए याद रखना ये प्रोफेशनल टैक्स में फेब्रुआरी मंथ में 300 रुपये आपको कस्टमाइज करने पड़ेंगे, बाकी सब तो ऐसा ही रूल चलेगा बाकी मंथ्स के लिए। एक्सेप्ट कीजिए, प्रोफेशनल टैक्स का पेड हमने बनाया, प्रोफेशनल टैक्स के पहले हमने बनाया था प्रोविडेंट फंड, उसके पहले बहुत सारे पेयर्स अलग अलग हमने बनाए, तो ये सारे पेयर्स हमारे बन चुके हैं। पे हेड्स के लिए टाइम जाएगा, इसलिए मैंने बोला था पहले पेन पेंसिल ले लो, पेंसिल पेन कुछ भी ले लो, और नोट डाउन कर लो कि पेयर्स, या स्क्रीनशॉट कर लो पे हेड्स कैसे बनाते हैं। पे हेड्स के बाद आता है सैलरी डिटेल्स। अब आपको ये जानना जरूरी है कि सैलरी डिटेल्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सैलरी डिटेल्स अगर हम डिफाइन नहीं करेंगे तो हम सैलरी स्लिप नहीं डिफाइन कर पाएंगे, तो यहाँ पे तो हम सैलरी स्लिप नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे डिफाइंड सैलरी में जाएंगे हम यहाँ पे एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे किसकी सैलरी स्लिप हमें बनानी है, राजेश सिंह या फिर संजय वर्मा या शर्मा, जो भी है संजय सिंह राजेश सिंह जिसका भी है ले लो आप। यहाँ पे लेने के बाद इफेक्टिव डेट ऑफ सैलरी मैं ले रहा हूँ क्या, देखिए 1/5/2019। अब मैं 1 मई से उसकी सैलरी क्यों कर रहा हूँ, अप्रैल से क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे टैली के अंदर एजुकेशनल मोड है, और एजुकेशनल मोड में 30 तारीख एक्सेप्ट नहीं होती। जब मैं एक एक महीने का सैलरी स्लिप बनाने चाहूँ, अगर मैं अप्रैल का बनाने चाहूँ, तो 1 से लेकर 30 अप्रैल में 30 ही तारीख रहती है, 31 नहीं रहती है, और टैली में 31 तारीख एक्सेप्ट होती है सैलरी स्लिप बनाने के लिए, इसलिए मई मंथ में ले रहा हूँ क्योंकि मई में 31 तारीख होती है। ये थोड़ा सा मैं अभी एजुकेशनल टैली इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर के वर्किंग टैली में कर रहे हो तो देर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि आपको कौन सा मंथ लेना है, जो करंट मंथ के सैलरी स्लिप है वही बनाना है। तो 1 मई से ये इफेक्टिव डेट है बेसिक सैलरी का, क्या कैलकुलेशन है ये बाद में बदल भी सकता है,
इसलिए यहाँ पे पहले हम सेट कर सकते हैं जो अभी करंट एक उसका सैलरी डिटेल्स हम भर रहे हैं। क्या हमने डिसाइड किया उसकी जो बेसिक सैलरी वो 35,000 रहेगी एक में से, एंड उसका HRA वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होने वाला है, DA भी ऑटोमेटिक होगा और TA भी। TA का तो मैंने फ्लैट रेट रखा, तो TA हमने डिफाइन कर लिया है कि उसको टैक्स रूल के हिसाब से मैंने 800 दे दिए। 800 इसलिए क्योंकि 9,600 टैक्स बेनिफिट मिलता है ट्रैवलिंग अलाउंसेस पे एनुअली। अगर आप 800 रुपये मंथली देते हो तो 12 × 8 कितना होता है देखिए, कैलकुलेट कीजिए, 12 × 8 होता है 9,600, यानी कि 9,600, 12 × 8 यानी 12 × 800 आई मीन टू से। सो 9,600 जो होते हैं यानी 9,600 पूरा टैक्स बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलता है। अगर आप ट्रैवलिंग अलाउंसेस ऐड करते हो तो उसमें ट्रैवलिंग अलाउंसेस पूरा का पूरा टैक्स बेनिफिट में चला जाएगा, टैक्स में ये अमाउंट कैलकुलेट नहीं करते, उसके ऊपर का किया जाता है। अगर आपका ट्रैवलिंग अलाउंसेस 1,000 या 2,000 दिखाया जाता है तो 800 ही माइनस किया जाता है, बाकी का तो टैक्स में कैलकुलेट किया जाएगा। वैसे भी ये सारे कंपाउंड एम्प्लॉय को टैक्स बेनिफिट मिले इसीलिए सैलरी स्लिप में ऐड किया जाता है, इसीलिए सैलरी स्लिप बनाई जाती है। सो गॉट इट। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आगे करना है ओवर टाइम सिलेक्ट। ओवर टाइम हम डिसाइड करेंगे कि इसको कितना देना है, पर आवर ओवर टाइम देना है इसको 150। वैसे भी मैनेजर को वो ओवर टाइम नहीं रहता है, बट आई जस्ट ऐड इट फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे PF लेते हैं हम और PT लेते हैं जो कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट होने वाला है। तो क्या क्या चीज़ें मैंने की ज़रा नोट डाउन कीजिए या फिर ज़रा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। यही है वो सैलरी डिटेल्स जिसमें लोग मिस्टेक करते हैं और बाद में बोलते हैं कि मेरा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ओके, ये मेरी आदत है हमेशा, जो चीज़ें मुझे आपको ध्यान से बतानी है वो थोड़ा सा अलग ट्यून में मैं बोलता हूँ ताकि आपका ध्यान आ जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे एक्सेप्ट कर दिया, एंड संजय शर्मा जो कि हमारे सेकेंड एम्प्लॉय है उसके लिए भी सैलरी डिटेल्स हमें बनानी है। सो आई थिंक कि मुझे ये फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। संजय वर्मा है, शर्मा नहीं है। तो यहाँ पे संजय वर्मा लिया मैंने 30,000 रुपीज़, एंड उसका HRA, DA एंड TA जो है वो भी मैंने 800 रुपीज़ ऐड किया। ओवर टाइम मैंने ऐड किया 120 पर हार और PF एंड PT इस तरह से ऐड करके इसका भी बना दिया मैंने, सैलरी डिटेल्स ऐड कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हो गई है, इसमें वाउचर टाइप नहीं बनाना है, बाकी सारी चीज़ें बनानी जो कि हमने बनाई। पेरोल इंफो के अंदर कैटेगरी ग्रुप्स एम्प्लॉयज़ यूनिट्स अटेंडेंस पे हेड्स सैलरी डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी उम्मीद करता हूँ। और अब तक का वीडियो आपको ज़रा अच्छा लग रहा है या इंफॉर्मेटिव लग रहा है ऐसा लग रहा है तो बस एक लाइक कीजिएगा दोस्तों, यार लाइक ज़रूरी है। आप लाइक करते हो तभी हम मोटिवेट होते हैं और नए नए वीडियोज़ बनाते हैं। फिलहाल तो आपका मोटिवेशन मिल गया होगा हमें ये उम्मीद करके हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। स्केप करके सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ पर अकाउंट इंफो में। अब अकाउंट इंफो में क्यों जाना है हमें, अकाउंट इंफो में हमें बनाना है एक लेजर, इसलिए हम जाएंगे लेजर के अंदर और यहाँ पे क्रिएट। ये हमारी नई कंपनी इसलिए मुझे एक बैंक लेजर चाहिए। चलिए मैं ऐसे ऐसे बैंक लेजर तैयार कर रहा हूँ जो कि हमारा करंट अकाउंट है जिससे हम इम्प्लॉय को सैलरी देनी है हमें, तो इसलिए बैंक अकाउंट ले रहे हैं यहाँ पे। और कुछ बैलेंस भी डाल देते हैं अपने से, यहाँ पे 5-10 लाख रुपये डाल दो। चलिए 5 लाख रुपये बैंक में ऐड कर देते हैं। लुक एट इन द बॉटम, आई विल शो यू हियर। 5 लाख रुपये मैंने ऐड कर दिए बैंक में और इसे एक्सेप्ट करना है। चलिए एक लेजर तो हमें बनाना था, वो मैंने बना दिया। लेजर क्यों बनाया मैंने बताया आपको, क्योंकि हमें पेमेंट करना है एम्प्लॉय को और उसके बैंक अकाउंट में अगर ट्रांसफ़र करना है तो हमारा भी तो बैंक अकाउंट रहेगा। तो यहाँ पे ये हो गया। तो अभी हमें पेरोल वाउचर्स क्रिएट करने हैं और पेरोल वाउचर्स में सबसे पहले आएगा अटेंडेंस वाउचर। जी हाँ, अटेंडेंस भी होता है यहाँ पे। पेरोल वाउचर्स में एंटर कीजिए और यहाँ पे पेरोल वाउचर तो आ रहा है। फिलहाल हमें कंट्रोल F5 प्रेस करना है जो कि अटेंडेंस वाउचर हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अटेंडेंस वाउचर जैसे डिस्प्ले होगा राइट साइड में लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज आ रहा है, यू कैन सी इट। राजेश सिंह एंड संजय वर्मा आपको दिखा दे रहा है, एम्प्लॉय 1 और 2 ID भी आ रहा है, परचेज डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस से बाकी सब लिख के आता है। वाओ इंटरेस्टिंग है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है। अटेंडेंस बनाने के लिए हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे सबसे पहले तो F2 बटन प्रेस करना है। चलिए मैं F2 कर रहा हूँ, F2 इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे डेट सबसे पहले चेंज करना चाहूँगा। डेट के लिए F2 मैंने प्रेस किया और डेट 1 मई या फिर 31 मई लेता हूँ मैं। 31 मई को यहाँ पे अभी ये ऐड कर रहा हूँ। 31 मई में मैंने अटेंडेंस ऐड कर दिया कि लास्ट महीने की क्या अटेंडेंस है टोटली, तो मैंने 31 मई ऐड कर दिया। चलिए राजेश सिंह जो है, राजेश सिंह अब्सेंट है और 5 दिन अब्सेंट है, मैं ऐसा ले रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ। राजेश सिंह 5 दिन मैंने अब्सेंटी दे दी। और संजय वर्मा जो है ये मैं देता हूँ, ओवर टाइम किया इन्होंने 10 घंटा ओवर टाइम किया है। चलिए आप 10 घंटा वगैरह ऐड कर सकते हैं जो भी है, तो आप यहाँ पे पेड लीव भी ऐड कर सकते हैं। और सपोज राजेश सिंह ने पहले
चार पेड लीव भी ली थी अब्सेंट रहने के पहले, तो वो भी ऐड कर दी मैंने। इसी तरह से आप अटेंडेंस ऐड कर सकते हैं। राजेश सिंह ने पेड लीव भी ली थी, पेड लीव खत्म होने के बाद वो फिर 5 दिन और अब्सेंट है, तो इसलिए 5 दिन अब्सेंटी टोटल उनकी लग गई और 4 पेड लीव है। तो पेड लीव की सैलरी तो माइनस नहीं होगी, लेकिन होगी ये 5 अब्सेंटी की राजेश सिंह की सैलरी माइनस, वो ऑटोमेटिक होगी, वो कैसे दिखाई देगा। और संजय वर्मा जो है इन्होंने 10 आवर्स ओवर टाइम किया है, तो उसको उनका मिलने वाला है सैलरी कैसे मिलेगा आपको दिखाई देगा। फिलहाल यहाँ पे और भी चीज़ें आप रिपीट रिपीट एम्प्लॉय का नाम ऐड करके ऐड कर सकते हैं। ये थी मई की अटेंडेंस, यानी मई की अटेंडेंस 31 मई को मैंने लगा दी है पूरी टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करके। यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर देना है। फाइनली अटेंडेंस रिकॉर्ड कैसे ऐड करना है टैली के अंदर, ये आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपको करना है अभी कंट्रोल F4, पेरोल वाउचर आ जाएगा। पेरोल वाउचर के अंदर आने के बाद सबसे पहले तो डेट बदल दो आप, डेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो मैंने डेट के लिए यहाँ पे F2 बटन प्रेस किया है एंड यहाँ पे डेट के लिए मैं 31 मई ऐड कर रहा हूँ, 31 मई, क्योंकि 31 मई को हम सैलरी स्लिप जनरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे 31 मई को सैलरी स्लिप जनरेट करते समय आपको प्रेस करना है यहाँ पे अल्ट ए प्रेस करना है। अल्ट ए प्रेस करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले अल्ट ए में आएगा सैलरी। तो ये अल्ट ए होता क्या है, ये पेरोल ऑटोफिल का एक डायलॉग बॉक्स आपको दिखाता है और पेरोल में यहाँ पे डायरेक्टली आपको डिटेल्स ऐड करनी है और डायरेक्ट पेरोल की सारी स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। इसलिए अल्ट ए से आप कीजिएगा, आपको यहाँ पे एक एक लेजर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सैलरी ऊपर सेलेक्ट करना है, 1 मई से लेकर 31 में आ गया ऑटोमेटिकली पेरोल ऑटोफिल में। इंटरेस्टिंग है ये, यहाँ पे आएगा प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, इसकी जगह आपको क्या करना है, राइट साइड में लिस्ट आ चुका है, हेड ऑफिस लेना है यहाँ पे, और उसके अंदर हेड ऑफिस के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट है, परचेस, हेड ऑफिस के अंदर आपको कौन से डिपार्टमेंट की सैलरी स्लिप चाहिए, परचेस, सेल्स, या फिर पर्टिकुलर एम्प्लॉय की चाहिए, ग्रुप की चाहिए तो ग्रुप की ले सकते हैं, एम्प्लॉय की चाहिए तो एम्प्लॉय की भी ले सकते हैं। फिलहाल हम राजेश सिंह इसकी ले रहे, इस एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप यहाँ पे जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही लेंगे हम। और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग हम सॉर्ट रखेंगे। उसके बाद बैंक लेना है जो कि हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है, राइट साइड में लिस्ट में दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें भरने के बाद जैसे आप एंटर करोगे आपको दिखाई दे रहा है राजेश सिंह की सैलरी स्लिप आ चुकी है। ज़रा इसे गौर से देखते हैं, सो गौर से देखिएगा, यहाँ पे राजेश सिंह की जो सैलरी है बेसिक 29,000 आई है, लेकिन मैंने उसे 35,000 बेसिक दी थी। 29 कैसे आई, क्योंकि 5 दिन अब्सेंटी, बिल्कुल सही सोचा होगा आपने कि 5 दिन अब्सेंटी की सैलरी यहाँ पे डिडक्ट हो चुकी है। दोस्तों HRA देखिए, DA ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है, TA तो हमने दिया था फ्लैट रेट 800 रुपीज़, ओवर टाइम बिल्कुल नहीं आया क्योंकि राजेश सिंह ने बिल्कुल ओवर टाइम का काम नहीं किया यहाँ पे। PF प्रोविडेंट फंड और PT प्रोफेशनल टैक्स, राजेश सिंह ऑलरेडी अब्सेंट है, वो ओवर टाइम क्या करेगा भैया, तो उसका सैलरी यहाँ पे कम हो चुका है और टोटल आ रहा है 36,000, वो तो आपको दिखाई देगा बाद में। फिलहाल इसे आप एंटर करके चेक डिटेल्स वगैरह भर सकते हैं और इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, चेक नंबर वगैरह। ये सैलरी स्लिप नहीं बनी है, ये जस्ट सैलरी स्ट्रक्चर है जो कि पेरोल ऑटोफिल सैलरी स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। सैलरी स्लिप देखनी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बाकी है, ज़रा इंतज़ार कीजिए। अब हमारा दूसरा पेरोल का वाउचर जो है हमें बनाना है, अल्ट एफ दोबारा प्रेस कीजिए। यहाँ पे सैलरी लेंगे, मंथ लेंगे जो कि ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है, हेड ऑफिस लेंगे, अब आपको समझ में होगा यहाँ पे हमें संजय वर्मा लेना है एंड एम्प्लॉय नेम एंड ICICI बैंक, और जैसे एंटर प्रेस करेंगे लुक एट ओ हियर अगेन, यहाँ पे देखिए संजय वर्मा को 30,000 मैंने सैलरी दी थी, 30,000 आ चुके क्योंकि ये बिल्कुल अब्सेंट नहीं है और यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लियरली। HRA हाउस रेंट अलाउंस, डेयरनेस अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस सब आ रहा है, ओवर टाइम भी आ रहा है, 120 रुपीज़ हमने ओवर टाइम पर हर दिया था और 10 घंटा ओवर टाइम उसने किया है, तो 1200 टोटल ओवर टाइम आ चुका है। सो गॉट इट, PF PT भी आ रहा है और इसे हम यहाँ पे ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। ये हमने बनाया पेरोल का कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ें आपको अलग अलग बनानी, पेरोल इन्फो फिल करना है, फिर पेरोल वाउचर्स बनाने हैं और अभी आपकी सैलरी स्लिप रेडी है। जी हाँ, जैसे सैलरी स्लिप आपको चाहिए एम्प्लॉय के लिए वैसे रेडी है। करना क्या है, करना ये सैलरी स्लिप प्रिंट के लिए जाना है डिस्प्ले के अंदर, यहाँ पे जो गेटवे ऑफ टैली के अंदर डिस्प्ले रहता है इसमें जाओ, डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे पेरोल रिपोर्ट करके एक टैली के अंदर सेक्शन है, लुक एट हियर पेरोल रिपोर्ट्स, इसके अंदर कीजिएगा एंटर। एंटर करने के बाद अटेंडेंस शीट भी है, अटेंडेंस रजिस्टर भी है, स्टेटमेंट्स ऑफ पेरोल भी है। स्टेटमेंट्स ऑफ पेरोल में चले जाते हैं और पे स्लिप सबसे पहला ऑप्शन जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि पे स्लिप कैसे दिखाई देगी टैली की।
और वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था कि साले टैली के अंदर पे स्लिप बनानी। तो फिलहाल पे स्लिप पे आने के बाद सिंगल पे स्लिप और मल्टी पे स्लिप, ऐसे दो ऑप्शन है। सिंगल पे स्लिप मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आ रहे एम्प्लॉय के नाम, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज राजेश सिंह और संजय वर्मा। राजेश सिंह को मैं सिलेक्ट करके एंटर कर रहा हूँ, और जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पे आ चुकी है आपकी सैलरी स्लिप। दिखाई दे रही है आपको सैलरी स्लिप, कंप्लीट सैलरी स्लिप आ चुकी है जिसमें आपको एम्प्लॉय की डिटेल्स दिखाई दे रही है। साथ में यहाँ पे अटेंडेंस और पेड लीव भी दिखाई दे रहा है, और अर्निंग्स भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अर्निंग आ रहा है, बेसिक एचआरटी एडीए वगैरह, और राइट साइड में डिडक्शन आ रहा है। तो नीचे ग्रॉस भी आ रहा है और नेट भी सैलरी आ रहा है। तो ये टोटल सैलरी स्लिप ऐसे देख सकते हैं आप। एस्केप कीजिए, संजय वर्मा की सैलरी स्लिप देखना चाहते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटली। तो यहाँ पे समझ में आपको कैसे करना है, ये हॉरिजेंटल पे स्लिप है, आप इसे F12 बटन प्रेस कीजिए, और इसे वर्टिकल पे स्लिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल ए कीजिए। देखिए वर्टिकल पे स्लिप भी आ चुकी है आपके सामने। वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल, हॉरिजेंटल चाहिए तो हॉरिजेंटल, आपके ऊपर है। करना क्या है, बस F12 बटन प्रेस करना है, और F12 बटन प्रेस करके शो वर्टिकल पे स्लिप को नो कीजिए, हॉरिजेंटल आ जाएगी। अच्छा, इसका प्रिंट लेना है तो अल्ट पी कीजिएगा, और अल्ट पी करने के बाद यस करके देखिए प्रिंट प्रीव्यू कैसे आता है। चलिए मैं यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे यू कैन सी इट कि संजय वर्मा की पे स्लिप कैसे आ रही है। पे स्लिप दरअसल इस तरह से आपने देखी भी होगी, और ये एक्सेल में हम डिज़ाइन करते हैं, यहाँ पे हमें कोई डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, रेडीमेड क्रिएट है। और हाँ, एक बात बताऊँ कि आप बोले यार इतना लंबा प्रोसेस पे स्लिप करने के लिए, अभी आपको बस इम्प्लॉय क्रिएट करने हैं और इम्प्लॉय के अंदर डिटेल्स भरनी है, बाकी सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिक है। पहली बार जब आप पे स्लिप बनाओगे तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा अर्निंग और डिडक्शन पेड बनाने के लिए, लेकिन जब आप ये चीज़ें बना लेते हो उसके बाद इम्प्लॉय ऐड करते जाओ, उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड ऐड करते जाओ, और पे स्लिप प्रिंट करते जाओ फटाफट। तो ये था एक कंप्लीट प्रोसेस पेरोल का। मुझे लगता है कि मैंने पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर कुछ चीज़ें रह गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों मुझे जितनी चीज़ें समझानी थी मैंने समझा दिया। अगर कुछ और चीज़ें हैं आपके पास तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कुछ कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी वीडियो बनाने का। और आप ये वीडियो देखते हैं बड़े बड़े तो मुझे खुशी होती है कि यार इतने लंबे वीडियो आप देखते हो, और दोस्तों के साथ शेयर भी करते होंगे, शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक तो ऑलरेडी किया ही होगा। और ऐसे ही बड़े बड़े इंफॉर्मेटिव वाले वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आऊँगा, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं सतीश लूँगा अभी आपसे अलविदा दोस्तों, हमेशा की तरह यही कहूँगा, सीखते रहो सिखाते रहो, बाय बाय।